हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके भी पास इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट हैगा, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट की पांचों यूनिट, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो के अंदर पांचों यूनिट कवर करवाने वाला हूं, जिसके अंदर आपके एग्जाम के सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूं काफी डिटेल के अंदर। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस वन शॉट रिवीजन को, जिसके अंदर आपको पांचों यूनिट एक ही वीडियो के अंदर कवर की जाने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर 1 दिया गया है, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रास्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेसेस, इंटरनेशनलाइजेशन स्टेजेस एंड ओरिएंटेशन, मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इतना कंटेंट दिया गया है आपको आपके सिलेबस में एग्जाम के लिए जो आपके रिलेवेंट है, और यही चीजें हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आएगा मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली थ्रू द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर। ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज है, मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के साथ इंटीग्रेट कर रही है, एक कंट्री की जो इकोनॉमी है वो दूसरी कंट्री के साथ इंटीग्रेट कर रही है, और किस तरीके से कर रही है, गुड्स की मूवमेंट की वजह से, सर्विसेज की मूवमेंट की वजह से, कैपिटल की मूवमेंट की वजह से। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर ट्रेड कर रही है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है या इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके थ्रू जो इंटीग्रेशन हो रहा है सारी कंट्रीज का एक दूसरे के साथ, वो चीज कहलाती है आपकी ग्लोबलाइजेशन। द टर्म समटाइम ऑल्सो रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। ग्लोबलाइजेशन में मूवमेंट ऑफ गुड, सर्विस और कैपिटल के अलावा कई बार जब लोगों का मूवमेंट होता है, जिसे हम मूवमेंट ऑफ लेबर बोलते हैं, या फिर नॉलेज या फिर टेक्नोलॉजी का जो मूवमेंट होता है इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में, वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट बनता है। There are also broader culture, political and environmental dimension of globalization. इन सारी चीजों के अलावा ग्लोबलाइजेशन की कल्चरल डायमेंशन भी हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन भी हैं, एनवायरमेंटल डायमेंशन भी हैं, ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्री वर्ल्ड वाइड थ्रू इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इन गुड्स एंड सर्विस एंड ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो एंड ऑल्सो थ्रू द मोर रैपिड एंड वाइड स्प्रेड डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF है, उसके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन की क्या डेफिनेशन है कि जो कंट्रीज की इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है इकोनॉमी से रिलेटेड एक दूसरे पर, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंड हो रही है कैपिटल के लिए, ट्रेड के लिए, सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के लिए, ये जो इंटरडिपेंडेंस है इसकी वजह से जो इंटीग्रेशन हो रहा है वही चीज आपकी क्या ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेशन। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड इनटू वन ग्लोबल इकोनॉमी, देयर बाय रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक गैप बिटवीन द कंट्रीज। ये ग्लोबलाइजेशन की एक्चुअल डेफिनेशन है। अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप ये डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, क्या है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस। मतलब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ रहा है कंट्रीज का और उनकी इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है एक दूसरे के ऊपर, कंट्रीज की एक दूसरे के ऊपर, वो चीज कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। ये चीज, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है कि जो अलग अलग देशों की इकोनॉमीज हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक जगह पर आकर इंटीग्रेट कर रही हैं, वो चीज आपकी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन रही है। इससे क्या हो रहा है, जो सारी कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, उनके बीच में जो इकोनॉमिक गैप है, मतलब जो उनकी इकोनॉमी के बीच में गैप है, बॉर्डर का गैप है, वो सारा गैप अब खत्म होता जा रहा है ट्रेड के थ्रू। This is achieved by removing all restriction on movement of goods, service, capital, labor and technology, by removing all restriction on movement of goods, service, labor and technology between nation. और ये किसकी मदद से हो रहा है, जो गवर्नमेंट है कंट्रीज में वो रिस्ट्रिक्शन हटा रही है सारी, किस चीज पर से, कि गुड्स की मूवमेंट हो सके आराम से, सर्विसेज की, कैपिटल की, लेबर की और टेक्नोलॉजी की फ्रीली मूवमेंट हो सके, उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना रहे। इसकी वजह से जब ये सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई हैं तब ये ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन ये इंक्रीज तो हो रहा है, इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। तो नंबर 1, इंक्रीज इन कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो ग्लोबलाइजेशन एक्सपोजेस डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज टू फॉरेन कंट्री कॉम्पिटिशन। दिस पुट डोमेस्टिक कंपनीज अंडर प्रेशर टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। ग्लोबलाइजेशन की मदद से क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री एक कंट्री में आकर अपना ट्रेड कर रही हैं, एक देश की जो स्मॉल डोमेस्टिक कंट्री कंपनीज हैंगी वो दूसरी कंट्रीज में जाकर अपना बिजनेस कर रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक कंट्रीज होती कंपनीज होती हैं, मतलब किसी देश की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज के साथ कॉम्पीट करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें पर एक प्रेशर आ जाता है कि वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं और जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस करें उनके साथ कॉम्पीट करने की वजह से। तो उसकी, इससे उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसकी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब कॉम्पिटिटर से लड़ने की एक तरीके से शक्ति बढ़ती है। ग्लोबलाइजेशन हेल्प टू इंप्रूव द कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग नेशंस।
सेकंड बेनिफिट है एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी. तो फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी. इंडियन कंपनीज कैन एक्वायर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थ्रू आउटराइट परचेज और थ्रू ज्वाइंट वेंचर एंड अदर अरेंजमेंट. क्या बोला है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए सबसे ज्यादा ये बेनिफिट है, उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिल जाती है. अब ग्लोबलाइजेशन की मदद से वो क्या कर सकती है, दूसरे देश से जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें खरीद सकती है, उन्हें रेंट पर ले सकती है, ज्वाइंट वेंचर में ले सकती है और अपने देश के डेवलपमेंट के लिए उनका यूज कर सकती है. फिर है एक्सेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो ग्लोबलाइजेशन हैज अट्रैक्टेड द मच नीडेड फॉरेन कैपिटल टुवर्ड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. फॉरेन मल्टीनेशनल हैव इन्वेस्टेड बिलियन ऑफ डॉलर इन इंडिया. इन एडिशन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैव ब्रॉट इन मर्ज ह्यूज फंड इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया. एक्सेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन की मदद से क्या है, जो बाहर के देश के लोग हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर उस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, जिससे उनका भी पैसा ग्रो होता है और जिस कंट्री में पैसा लगा है उसका भी डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो इन ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट कंपनीज कैन सिक्योर चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लेबर. फॉर एग्जांपल सेवरल फॉरेन कंपनीज हैव सेट अप बीपीओ एंड कॉल सेंटर इन इंडिया ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर. समटाइम अ कंपनी में कैरी आउट इट्स एंटायर मैन्युफैक्चरिंग इन फॉरेन कंट्री टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ग्लोबलाइजेशन की मदद से क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि ग्लोबलाइज कॉम्पिटेट करने के लिए हर कंपनी यही चाहेगी कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जो लेबर की कॉस्ट है, वो कम से कम रहे, जिससे हम कॉस्ट का एडवांटेज ले सकें बाकी कंपनीज के ऊपर, बाकी इंडस्ट्रीज के ऊपर. तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है. नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. तो व्हेन द डोमेस्टिक मार्केट इज नॉट लार्ज इनफ टू एब्जॉर्ब द एंटायर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कंपनी कैन एक्सपेंड एंड ग्रो बाय एंटरिंग फॉरेन मार्केट. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में मदद करती है. अब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की मदद से नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं वो भी काफी अच्छा प्रोडक्शन करना शुरू कर देती हैं. अब डोमेस्टिक कंट्री में उनकी इतनी डिमांड नहीं होती है, तो जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, फिर जो उनका प्रोडक्शन है उसका एक्सपोर्ट करना पड़ता है, दूसरी कंट्रीज में सेल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है, उनका एक्सपेंशन होता है. फिर हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ईच कंट्री हैज स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन विच इट हैज कंपेरेटिव एडवांटेजेस. इट कैन एक्सपोर्ट इट सरप्लस आउटपुट एंड इम्पोर्ट इट्स टाइम फ्रीली फ्रॉम अदर नेशन. हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर कंपनी स्पेशलाइज हो गई है प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज बनने लगा है, कंपेरेटिव एडवांटेज उन्हें मिलने लगा है. तो फिर वो क्या करते हैं, उनका जो सरप्लस आउटपुट होता है उसे दूसरी कंट्री में सेल कर देते हैं और जिस चीज की उन्हें जरूरत होती है उस चीज का वो इंपोर्ट कर लेते हैं. इसकी वजह से ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ गया है. नेक्स्ट बेनिफिट है कंज्यूमर वेलफेयर. तो बेटर क्वालिटी एंड लो प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज विल बिकम अवेलेबल टू कंज्यूमर. ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, बेटर क्वालिटी का और कम सस्ते दामों पर, मतलब सस्ते दामों पर लोगों को गुड्स और सर्विसेज मिलनी शुरू हो गई हैं ग्लोबलाइजेशन की मदद से. दिस अलोंग विद वाइडर चॉइस इन कंजम्पशन विल हेल्प इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज. इससे क्या हुआ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके अंदर लोगों का जो रहने का जीने का तरीका है उसमें डेवलपमेंट स्टैंडर्ड हैगा, जो लिविंग स्टैंडर्ड हैगा लोगों का वो चेंज हुआ है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन विल गो डाउन. कंज्यूमर विल गो डाउन एंड कंज्यूमर ऑल्सो गेट एक्सेस टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्या हुआ है, जो पर्सन पहले बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ करते थे उनका स्टेटस चेंज हुआ है, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं और सभी लोगों के पास देश के चाहे किसी भी कोने में कोई प्रोडक्ट बन रहा हो उसकी एक्सेस है कि वो उसे खरीद सकते हैं. तो ये आपके सारे बेनिफिट थे कि ग्लोबलाइजेशन होने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका इश्यूज इन ग्लोबल बिजनेस. अब जो ये ग्लोबल बिजनेस हो रहा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो ये बिजनेस हो रहा है, इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं. तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट आएगा. तो रिसोर्स कैन बी एलोकेटेड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ गिवन ऑर्गेनाइजेशन. अ फर्म में स्टेबलाइज अ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इट में ट्रीट फॉरेन ऑपरेशन एज सेपरेट एंटिटी. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है कि अगर किसी भी बिजनेस को ग्लोबली करना होता है अपना वर्क, तो उसे अपनी एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी पड़ती है, कुछ कंट्रीज के अंदर कुछ कंट्रीज के बाहर, जिसकी वजह से उन्हें इनकी सारी मेंटेनेंस अलग अलग करनी पड़ती है. नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन. तो ग्लोबल कंपनीज आर रेज कैपिटल एंड एलोकेट देम टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन ऑपरेशन टू सपोर्ट देयर स्ट्रेटजीज. इन अर्लियर ईयर इट वाज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द फंड फ्रॉम पेरेंट टू कंपनी टू स्टेबलाइज ऑपरेशन इन फॉरेन कंट्री. नाउ अ डे रिसोर्स एलोकेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आर अवेलेबल फ्रॉम होस्ट कंट्री एंड इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट. क्या बोला है, रिसोर्स एलोकेशन क्या है, तो जो ग्लोबल कंपनीज होती हैं, मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही होती हैं, उन्हें अपनी जो डोमेस्टिक कंपनी है उन्हें भी, और जो फॉरेन में उन्होंने कंपनी स्टेबलाइज करी है दूसरी कंट्रीज में, उन्हें भी कैपिटल और रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है. पहले तो ये सारा प्रोसेस आसान होता था, लेकिन अब क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही है रिसोर्स एलोकेशन की, अलग अलग फॉरेन मार्केट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की वजह से. उन्हें वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी अवेलेबल होती हैं और कंट्रीज को अगर एलोकेट करना होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनता जा रहा है. तो ये एक दूसरा इशू है ग्लोबल बिजनेस के अंदर. नेक्स्ट है लीडरशिप. तो लीडरशिप स्टाइल वेरी अकॉर्डिंग टू नेशन एंड नेशन, हेंस अ कंपनी वांट टू हैव अ बिजनेस रिलेशन.
A leadership style calling for specific skill and technique may not work all the time in the countries. क्या है लीडरशिप स्टाइल में चेंज आता है, मतलब जो लीडरशिप होता है, स्टाइल होता है, तरीका होता है हैंडल करने का बिजनेस को, वो क्या है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। एक कंट्री के लिए अलग होता है, वही दूसरी कंट्री में उसका वो तरीके से यूज नहीं होता है, वहाँ वो चेंज होता है। तो ये इस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कंपनी को डायरेक्ट और सुपरवाइज करने में, एक कंट्री के अंदर अपनी बिजनेस को और दूसरी कंट्री के अंदर बिजनेस को अलग अलग तरीकों से उन्हें लीड करना होता है, सुपरवाइज करना होता है बिजनेस को। तो ये एक इशू आ जाता है ग्लोबल बिजनेस में। फोर्थ है का प्लान एंड पॉलिसी। तो एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम हैज एन इंपैक्ट ऑन प्लान एंड पॉलिसी फॉर इंप्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग ग्लोबल एक्टिविटी इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशन। इन फाइनेंशियल एरिया वन हैज फेस्ड मेनी फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट, करेंसी कंट्रोल, क्वार्टर, टैरिफ, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन एंड फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमेस्टिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट इफ द फर्म चूज टू गो ग्लोबल। प्लान एंड पॉलिसी कैसे इशू बनती है, अगर कोई कंपनी ग्लोबल जाना चाहती है तो उसे कई सारी पॉलिसीज को मानना पड़ता है, कई सारे प्लान्स बनाने पड़ते हैं, कई सारी स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं, काफी सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है जिस कंट्री में वो जाना चाहते हैं और या फिर जहां पर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। तो ये भी एक इशू बन जाता है जब कोई कंपनी डोमेस्टिक से ग्लोबल पर जाना चाहती है। तो ये चार इशू आपको डिस्कस करें हैं कि एक ग्लोबल बिजनेस बनने में या इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने में क्या क्या इशूज आपके आते हैं। अब है इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रास्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस को डोमेस्टिक बिजनेस के साथ कंपेयर करा है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट के बेसिस पर, तो द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल, कॉम्पिटेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर वेल नोन इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस ड्यू टू फैमिलियरिटी ऑफ ज्योग्राफी एंड प्लेस ऑफ ऑपरेशन। जो एक डोमेस्टिक बिजनेस होता है उसके अंदर आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल और कॉम्पिटेटिव और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है क्योंकि आप उन सारी चीजों से फैमिलियर होते हैं। In international operation, the various aspects of macro external environment are not fully known unless the business is stabilized and create a place for itself in market. लेकिन वहीं एक इंटरनेशनल ऑपरेशन करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कितनी सारी नॉलेज नहीं होती है, जब तक आप अपना वहाँ पर बिजनेस स्टेबलाइज नहीं कर लेते हैं और थोड़ा आपको टाइम नहीं हो जाता है बिजनेस चलाते हुए, तब तक आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं हो पाती है। तो दस नंबर ऑफ इन नंबरेबल हिडन एनवायरमेंटल फैक्टर में इमर ड्यूरिंग द सेटलमेंट ऑफ पीरियड विच में पोज प्रॉब्लम। तो इंटरनेशनल बिजनेस स्टेबलाइज करते समय आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, ये सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। सेकेंड है प्लान एंड स्ट्रेटेजी के बेसिस पर, तो प्लान एंड स्ट्रेटेजी आर जनरली वर्कड आउट फॉर शॉर्ट टर्म, द शॉर्ट टर्म प्लान आर लिंक टुगेदर एंड कैरियड फॉरवर्ड इन टू लॉन्ग रन, द इनवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल एज डोमेस्टिक बिजनेस ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन इन केस। क्या बोला है, जो प्लान्स एंड स्ट्रेटेजी होती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं, फिर वही शॉर्ट टर्म प्लान को लिंक करके क्या करा जाता है, लॉन्ग रन में उनका यूज करा जाता है। ये पॉसिबल हो पाता है आपका डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर क्योंकि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ओनली अ वेल थॉट आउट प्रूवन प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म बाउंड प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी वर्क। लेकिन अगर आपको कहीं इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो आप ऐसे ही बिना किसी प्रैक्टिकल प्रूवन टर्म स्ट्रेटेजी के ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि आपको वहाँ एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़े, कॉस्ट इन्वॉल्व होने वाली है। तो अगर आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी से आप कंफर्म है, प्रूव्ड है वो स्ट्रेटेजी, तभी आप बाहर कहीं कब पर इंटरनेशनल बिजनेस स्टेबलाइज करते हैं। बिना एक प्रूवन स्ट्रेटेजी के आप ऐसे बिजनेस स्टेबलाइज नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। फिर आएगा कॉम्पिटिशन, तो द कॉम्पिटेटिव फोर्स ऑपरेटिंग इन डोमेस्टिक बिजनेस एनवायरमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल बाउंड्री, द मूवमेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव फोर्स देन दस कैन बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड मोर क्लियरली। डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है, जो कॉम्पिटेटिव फोर्सेज होते हैं वो एक लोकल बाउंड्री के लिमिट में रहते हैं, तो आप उन्हें एनालाइज कर पाते हैं, उनको अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कॉम्पिटेटिव फोर्सेज आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल बाउंड्री, दे एक्सटेंड ओवर सेवरल कंट्री, देयर बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एनालाइज देयर मोटिव एंड मूवमेंट। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के केस में वो लोकल लिमिट तक, लोकल बाउंड्री तक लिमिट नहीं रहते हैं, वो सारी कंट्रीज के बेसिस पर चलते हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनकी मूवमेंट को एनालाइज करना, उनकी मूवमेंट को समझना। नेक्स्ट है डिफरेंस इन करेंसीज, तो देर आर ओनली वन करेंसी एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द कंट्री एंड देयरफॉर देर आर नो डिफिकल्टी इन मेकिंग पेमेंट इन इंटरनल ट्रेड, बट ईच कंट्री हैज इट्स ओन मॉनेटरी सिस्टम विच डिफर फ्रॉम अदर। क्या बोला है, डोमेस्टिक करेंसी ट्रेड के अंदर, डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर आपकी पूरी कंट्री में एक ही करेंसी चलती है, तो आप इजिली ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। लेकिन ऑल पेमेंट फॉर इम्पोर्ट आर टू बी मेड इन एक्सपोर्टिंग कंट्री करेंसी विच इज नॉट फ्रीली अवेलेबल इन इम्पोर्टिंग कंट्री, द स्कार्सिटी ऑफ फॉरन करेंसी में समटाइम लिमिट द साइज ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम द कंट्री। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, अगर आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता है तो आपको उस दूसरी वाली कंट्री की करेंसी में करना होता है, तो इस केस में क्या हो जाता है, कई बार ये जो साइज ऑफ इंपोर्ट होता है उस पर लिमिट लगा देता है और इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने में ये एक रिस्ट्रिक्शन बन जाता है। नेक्स्ट है टैरिफ एंड क्वार्टर्स, तो टैरिफ रेट एंड क्वार्टर इम्पोज्ड बाय वेरियस कंट्री ऑन देयर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डू नॉट डायरेक्टली एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक बिजनेस ऑपरेशन। जो ये टैरिफ एंड क्वार्टर होते हैं ये कहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाए जाते हैं, तो इससे डोमेस्टिक बिजनेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। The international business are directly and significantly influenced by tariff rate imposed by various countries.
लेकिन जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसके अंदर टैरिफ एंड कोटा का बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस होता है। इसके बेसिस पर काफी सारे डिसीजन लिए जाते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को डायरेक्टली और सिग्निफिकेंटली। ऑल्सो दे हैव टू ऑपरेट विद इन द क्वाटा ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इम्पोज्ड बाई कंट्री, और उन्हें क्वाटा में रहकर ही काम करना होता है। जितनी लिमिट बताई गई होती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की, उतना ही वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। तो ड्यू टू पास्ट सक्सेस प्रूवन ट्रैक एंड रिपोर्ट रिकॉर्ड एंड स्टेबलाइज सिस्टम बिजनेस कैन प्रॉस्पर इवन इफ ह्यूमन रिसोर्स है मिनिमम स्किल एंड नॉलेज। द टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मच सिंपलर इन डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है, पहले की सक्सेस से प्रूवन तरीकों से आपको पता होता है कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है। तो अगर कम स्किल और नॉलेज वाले भी ह्यूमन रिसोर्स होते हैं तो आपका काम चल जाता है डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर। लेकिन द इंटरनेशनल बिजनेस रिक्वायर मल्टीलिंगुअल मल्टी स्ट्रेटेजिक मल्टी कल्चरल ह्यूमन रिसोर्स टू हैंडल वेरियड रिस्क स्प्रेड ओवर कंट्रीज। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपको अलग अलग लैंग्वेज जानने वाले, अलग अलग स्ट्रेटेजी जानने वाले, अलग अलग कल्चर के लोगों की जो मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, जो कि एक बहुत ज्यादा रिस्की टास्क हो जाता है। दस द टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स, और ये एक कॉम्प्लेक्स तरीका होता है इतने अलग अलग तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। तो डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस ऑपरेशन कैन स्टार्ट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक बिजनेस में क्योंकि उनका साइज छोटा होता है तो हम कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी डोमेस्टिक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल लोकल बिजनेस इज लिमिटेड। इसके अंदर जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, कंप्लायंसेज वगैरह होती हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, कम ही होती हैं। ऑन द अदर एंड ओवरसीज ऑपरेशन एक्सपोर्ट कॉल फॉर ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू सेटअप एंड एक्सपेंड द बिजनेस इन मेनी कंट्री। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर हमें एक्सपोर्ट वगैरह करना होता है, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना होता है, तो उसके लिए हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को दूसरी कंट्री तक पहुंचाने के लिए। स्पेशल रेगुलेटरी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ सिंस फॉरेन करेंसी इज ट्रांजेक्टेड, और फॉरेन करेंसी में ये ट्रांजेक्शन होती हैं तो इसमें कई सारी अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, वो भी इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक। तो डोमेस्टिक कंट्री में इन्वॉल्व यूज ऑफ कन्वेंशनल लॉजिस्टिक मेथड ऑफ इंगेजिंग डोमेस्टिक प्लेयर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड रीचिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो कन्वेंशनल लॉजिस्टिक मेथड होता है वो यूज करा जाता है रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए और फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस इंगेजेस इंटरनेशनल प्लेयर इन्वॉल्विंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम फॉर इफेक्टिव लॉजिस्टिकल ऑपरेशन। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में आपको अगर लॉजिस्टिक का यूज करना है तो आपको एडवांस तरीकों का, एडवांस सिस्टम का यूज करना पड़ेगा लॉजिस्टिक ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर होता है और काफी डिस्टेंस का होता है, इस वजह से आपको एडवांस चीजों का यूज करना पड़ता है उसके अंदर। फिर है अप्रोच। तो डोमेस्टिक बिजनेस अप्रोच इज एथोसेंट्रिक, इट मींस दैट डोमेस्टिक कंप्लेंट फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी प्रोडक्ट डिजाइन टुवर्ड नेशनल मार्केट कंज्यूमर एंड कॉम्पिटिटर। क्या बोला है, डोमेस्टिक बिजनेस की जो अप्रोच होती है वो एथोसेंट्रिक होती है, मींस उन्हें वही चीज बनानी होती है जो उनकी कंट्री में डिमांड करी जा रही है, जो कस्टमर को चाहिए, और कॉम्पिटिटर को के अकॉर्डिंग उन्हें ये देखकर बनानी होती है। इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोच कैन बी पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। अंडर पॉलीसेंट्रिक अप्रोच इंटरनेशनल बिजनेस एंटर फॉरेन मार्केट बाय स्टेबलाइजिंग फॉरेन सब्सिडरीज। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो बिजनेस की अप्रोच होती है वो पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक होती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉरेन मार्केट में अगर एंटर करना होता है किसी बिजनेस को तो अपनी सब्सिडरीज के थ्रू एंटर करता है वो। तो ये आपके 9 डिफरेंस हो गए एक डोमेस्टिक बिजनेस और एक इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या क्या आपके डिफरेंसेज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। मतलब अगर हमें एक बिजनेस को डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेजेस फॉलो करनी पड़ती हैं। पहला है फर्स्ट स्टेज, एक्सपोर्टिंग इज द फर्स्ट स्टेज एंड इट आल्सो द लास्ट कमिटेड मोड ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। सबसे पहला तरीका क्या है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का, एक्सपोर्ट हैगा। इट इज यूज्ड बाय फर्म यूजिंग एन इंटरनेशनल और ग्लोबल स्ट्रेटेजी वेयर द लोकल रिस्पॉन्सिव इज लो। डोमेस्टिक कंपनी मूव इनटू न्यू मार्केट ओवरसीज बाय लिंकिंग अप विद लोकल डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। इसके अंदर क्या करती है, जो डोमेस्टिक कंपनी होती है वो नई मार्केट में एंटर करने के लिए लोकल डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप करती है और इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करती है। सेकंड स्टेज है एज फर्म कमिटमेंट टू अ मार्केट इज इंक्रीज इट विल मूव टू सेकंड स्टेज एंड इंट्रोड्यूस सम मोर मार्केटिंग फंक्शन इनटू द कंट्री। अब अगर एक बार फर्म फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेती है उसके बाद वो क्या करती है, अपने जो मार्केटिंग फंक्शन है उसे इंक्रीज करती है। दिस मे नाउ बी एसोसिएटेड विद एनी ऑफ अदर फोर मोड डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ कमिटमेंट। इसके बाद आपको जो एंट्री के तरीके हैं उनमें से बाकी के जो चार तरीके हैं वो बताए जाएंगे अभी आगे आपको, उन चार तरीकों को अपनाती है। इट में ऑल्सो इंडिकेट दैट द फर्म इज मूविंग टुवर्ड अ मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी। इससे साफ पता लग जाता है कि फर्म कैसी स्ट्रेटेजी अपना रही है, मल्टी डोमेस्टिक, मतलब अब एक से ज्यादा कंट्री में फर्म ऑपरेट होना चाह रही है। थर्ड स्टेज है इन द नेक्स्ट स्टेज द डोमेस्टिक बेस्ड कंपनी बिगिन टू कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग इन की फॉरन मार्केट। थर्ड स्टेज में कंपनी क्या करती है, अब दूसरी कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेबलाइज कर लेती है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है। द लाइसेंसिंग ज्वाइंट वेंचर और सब्सिडियरी मोड में भी यूज, इसके अंदर वो क्या क्या तरीके अपनाती है मैन्युफैक्चरिंग का, या तो लाइसेंसिंग ले लेती है या ज्वाइंट वेंचर करके मैन्युफैक्चरिंग करती है या सब्सिडियरी के तरीके से।
इट मे इंडिकेट अ मूव टू मोर मल्टी डोमेस्टिक और ग्लोबल स्ट्रेटेजी फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी ऑल्दो मेनी कंपनी फॉलोइंग एन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी है मैन्युफैक्चरिंग ओवरसीज, क्योंकि जो ज्यादातर कंपनीज होती हैं जो इंटरनेशनली अभी ऑपरेट कर रही हैं उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग ओवरसीज होती है, मतलब दूसरी कंट्री में उनका प्रोडक्शन हो रहा होता है। फोर्थ स्टेज क्या होती है? द फोर्थ स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ट्रांसफर ऑफ अदर हेड ऑफिस फंक्शन टू सब्सिडरीज। अब क्या है, अभी तक सिर्फ सब्सिडरी बनाई थी, अब उसमें दूसरे दूसरे फंक्शंस भी ऐड करे जाएंगे, उस सब्सिडरी के सारे अपने हेड फंक्शन उसी कंट्री में स्टेबलाइज कर दिए जाएंगे। इन स्टेज फोर द कंपनी मूव टू अ फुल इनसाइडर पोजीशन इन दिस मार्केट, अब पूरी पोजीशन लेने के लिए रेडी होती है, सपोर्टेड बाय अ कंप्लीट बिजनेस सिस्टम, उनका पूरा एक बिजनेस सिस्टम बनाया जाता है उस सब्सिडरी का, R&D डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड जितने भी सारे होते हैं। दिस स्टेज कॉल द मैनेजर टू रेप्लीकेट इन न्यू एनवायरमेंट द हार्डवेयर सिस्टम एंड ऑपरेशनल अप्रोच दैट हैव वर्क्ड सो वेल एट होम। इसके अंदर मैनेजर का सबसे बड़ा रोल होता है ये सारी स्टेप करने के लिए। फिफ्थ स्टेज आती है हमारी, इन द फिफ्थ स्टेज द कंपनी मूव टुवर्ड अ जेन्युइनली ग्लोबल मोड ऑफ ऑपरेशन। फिफ्थ स्टेज में अब कंपनी पूरी तरह से तैयार होती है ग्लोबल मोड लेने के लिए ऑपरेशन में। द फिफ्थ स्टेज इज टू ट्रांसफर फंक्शन बैक टू सेंटर, द सेंटर में नॉट बी द हेड ऑफिस बट सब्सिडरी दैट शोन अ प्लेयर फॉर अ कॉम्पिटेंस। अब क्या होता है, इस मूव में जो सब्सिडरी बनाई होती है वो हेड ऑफिस बन जाती है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक मेन कंपनी बन जाती है, और जिस कंपनी ने इसे बनाया होता है वो इसकी एक तरीके से सब्सिडरी का काम करने लगती है। द फंक्शन ट्रांसफर्ड बैक मे बी ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अदर शेयर्ड सर्विस ऑपरेशन, R&D बैक टू स्मॉल नंबर ऑफ साइट टू बेटर एक्सप्लॉइट सिनर्जी। देयर इज अ सम एविडेंस दैट इज स्टार्टिंग टू ऑकर स्पेशली इन कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री सच एज कार एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या बोला है, यहाँ पर कई सारे ऐसे एविडेंस है जिनसे ये पता लगता है, कई सारी कार की कंपनी है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है। देयर इज सम एविडेंस ऑफ इट ऑकरिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के भी इसके कई सारे एविडेंसेज मिलते हैं। ये था आपका पांच स्टेजेस होती हैं कि किस तरीके से एक कंपनी का इंटरनेशनलाइजेशन होता है। फिर आता है आपका रिस्क कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, की एक इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क, तो मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट पॉलिटिकली स्टेबल एंड ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर डज नॉट हैपन इन स्मूथ वे इन दिस कंट्री। कई सारी कंट्रीज होती हैं उनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पावर का पूरा सपोर्ट उन बिजनेसेस को नहीं मिल पाता है। देयरफॉर कंपनी डूइंग बिजनेस इन दिस कंट्री में हैव रिस्क इन न्यू पॉलिटिकल रिजीम, और पॉलिटिकल रिजीम चेंज होते ही इन कंट्रीज के बिजनेसेस को रिस्क होता है उनमें चेंजेस आने का या उनके बंद होने का। नेक्स्ट है कल्चरल एंड मैनेजरल रिस्क, तो कंट्री डिफर वाइडली इन टर्म ऑफ कल्चर कैरेक्टरिस्टिक लाइक कस्टमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट एटीट्यूड टुवर्ड सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ट्रेडिशन वैल्यू एंड बिलीफ एंड अ होस्ट ऑफ अदर कल्चर फैक्टर, देयरफॉर प्रोडक्ट सर्विस हैव टू बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू सच रिक्वायरमेंट। कल्चरल एंड मैनेजरल रिस्क क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि कंपनी देंगी उनका, अगर ऐसी कंपनी है जहाँ पर कई तरीके के कल्चर होते हैं, अलग अलग लोगों की प्रेफरेंस है, अलग अलग टेस्ट है, एटीट्यूड है, ट्रेडिशन है, वैल्यू है, तो कंपनी को उसमें अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं उनको भी उसी तरीके से चेंज करना होता है, अगर नहीं कर पाते तो फिर उन्हें रिस्क होता है कि वो शटडाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सचेंज रिस्क, तो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी सिस्टम एज करेंसी ऑफ वन कंट्री इज नॉट सर्कुलेशन इन अनदर कंट्री, देयरफॉर वन करेंसी इज एक्सचेंज विद अनदर करेंसी एट सम रेट द एक्सचेंज रेट कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग कॉजिंग रिस्क ऑफ लॉस टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल बिजनेस। एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, अब अगर कंपनी को ग्लोबली बिजनेस करना है तो एक कंट्री की जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री में एप्लीकेबल नहीं होती है, उसे एक्सचेंज करवानी पड़ती है, और जो ये एक्सचेंज रेट होते हैं ये हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो इसकी वजह से जो बिजनेसेस होते हैं उन्हें लॉस का चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि करेंसी रेट फ्लक्चुएट होने से कभी तो फायदा होता है लेकिन लॉस जो होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है कभी कभार। फिर है क्रेडिट रिस्क, तो इट इज द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू डेटर्स नॉन पेमेंट ऑफ लोन और अदर लाइन ऑफ क्रेडिट, इट इज डिफिकल्ट टू एसर्टेन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फॉरेन बायर, वेयर अ फॉरेन बायर गोज बैंकक्रप्ट द बैंक डोमेस्टिक एक्सपोर्टर फेस ग्रेट लॉस। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, अब हमें अपनी कंट्री के एक्सपोर्टर मतलब बायर के बारे में तो पता होता है एक बार को, लेकिन जो फॉरेन बायर है उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है कि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, कई बार वो क्या करते हैं डिफॉल्ट कर जाते हैं पेमेंट में, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंपनी होते हैं उसके जो सप्लायर होते हैं और एक्सपोर्टर होते हैं उन्हें काफी ज्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट रिस्क, तो ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज गुड्स आर डिस्पैच्ड बाय शिपिंग और एयरवेज, सी एंड ट्रांसपोर्ट आर एक्सपोज टू मेनी टाइप्स ऑफ एडिशनल रिस्क। ट्रांसपोर्ट रिस्क होता है क्योंकि इनमें डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो जो गुड्स होते हैं वो सी के थ्रू शिपिंग या एयरवेज के थ्रू करी जाती है, मतलब भेजे जाते हैं, तो फिर इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में कई सारी तरीके के डैमेजेस होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। फिर आता है मार्केट रिस्क, तो कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट इज सीवियर एंड मार्केट कंटिन्यूस चेंज फ्रीक्वेंटली, इट मे नॉट पॉसिबल फॉर अ फर्म टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट। मार्केट रिस्क क्या होता है, जिस एनवायरमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं और डोमेस्टिक जो बिजनेस होते हैं उनके लिए उसको एक तरीके से कॉप अप करना, एडेप्ट कर पाना उन चेंजेस को काफी बार कई ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी बना देता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। तो देखिए पहला मोड होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर करने का, ये हैगा बेसिकली कि हमें अगर एक डोमेस्टिक बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहला आता है एक्सपोर्टिंग, तो एक्सपोर्टिंग इज द इजिएस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मोड ऑफ
एंटरिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। अगर इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना है तो उसके लिए सबसे पहला जो तरीका है वो एक्सपोर्टिंग है। एक्सपोर्टिंग इंक्लूड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर। एक्सपोर्टिंग के अंदर तीन तरीके की एक्सपोर्टिंग होती है, एक तो इनडायरेक्ट तरीके से जो हम करें एक्सपोर्टिंग, एक डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर। एक्सपोर्टिंग का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जब एक कंट्री का मतलब हमारा सामान दूसरी जगह पर जाके बिके, आउट ऑफ कंट्री बिके, उसे एक्सपोर्टिंग कहते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इज एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट आइदर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म और इन मॉडिफाइड फॉर्म टू अ फॉरेन कंट्री थ्रू अनदर डोमेस्टिक कंपनी। एक ये तरीका है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे ही इतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो हम किसी और डोमेस्टिक कंपनी का सहारा लेकर अपना जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री में बेचते हैं, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। इट इज अ मार्केट एंट्री टेक्निक विच ऑफर लोवेस्ट रिस्क एंड लीस्ट मार्केट कंट्रोल। इसके अंदर हमारा जो रिस्क होता है वो लो होता है और जो मार्केट कंट्रोल होता है वो भी कम होता है। द फर्म इज नॉट एंगेज्ड इन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड नॉन स्पेशल एक्टिविटीज कैरीड ऑन विद इन द फर्म। इसके अंदर जो फर्म होती है वो इंटरनेशनल मार्केट में एंगेज नहीं होती है और यहाँ पर कोई भी स्पेशल एक्टिविटी नहीं होती है, जैसे नॉर्मल चल रहा होता है हमारा, वो सब कुछ चलता रहता है। सेकंड आती है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इज सेलिंग द प्रोडक्ट टू अ कंट्री डायरेक्टली इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट और थ्रू अ होस्ट कंट्री कंपनी। इसके अंदर हम डायरेक्टली सेल करते हैं अपनी कंपनी के थ्रू, तो वो आता है आपका डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में। नेक्स्ट आता है इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर। तो इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर मीन्स सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय अ कंपनी टू इट्स एफिलिएटेड इन होस्ट कंट्री। इसके अंदर क्या होता है, एक कंपनी अपनी दूसरी कंपनी जो दूसरी कंट्री में स्टेबलाइज है उसको सेल करती है, फिर उस कंपनी के थ्रू उस कंट्री में वो प्रोडक्ट सेल होता है, तो वो कहलाता है इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपनी में ही ट्रांसफर। ये था आपका फर्स्ट तरीका एक्सपोर्ट मतलब इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का। नेक्स्ट तरीका आता है आपका लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग इज द मेथड ऑफ फॉरन ऑपरेशन वेयर बाय अ फर्म इन वन कंट्री एग्री टू परमिट अ कंट्री अनदर कंट्री टू यूज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ट्रेडमार्क नो हाउ एंड सम अदर स्किल प्रोवाइडेड बाय लाइसेंसर। लाइसेंसिंग क्या होता है, ये एक तरीके का तरीका होता है जिसके अंदर जो एक कंपनी फर्म होती है एक कंट्री की, वो दूसरी कंट्री को परमिट दे देती है कि तुम हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ट्रेडमार्क और नो हाउ का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग मतलब चीजें बना सकते हो और उसे सेल कर सकते हो, तो वो कहलाती है आपकी लाइसेंसिंग। द लाइसेंसर हैज मिनिमम इन्वॉल्वमेंट इन डे टू डे फंक्शन। जो लाइसेंस देता है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है उस चीज में। Therefore, the return are also comparative low. The domestic company can choose any international location and enjoy the advantage without incurring any obligation and responsibility of ownership, managerial and investment. इसके अंदर जो domestic country होती है, मतलब जो अपने आप को international करना चाह रही है, वो बिना किसी problem के एक location choose करती है और उसका advantage उठाती है, ना तो उस पर कोई obligation होती है, ना ही कोई responsibility होती है ownership की, ना ही managerial responsibility, ना ही कोई investment की दिक्कत होती है, ठीक है। लाइसेंसी गिव द फॉलोइंग एडवांटेज। अब एक लाइसेंसी के एडवांटेज का क्या होते हैं, नंबर वन गुड वे टू स्टार्ट इन फॉरेन ऑपरेशन एंड ओपन द डोर टू लो रिस्क मैन्युफैक्चरिंग रिलेशनशिप। ये क्या है, एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम फॉरेन ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ग्लोबल हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इट ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ इन लाइसेंसी कंट्री। इसके क्या होता है, जो लाइसेंसी कंट्री मतलब जो कंट्री लाइसेंस दे रही है उसकी कंट्री में नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नो हाउ आती है। नेक्स्ट है लिंकेज ऑफ पेरेंट एंड रिसीविंग पार्टनर इंटरेस्ट मींस बोथ गेट मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट। इसके अंदर जो पेरेंट कंपनी होती है और जो रिसीविंग पार्टनर होता है, इन दोनों का इंटरेस्ट होता है, तो दोनों को ही कुछ ना कुछ मिलता है। नेक्स्ट है कैपिटल नॉट टाइड अप इन फॉरेन ऑपरेशन एंड ऑप्शन टू बाय इनटू पार्टनर एग्जिट और प्रोविजन टू टेक रॉयल्टी इन स्टॉक। इसके अंदर कैपिटल के साथ कोई टाई अप नहीं होता है, कैपिटल से कोई रिलेशन नहीं होता है, जो भी होता है वो किस चीज से होता है, रॉयल्टी मिलती है। नेक्स्ट है सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो क्या होते हैं, तो नंबर वन लिमिटेड फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन, तो टू लेंथ ऑफ एग्रीमेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोसेस और ट्रेडमार्क। इसके अंदर जो होते हैं पार्टिसिपेशन की, वो एक लिमिट होती है कि कुछ ही चीजें लिखी गई होती है एग्रीमेंट में, मतलब जो जो चीजें एग्रीमेंट में मेंशन होती हैं उतनी चीजें कर सकते हो, कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना, स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू बनाना, और ट्रेडमार्क भी उसका एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल रिटर्न फ्रॉम मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी लॉस्ट। इसमें क्या होता है, जो मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग में आपका रिटर्न आता है वो कई बार लॉस्ट हो जाता है, नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है पार्टनर डेवलप नो हाउ एंड सो साइलेंस सो लाइसेंस इज शॉर्ट। इसके अंदर जो पार्टनर होता है सिर्फ उसे ही नो हाउ, मतलब कि क्या चीज बनानी है, किस तरीके से बनानी है, वो सिर्फ लाइसेंस के पार्टनर को पता होता है। इससे क्या होता है, लाइसेंस शॉर्ट होता है, क्योंकि जितनी चीजों के लिए सिर्फ लाइसेंस होगा उतनी ही चीजें समझ पाते हो। नेक्स्ट है लाइसेंसी बिकम कॉम्पिटिटर एज वंस नो हाउ इज ट्रांसफर देयर इज अ रिस्क दैट फॉरेन फर्म मे एक्ट ऑन इट्स ओन। अब कई बार क्या होता है, इसके अंदर लॉस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस होता है, कैसे, क्योंकि जो हमारा लाइसेंसी है मतलब जिसे लाइसेंस दिया है वो ही हमारा कॉम्पिटिटर बन जाए। अभी उस पर हमने सारी चीजें सिखा दी, अब वो बाद में हमसे अलग होकर हमारा कॉम्पिटिटर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है रिक्वायर कंसिडरेबल फैक्ट फाइंडिंग प्लानिंग इन्वेस्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन। और इसको करने के लिए लाइसेंसिंग लेने से पहले हमें कई सारी चीजें फैक्ट के बारे में समझना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, उनसे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है और इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये था आपका लाइसेंसिंग का कंसेप्ट, ये सेकंड हो गया आपका।
थर्ड तरीका है जो फॉरेन मार्केट में एंटर करने का, वो होता है फ्रेंचाइजिंग का। तो फ्रेंचाइजिंग रेफर्स टू द मेथड ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंड यूज प्रैक्टिसिंग एंड यूजिंग अनदर पर्सन बिजनेस फिलोसॉफी। फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, किसी और पर्सन की बिजनेस फिलोसॉफी का हम यूज करें। मतलब किसी और पर्सन ने कोई अपना बिजनेस खोला है, कोई चीज खोली है, अब उसकी वही चीज अपनाकर हम उसकी फ्रेंचाइजी ले लें और उसके बिहाफ पर हम भी बिजनेस करें, उसके प्रोडक्ट को सेल करें, तो वो कहलाती है फ्रेंचाइजिंग। द फ्रेंचाइजर ग्रांट द इंडिपेंडेंट ऑपरेटर द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट टेक्निक एंड ट्रेडमार्क फॉर अ परसेंट ऑफ ग्रॉस मंथली सेल एंड अ रॉयल्टी फी। इसके अंदर क्या होता है, फ्रेंचाइजर मतलब जो पर्सन फ्रेंचाइजी दे रहा होता है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग दे देता है कि तुम हमारा कितना भी प्रोडक्ट बेचो, कैसा भी बेचो, हमारी टेक्निक का यूज करो, हमारी ट्रेडमार्क का यूज करो, सब कुछ यूज कर सकते हो और हमें उसके बदले में आपको मंथली सेल्स का एक ग्रॉस परसेंटेज और रॉयल्टी फी देनी पड़ेगी। Various tangible and intangible such as notional and international advertising, training and other support services are commonly made available by the franchisor। जो franchisor होता है वो कई तरीके के tangible things भी मतलब setup वगैरह भी provide करवाता है, साथ में intangible चीजें मतलब advertising, training ये सारी चीजें भी provide करवाता है। एग्रीमेंट में टिपिकल लास्ट फ्रॉम 5 to 30 ईयर। इसका जो मिनिमम एग्रीमेंट होता है वो 5 साल का होता है और जो एक्सटेंड कब तक हो सकता है, 30 साल तक की फ्रेंचाइजी आपको मिल सकती है। अब फ्रेंचाइजर कौन होता है, तो सिलेक्ट फ्रेंचाइजी एंड प्रोवाइड फ्रेंचाइजर द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसीव द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ट्रेडमार्क, प्रोडक्ट रेपुटेशन एंड रॉयल्टी फ्रॉम द सपोर्ट सिस्टम लाइक फ्रेंचाइजी फॉर प्रोवाइडिंग द एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉइंग ट्रेनिंग एक्सपर्टीज, ब्रांड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, रेपुटेशन टू फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो पर्सन होता है जो अपने बिजनेस की एक तरीके से अथॉरिटी किसी और को दे देता है कि हाँ तुम मेरे व्यापार मेरे नाम से बिजनेस कर सकते हो, तो उस पर्सन को कहा जाता है फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजी कौन होता है, एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्री टू फॉलो फ्रेंचाइजर रिक्वायरमेंट लाइक अपीयरेंस, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कस्टमर सर्विस अंडर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, सम पे अ फिक्स्ड अमाउंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड अंडर रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल्स टू एग्रीमेंट ऑफ द फ्रेंचाइजर। और फ्रेंचाइजी कौन पर्सन होता है, वो पर्सन जो कि क्या करता है, फ्रेंचाइजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका बिजनेस एक तरीके से ऑपरेट करने लग जाता है, जो मतलब एक तरीके से फ्रेंचाइजी लेता है, जो उसके बदले में रॉयल्टी पे करता है, जो भी उसको सेल्स होती है ये फिक्स्ड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, अब एक फ्रेंचाइजर के लिए क्या क्या एडवांटेज होते हैं कि अगर कोई पर्सन फ्रेंचाइजर बनता है तो उसको क्या क्या एडवांटेज मिलता है। सबसे पहला एक्सपेंशन, तो आफ्टर द ब्रांड एंड फॉर्मूला आर केयरफुली डिजाइंड एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, फ्रेंचाइजर आर एबल टू सेल फ्रेंचाइजी एंड एक्सपेंड रैपिडली अक्रॉस कंट्री एंड कॉन्टिनेंट यूजिंग द कैपिटल एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर फ्रेंचाइजी। क्या बोला है, एक्सपेंशन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जब एक ब्रांड बन जाती है और कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो अब उसको क्या करना होता है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो फिर फ्रेंचाइजर अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी के थ्रू बढ़ा सकता है, जिसके अंदर वो अलग अलग जगहों पर अपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करवा सकता है और अपना प्रोडक्ट भी वहां तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है लीगल कंसीडरेशन, तो फ्रेंचाइजर इज रिलीव्ड ऑफ मेनी ऑफ द मैंडेट ड्यूटी नेसेसरी टू स्टार्ट अ न्यू आउटलेट सच एज ऑब्टेनिंग द नेसेसरी लाइसेंस एंड परमिट इन सम ज्यूरिडिक्शन, सर्टेन परमिट आर मोर इजिली ऑब्टेंड बाय लोकली बेस्ड ओनर ऑपरेटर टाइप एप्लीकेंट। क्या होता है लीगल कंसीडरेशन, कि अब कई सारे बिजनेस शुरू करने के लिए किन चीज की लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत पड़ती है, जो वहाँ का एक जो लोकल पर्सन होगा वो इजिली करवा सकता है एज कम्पेयर टू कोई बाहर का पर्सन हो। तो जो फ्रेंचाइजर होता है अगर किसी दूसरी कंट्री में उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़े तो उसे काफी सारी फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अगर वहीं अपनी वो फ्रेंचाइजी सेल कर दे तो जो वहाँ का लोकल पर्सन होगा जो उसकी फ्रेंचाइजी खरीदेगा वो ये सारी चीजें आसानी से करवा सकता है, तो ये एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल कंसीडरेशन, तो फ्रेंचाइजी आर सेट टू हैव अ ग्रेट इंसेंटिव देन डायरेक्ट एम्प्लॉय टू ऑपरेट देयर बिजनेस सक्सेसफुली, द नीड ऑफ फ्रेंचाइजर टू क्लोजली स्क्रूटनाइज द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ फ्रेंचाइजी इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। ऑपरेशनल कंसीडरेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई एक जो फ्रेंचाइजी ले रहा है पर्सन वो चाहेगा अपना बिजनेस लगाना तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो फ्रेंचाइजर के बिजनेस को एक तरीके से ऑपरेट करता है तो इसका तो पहले से ही ब्रांड नेम होता है, तो उसका बेनिफिट फ्रेंचाइजी को भी मिल जाता है। अब एक फ्रेंचाइजी के क्या बेनिफिट एडवांटेजेस होते हैं, मतलब फ्रेंचाइजी के लिए क्या क्या एडवांटेज होंगे फ्रेंचाइजी लेने के, तो पहला है एम्प्लॉयमेंट, तो एज प्रैक्टिस्ड इन रिटेलिंग फ्रेंचाइजिंग ऑफर फ्रेंचाइजी द एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस क्विकली बेस्ड ऑन प्रूवन ट्रेडमार्क एंड फॉर्मूला ऑफ डूइंग बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है एकदम से, मतलब अगर कोई पर्सन फ्रेंचाइजी खरीदता है तो उसे प्रूवन ट्रेडमार्क मतलब पहले से जो एक बिजनेस सेटअप है ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर वो पूरा बिजनेस मिल जाता है चलाने को, जिससे उसे एक तरीके से इनकम होने लगती है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्टीज प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर द फ्रेंचाइजी मे एबल टू टेक देयर फ्रेंचाइज्ड बिजनेस टू अ लेवल व्हिच दे वुड नॉट हैव बीन एबल विदाउट द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ देयर फ्रेंचाइजर। एक्सपेंशन होता है मतलब अगर किसी पर्सन ने फ्रेंचाइजी ली है उसके पास अगर नॉलेज नहीं है बिजनेस को चलाने की, तो फ्रेंचाइजर उसे वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, नॉलेज, स्किल्स, ट्रेनिंग, सारी चीजें, जिससे क्या हो वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके, उससे फ्रेंचाइजर का भी फायदा होता है और फ्रेंचाइजी का भी। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, तो फ्रेंचाइजर ऑफन ऑफर फ्रेंचाइजी सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री टू इंडिविजुअल स्टार्टिंग देयर ऑन बिजनेस। अगर कोई पर्सन फ्रेंचाइजी लेता है तो अगर उसमें किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है तो फ्रेंचाइजर उसे वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता है, जो कि अगर नॉर्मल कोई अकेला पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करे तो उसे कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो ये बेनिफिट हो जाते हैं, एडवांटेजेस हो जाते हैं फ्रेंचाइजी के लिए। डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं कि फ्रेंचाइजर के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो सबसे पहले कंट्रोल, तो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजिंग नेसेसिटी मच मोर केयरफुली
vetting process when evaluating the limited number of potential franchisees then would be required in hiring of direct employee who may have experience in the concept of sector. सबसे पहले कंट्रोल का डिसएडवांटेज होता है कि जो एक फ्रेंचाइजर होता है उसे कंट्रोल बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, कई सारी चीजों पर कंट्रोल रखना पड़ता है, एक चीज नहीं होती है देखने के लिए, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि एम्प्लॉय कैसे हायर हो रहे हैं, किस तरीके का प्रोसेस चल रहा है, क्या वो प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है फ्रेंचाइजी, ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. नेक्स्ट है लिमिटेड पूल ऑफ वायबल फ्रेंचाइजी. तो इन एनी सिटी और रीजन देयर मे बी ओनली अ लिमिटेड पूल ऑफ प्रोस्पेक्ट हु हैव बोथ द फाइनेंशियल रिसोर्स एंड डिजायर टू परचेज and start a franchised business as compared to pool of individual who can hire and train to competently manage directly owned business as paid employee. क्या बोला है? Limited pool of viable franchisee. क्या होता है? किसी भी जगह पर ये होता है कि कोई person अपना पैसा लगाएगा, किसी का business खरीदेगा, फिर उस business को चलाएगा. ऐसा कोई ज्यादातर नहीं करते हैं. सब क्या सोचते हैं कि किसी का पहले से बिजनेस बना हुआ हो, वो ही सारे रिस्क वगैरह ले, हम बस वहां पर एज ए एम्प्लॉय काम करें जो उसके बिजनेस को संभालें और उसके बदले में वो हमें मंथली सैलरी या जो भी चीज देना चाहे वैसे उसके अकॉर्डिंग दे सके. लेकिन कोई भी जल्दी से फ्रेंचाइजी लेना नहीं चाहता, तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है. फिर है डिसएडवांटेजेस और फ्रेंचाइजी. अगर जो फ्रेंचाइजी है उसके लिए इसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो सबसे पहले नो गारंटी. तो यूजुअली देयर इज अ गारंटी ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस फॉर द फ्रेंचाइजी मेड बाय फ्रेंचाइजर इन द रिटर्न डिस्क्लोजर सर्कुलर एंड द एक्चुअल फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट व्हाइल द एस्टिमेटेड स्टार्टअप कॉस्ट ऑफ फ्रेंचाइजी आर एन एम्प्लॉयड अर्निंग क्लेम्स ऑन बिजनेस डू फेल. क्या बोला है? इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है. इसके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हाँ फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, तो रिटर्न एग्रीमेंट हो गया कि स्टार्टअप कॉस्ट वगैरह नहीं लगेगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपका ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा. लेकिन उसे फ्रेंचाइजर को कोई नुकसान नहीं होता है, फ्रेंचाइजी को नुकसान होता है क्योंकि वो चीज को खरीद चुका होता है. अब उस पर जो भी हो प्रॉफिट होगा तो हिस्सा देना पड़ेगा, अगर लॉस होगा तो उसे खुद ही बियर करना पड़ेगा, उसे कोई बियर करने नहीं आने वाला. नेक्स्ट है कंट्रोल तो फॉर फ्रेंचाइजी. द मेन एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजिंग इज लॉस ऑफ कंट्रोल व्हाइल दे गेन द यूज ऑफ अ सिस्टम ट्रेडमार्क असिस्टेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग द फ्रेंचाइजी रिक्वायर्ड टू फॉलो द सिस्टम एंड गेट अप्रूवल फॉर चेंज फ्रॉम द फ्रेंचाइजर. क्या बोला है? कंट्रोल भी है, एक डिसएडवांटेज है. जो फ्रेंचाइजी होता है उसे भी कई सारी चीजों पर कंट्रोल रखना पड़ता है, ट्रेडमार्क असिस्टेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग इन सारी चीजों से रिलेटेड कंट्रोल रखना पड़ता है. नेक्स्ट है प्राइस. तो स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग अ फ्रेंचाइजी बिजनेस कैरीज एक्सपेंसेस. किसी भी फ्रेंचाइजी के बिजनेस को चलाने के लिए काफी सारे खर्चे लगते हैं. इन चूजिंग टू अडॉप्ट द स्टैंडर्ड सेट बाय फ्रेंचाइजर द फ्रेंचाइजी ऑफन हैज नो फर्दर चॉइस एज टू साइन सिग्नेज शॉप फिटिंग यूनिफॉर्म एटसेट्रा. अब फ्रेंचाइजी का बिजनेस स्टार्ट करा है तो उसके लिए कई सारे खर्चे लगेंगे, जैसे कि आपको शॉप फिटिंग शॉप एक तरीके से स्टेबलाइज करने के लिए यूनिफॉर्म हो गई आपके एम्प्लॉयज की, साइनेज की कॉस्ट हो गई, ये सारी चीजें, ये सारे कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि फ्रेंचाइजी के लिए डायरेक्ट उसे अपनी जेब से देने होते हैं. इसके लिए फ्रेंचाइजर कोई भी कंपनसेट नहीं करता है. कंफ्लिक्ट. द फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप कैन इजिली कॉज कंफ्लिक्ट इफ आइदर साइड इज इनकॉम्पिटेंट. अगर कोई भी एक भी इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, मतलब सही से नहीं चला पाता है, तो ये इन दोनों के बीच में एक कंफ्लिक्ट भी बन जाता है. ठीक है. फोर्थ तरीका है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का स्पेशल मोड का. ये आपका फ्रेंचाइजी का ऊपर तक कंप्लीट हो गया. तो स्पेशल मोड दीज हैव स्पेशल स्ट्रेटेजी एंड इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रंकी प्रोजेक्ट. स्पेशल मोड के अंदर तीन अलग तरीके हैं जिनसे इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करा जा सकता है. सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रंकी प्रोजेक्ट. तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस दैट इट स्टेबलाइज अ वर्किंग एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज. एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट वन विल कस्टम प्रोड्यूस पार्ट और अदर मटेरियल ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी हो जाती है दूसरी कंपनी के बिहाफ पर. तो वो कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. इन मोस्ट केसेस द मैन्युफैक्चरर विल आल्सो हैंडल द ऑर्डरिंग एंड शिपिंग प्रोसेस फॉर द क्लाइंट. एज अ रिजल्ट द क्लाइंट डज नॉट हैव मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी परचेज रॉ मटेरियल और हायर लेबर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड. तो इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट होता है उसे किसी भी तरीके की कोई चीज मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने की जरूरत होती है, ना ही रॉ मटेरियल खरीदने की, ना ही लेबर हायर करने की. उसे सिर्फ अगर फिनिश गुड बनाना है तो वो दूसरी कंपनी जो क्लाइंट के बिहाफ पर मैन्युफैक्चर कर रही है उससे डायरेक्ट लेता है और फिनिश गुड प्रोड्यूस कर देता है. उसे जो प्रोसेसिंग के लिए गुड्स की जरूरत पड़ती है वो खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अरेंजमेंट अंडर विच ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ एन एंटरप्राइज इज वेस्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट इन अ सेपरेट एंटरप्राइज विच परफॉर्म द नेसेसरी मैनेजरियल फंक्शन इन रिटर्न फॉर अ फी. मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये भी एक तरीके की एग्रीमेंट ही होता है जिसके अंदर किसी भी एंटरप्राइज का जो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है, मतलब जो भी वर्किंग का तरीका होता है, उसे कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है एज फॉर अ फी. मतलब वो खुद का अपना मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करते हैं, दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर देते हैं कि हमारा जो ये ऑपरेशन का है इस चीज को आपको मैनेज करना है. मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व नॉट जस्ट सेलिंग अ मेथड ऑफ डूइंग बट इन्वॉल्व एक्चुअली डूइंग देम. मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ करने का तरीका ही नहीं सेल करा जाता बट एक्चुअली में भी करा जाता है काम, मतलब मैनेजमेंट करा जाता है. मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्वॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन. इसके अंदर कई सारे फंक्शन आते हैं, टेक्निकल ऑपरेशन को आउटसोर्स करना, प्रोडक्शन फैसिलिटी को, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल को, अकाउंटिंग को, मार्केटिंग सर्विस को और ट्रेनिंग को. तो ये था आपका मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट.
थर्ड था, ये नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, ये इसी का पार्ट है जो हमने देखा था, टर्नकी प्रोजेक्ट। तो टर्नकी प्रोजेक्ट, टर्नकी रेफर्स टू समथिंग दैट इज रेडी फॉर इमीडिएट यूज, जनरली यूज्ड इन सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टर्नकी क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो एकदम से इमीडिएट यूज के लिए रेडी होती है, जो कि हम सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में यूज करते हैं। द टर्म इज कॉमन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फॉर इंस्टेंस इन विच इट रेफर्स टू द बंडलिंग ऑफ मटेरियल एंड लेबर बाय सब कॉन्ट्रैक्टर। ये ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर कुछ जो मटेरियल और लेबर होता है उनकी बंडलिंग होती है, उसे टर्नकी कहा जाता है। इन टर्नकी बिजनेस ट्रांजेक्शन डिफरेंट एंटिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अ प्लांट इक्विपमेंट एंड फॉर पुटिंग इट इनटू ऑपरेशन, इट इंक्लूड कॉन्ट्रेक्चुअल एक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो भी प्लांट है या इक्विपमेंट है वो दूसरी कोई एंटिटी स्टेबलाइज करती है, ऑपरेशन करती है। इसके अंदर जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एक्शन होते हैं, मतलब जो भी काम करा जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करा जाता है, एटलीस्ट थ्रू द सिस्टम सब सिस्टम एंड इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन फेजेस। जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह होती है सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है, दूसरी दूसरी एंटिटी आकर करके काम जाती है। मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें सीलिंग डालने का काम कोई और करता है, बिल्डिंग की वॉल्स बनाने का काम कोई और करता है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो होता है, वही एक तरीके से आप समझ सकते हैं टर्नकी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट मेथड है, ये आपका यहाँ पर नंबर 5 है, जिसकी वजह जिस तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदाउट अलायंस। तो इन दिस अरेंजमेंट द इंटरनेशनल फर्म मेक अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन यूनिट इन अ फॉरेन मार्केट। इसके अंदर क्या करती है, कोई भी एक फर्म दूसरी फर्म के अंदर, मतलब दूसरी फॉरेन मार्केट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है प्रोडक्शन यूनिट में, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी स्टेबलाइज कर देना किसी और मार्केट में, वो कहलाता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट रिक्वायर ग्रेटेस्ट कमिटमेंट सिंस इट इज 100% ओनरशिप, इट ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इसे हम ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, और इसके अंदर जो ओनरशिप होती है वो 100% उसी कंपनी की होती है जो पैसा लगा रही है। द पेरेंट कंपनी स्टार्ट अ न्यू वेंचर इन फॉरेन कंट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ऑपरेशन फैसिलिटी फ्रॉम ग्राउंड अप। बिल्कुल जीरो लेवल से किसी दूसरी कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी स्टेबलाइज करना, वो कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन एडिशन टू बिल्डिंग न्यू फैसिलिटी, मोस्ट पेरेंट कंपनी कैन आल्सो क्रिएट न्यू लॉन्ग टर्म जॉब इन फॉरेन कंट्री बाय हायरिंग न्यू पीपल। बिल्डिंग स्टेबलाइज करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, नए नए एम्प्लॉई को भी उस कंट्री के एम्प्लॉई को हायर करते हैं। नेक्स्ट है, ये सिक्स तरीका है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विद स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस आर अ कोऑपरेटिव अप्रोच टू अचीव द लार्जर गोल। इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं करते हैं, वहां पर जो पहले से कंपनी चल रही होती है उनके साथ अलायंस कर ली जाती है, और फिर अपना फॉरेन कंट्री में अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करा जाता है। इसके अंदर पहला तरीका आता है मर्जर एंड एक्विजिशन का। तो इंटरनेशनल मर्जर एंड एक्विजिशन ऑल्सो टर्म्ड एज ग्लोबल मर्जर एंड एक्विजिशन और क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन। ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर होता है, मतलब दो कंट्रीज की कंपनियों के बीच में होता है, तो इसे हम ग्लोबल मर्जर या एक्विजिशन या क्रॉस बॉर्डर मर्जर या एक्विजिशन भी कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल रिफॉर्म हैव कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल मर्जर एंड एक्विजिशन टू अ सब्सटेंशियल एक्सटेंट। ये जो पॉसिबल हो पाया है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल लेवल पर, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया है। इंटरनेशनल मर्जर एंड एक्विजिशन आर टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट फॉर्म, कई तरीकों के होते हैं ये भी। इंटरनेशनल मर्जर एंड एक्विजिशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ कंपनी, ये कंपनी की ग्रोथ में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। दीज डील्स और ट्रांजेक्शन हेल्प अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज पेनिट्रेट इनटू न्यू मार्केट फास्ट एंड अटेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, जो दूसरा तरीका है वो है जॉइंट वेंचर का। तो जॉइंट वेंचर कैन बी डिफाइंड एज एन एंटरप्राइज इन विच टू और मोर इन्वेस्टर शेयर ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी राइट एंड ऑपरेशन। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जिसमें दो अलग अलग दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर क्या हो, उनकी ओनरशिप हो, कंट्रोल हो और वो ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हो, उन्हें कहा जाता है जॉइंट वेंचर। द वेंचर कैन बी वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ओनली फॉर कंटिन्यूइंग बिजनेस रिलेशनशिप। जो ये जॉइंट वेंचर हो सकते हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकते हैं या फिर कंटिन्यू बिजनेस रिलेशन, मतलब एक लंबे बिजनेस के लिए भी हो सकते हैं। एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर इज अ मेजर डिसीजन। जॉइंट वेंचर में एंटर करना एक बड़ा डिसीजन होता है। बिजनेस ऑफ एनी साइज कैन यूज जॉइंट वेंचर टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म रिलेशन एंड टू कोलैबोरेट ऑन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। बिजनेस जॉइंट वेंचर क्रिएट कर सकते हैं या तो अपनी लॉन्ग टर्म रिलेशन क्रिएट करने के लिए उस बिजनेस के साथ, या फिर शॉर्ट टर्म कोई प्रोजेक्ट एकम्प्लिश करने के लिए भी जॉइंट वेंचर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे यूनिट नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 2। यहाँ पे सिलेबस में दिया क्या क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, फिर कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और इंप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। ये चीजें आपको कवर करनी है, सिर्फ इतने ही ये चीजें, आपको तीन चीजें कवर करनी है और आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज एनवायरनमेंट इन डिफरेंट कंट्री विद फैक्टर प्रीवेलेंट इन होम एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस बाय अफेक्टिंग यूज ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, इसे हम डिफाइन करते हैं जो अलग अलग कंट्रीज होंगी उनमें क्या एनवायरनमेंट है रिलेटेड टू बिजनेस, और उनके कंपैरिजन में जो हमारी होम कंट्री है उसके अंदर क्या एनवायरनमेंट है। इन दोनों का जो कंपैरिजन होता है, एनालिसिस होता है कि क्या फैक्टर हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं और ऐसे क्या फैक्टर हैं जो हमारे साथ साथ उस कंट्री के बिजनेस को भी, मतलब कॉमन होंगे जो सिमिलर कैरेक्टर है, उन सारी चीजों को समझने का जो कंसेप्ट होता है वही आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर।
कि अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना है तो किस एनवायरनमेंट के साथ हमें डील करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होंगे, किन किन चीजों से इंटरनेशनल बिजनेस अफेक्ट होगा, ये सारी चीजें जो होती हैं वो सारी पार्ट बनती हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ एक्टिविटी रिलेटिंग टू इंडस्ट्री कॉमर्स ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। ये क्या है, एक तरीके से एक्टिविटीज देंगी जो कि किससे रिलेटेड होती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स से, किस चीज के, इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडस्ट्री के साथ डील करे और इंटरनेशनल लेवल पर कॉमर्स के साथ डील करे, वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती है, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती है। अ फर्म्स एबिलिटी टू डिजाइन एंड एडजस्ट इट्स इंटरनल वेरिएबल टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या होती है, फर्म की एबिलिटी होती है कि वो अपने इंटरनल वेरिएबल्स को किस तरीके से डिजाइन करें, एडजस्ट करें, जिससे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें ग्रैब किया जा सके, वो कहलाता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल थ्रेट पोजेस्ड बाय सेम एनवायरनमेंट डिटरमाइन। और उसके साथ में ये भी देखें कि इस एनवायरनमेंट में थ्रेट क्या है, मतलब खतरा क्या है, तो वो चीज कहलाती है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, अब आता है, ये दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एवरी बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंटरनल फैक्टर एंड इट्स कन्फ्रंटेड विद द सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। क्या बोला है कि कोई भी बिजनेस होता है उसके इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बिजनेस के अंदर होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेस के बाहर होती हैं और बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। द इंटरनल फैक्टर आर जनरली रिगार्डेड एज कंट्रोलेबल व्हाइल द एक्सटर्नल फैक्टर आर बाय लार्ज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला है, जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो बिजनेस के अंदर होते हैं, जबकि जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो बिजनेस के बाहर होते हैं कंट्रोल के। एंड एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल फैक्टर आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ फर्म, इट्स सक्सेस डिपेंड लार्ज एक्सटेंट ऑफ एडेप्टेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट। जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो कंपनी के कंट्रोल के, फर्म के कंट्रोल के बाहर होते हैं, और इनकी सक्सेस किस चीज पर डिपेंड होती है कि उन्हें कितने अच्छे से अडेप्ट किया जाता है। Thus the business environment comprises of both micro and macro environment. The micro environment refers mainly to industry within which it operates. It consists of factor in immediate environment that affect the performance of firm. अब जो ये external environment होता है business का, उसे हम दो part में divide करते हैं, micro environment and macro environment. Micro environment क्या होता है, ऐसे factor जो कि individual level पर होते हैं, business से directly connected होते हैं और जिनके change होने से business पर direct impact पड़ता है, वो कहलाते हैं आपके micro environment factors. सप्लायर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए आपके, मार्केटिंग इंटरमीडियरी हो गए, कस्टमर हो गए, ये सारे हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं। वहीं द मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सोसाइटियल फैक्टर दैट अफेक्ट फैक्टर इन द कंपनीज माइक्रो एनवायरनमेंट, ये माइक्रो नहीं मैक्रो आएगा, मैक्रो एनवायरनमेंट सच एज डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर जो लार्ज स्केल पर होते हैं और जो कि कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं लेकिन कंपनी को इनडायरेक्टली तरीके से अफेक्ट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, उसके ऑपरेशंस को। इसके अंदर क्या क्या आता है, आपके डेमोग्राफिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, अब आता है आपका इनमें से आपको जो जो फैक्टर पढ़ने हैं, तो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट फैक्टर के बारे में आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले इनको देखते हैं। तो अब है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड पॉलिटिकल सेटअप इन विच बिजनेस यूनिट इज ऑपरेटिंग। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है, जितने भी लॉ एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क होता है या जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो सारे आते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट में, जिसके अंदर एक बिजनेस ऑपरेट करता है। द स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप एंड लीगल फ्रेमवर्क इन इकोनॉमी इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ये पॉलिटिकल सेटअप और लीगल फ्रेमवर्क होता है, ये बिजनेस के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट फैक्टर इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया। ये कहां पर ज्यादा होते हैं, जैसे कि ऐसी जगह जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इंडिया जैसे कि। And it has significant effect in working of business organization, legislature, judiciary and executive are three major organ of political and legal environment. Political and legal environment के तीन major factor part कौन कौन से हैं organ, legislature, judiciary and executive, ये तीनों businesses को influence करते हैं। तो देखिए political and legal environment include the following element, क्या क्या चीज आती है इनके अंदर। सबसे पहले political system होता है जो country का, मतलब political process हो गए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ब्यूरोक्रेटिक कितनी है, डिलेज कितनी होती है, ये सारी चीजें। सेकंड आता है लीगल रूल्स ऑफ द बिजनेस, उनकी फॉर्मेशन से रिलेटेड, इंप्लीमेंटेशन, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस से रिलेटेड। थर्ड आता है इसके अंदर डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी की, डिफेंस एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल रिलेशनशिप विद अदर कंट्री, ये सारी चीजें कैसी हैं, ये सारी चीजें पार्ट बनती हैं आपके पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट का। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस एनवायरनमेंट को, एक होता है प्रमोटिंग, एक होता है रेगुलेटरी। तो प्रमोटिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड द स्टिमुलेशन ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट एट द प्रोविजन ऑफ वेरियस इंसेंटिव एंड फैसिलिटीज, दस प्रोटेक्टिंग होम प्रोडक्ट एंड मार्केट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटर टेकिंग डायरेक्ट रोल ऑफ प्रमोटिंग बिजनेस इंश्योरेंस। प्रमोटिंग एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है, ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीजें आती हैं जो कि किस लिए यूज करी जाती हैं,
डोमेस्टिक बिजनेस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें इंकरेज करने के लिए कुछ इंसेंटिव हो गए, कुछ आपके फैसिलिटीज हो गई, ये प्रोवाइड करवाई जाती हैं जिससे जो डोमेस्टिक बिजनेस है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, वो प्रमोट हो और जो फॉरेन बिजनेस हैंगे वो मोनोपोली क्रिएट ना कर पाए। इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफर दिस फैसिलिटी इन फॉर्म ऑफ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, पोस्टल, टेलीकम्युनिकेशन, प्रमोटिंग बिजनेस अब्रॉड, प्रमोटिंग बिजनेस इन पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर, कंसेशन एंड बेनिफिट टू वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री लोकेटेड इन स्पेसिफाइड एरियाज। इंडिया के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट हैंगी वो कई सारी तरीके की फैसिलिटीज देती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, पोस्टल, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है बिजनेसेस को, जिससे क्या होता है ये जो बिजनेस होते हैं वो प्रमोट होते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ रुकावटें लगा देता है। दिस रिस्ट्रिक्शन आर नॉट आर्बिट्री नेचर बट आर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोशल सिस्टम एंड आर इफेक्टिव मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ अचीविंग द डिजायरेबल लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर इन द कंट्री। ये जो होती है रिस्ट्रिक्शन वो आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मतलब कुछ एक तरीके से कोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाई जाती है, ये सिर्फ इसलिए लगाई जाती है ताकि जो हमें सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है बिजनेस से उसे अचीव किया जा सके। In India, the regulatory environment consists of factors relating to regulation of business operation by prescribing their freedom to operate in area of business and practice that required to follow in conducting business. India के अंदर regulatory environment के अंदर क्या क्या factors आते हैं, ऐसी चीजें जो business operation को regulate करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि किस area में उन्हें business करना है, कितने level का business करना है, ये सारी चीजें। तो ये दो तरीके के आपके political and legal environment के अंदर environment part होते हैं, regulatory वाले और promoting वाले, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इट बेसिकली रेफर्स टू सेट ऑफ वैल्यू, आइडियल, एटीट्यूड, बिलीव, डिजायर, एक्सपेक्टेशंस व्हिच डिस्टिंग्विश वन ग्रुप फ्रॉम दोज अनदर। मतलब वो सारी चीजें किसी भी पर्सन की क्या वैल्यू है, क्या आइडियाज है, क्या एटीट्यूड है, क्या बिलीफ है, क्या उसकी डिजायर्स हैं, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि उस पर्सन या उस बिजनेस को किससे अलग करती हैं, दूसरे पर्सन या बिजनेस से अलग करती हैं, वो चीज कहलाती है आपकी सारी कल्चरल एनवायरनमेंट की कंपोनेंट। The organization need to aware of how social and cultural factor can directly influence the way they manage their operation, particularly human resource and marketing. तो businesses को, organization को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से social और cultural factor हैंगे जो कि उनके business को directly, उनके business के operation को किस तरीके से वो काम करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को directly influence कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का business को उनके बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली जो सबसे ज्यादा ये कल्चरल और सोशल फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को और मार्केटिंग को, तो इनके बारे में स्पेसिफिक फोकस चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन को। The executive in the organization need to aware of sensitive value and idea people coming from different upbringing and background. जो executive है मतलब जो manage करते हैं business को, उनको पता होना चाहिए कि जो उनके organization के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो अलग अलग किस किस background से आते हैं, उनके background के बारे में पता होना चाहिए, क्या उनका culture है, क्या उनका values हैं, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। Change in aspiration, habit, custom and value leads to generation of new opportunity and threat to business organization. क्या होता है अगर एस्पिरेशंस में चेंज आता है, हैबिट्स में चेंज आता है, कस्टम में चेंज आ रहा है, ये सारे क्या हैं आपके सोशल एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं और इनमें चेंज आता है तो क्या हो सकता है, या तो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है या थ्रेट बन जाता है। द एलिमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेनली थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट टू बी ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट के एलिमेंट होते हैं अगर वो चेंज होते हैं तो उनसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पर, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड है, जो उन्होंने प्रोसेस डिजाइन कर रखा है, जो प्रोडक्ट वो ऑफर करते हैं, ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं। दीज एस्पेक्ट्स अफेक्ट द टोटल फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। ये क्या करते हैं, ओवरऑल टोटल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर देते हैं बिजनेस की। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस आर डिजाइन कीपिंग इन द व्यू ऑफ वेरियस सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सिंस द ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर मीडिएटर फॉर कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट एंड दीज आउटपुट आर गिवन टू सोसाइटी, इट कैन प्रोड्यूस ओनली दोस थिंग्स व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस डिजाइन करते समय जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें कल्चरल और सोशल फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनपुट लेती है सोसाइटी से, उन्हें आउटपुट देती है, तो जो वो आउटपुट दे रही है वो ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो। एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर अफेक्ट द गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से सोशल और कल्चरल फैक्टर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स और सर्विसेज जो वो ऑफर करते हैं उन्हें अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज फॉर वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक इन टू अकाउंट बिकॉज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इकोनॉमिक यूनिट ऑफ ऑपरेशन। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्योंकि जो बिजनेस है वो भी एक तरीके की एक इकोनॉमिक यूनिट है, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट करती है। सिंस द मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल टर्म, और जो बिजनेस की मेजरमेंट होती है वो भी फाइनेंशियल टर्म में होती है। ऑफन मैनेजर कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन इकोनॉमिक फैक्टर, इसलिए जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन किन चीज पर रखते हैं, इन इकोनॉमिक फैक्टर पर अपना ध्यान ज्यादा रखते हैं। The economic environment is important for non-business organization too because such organization depend on environment for their resource procurement which is greatly determined by economic factor.
सिर्फ ये नहीं है कि एक अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखेगी, उसके अलावा अगर कोई नॉन बिजनेस एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी ध्यान में रखेगी। वो किस लिए रखेगी? क्योंकि जो वो रिसोर्सेज एक्वायर करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं, वो किससे? इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से ही मिल पाते हैं। फ्रॉम द एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दो ब्रॉड कैटेगरी में हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है आपकी? जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच वेरियस इकोनॉमिक फोर्सेज इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन वो चीजें बताती हैं कि जो इकोनॉमिक फोर्सेज होंगे वो एक ऑर्गेनाइजेशन को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कितना इंपैक्ट कर सकते हैं। सच फोर्सेज इंक्लूड इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, एक कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, क्या वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, क्या फिजिकल पॉलिसी है, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कंट्री की जो कि बिजनेस को इंपैक्ट करेंगी। हाउएवर द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर। लेकिन जो ये जनरल इकोनॉमिक कंडीशन है ये भी किस चीज से इफेक्ट होती है? इन्हें भी जो पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर है वो इन्हें इफेक्ट कर देता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की पॉलिसी क्रिएट कर रही है। दीज इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट। इन इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर क्या क्या चीज आती है आपकी? नेशनल इनकम हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, फैक्टर मार्केट क्या है और प्रोडक्ट मार्केट क्या है, ये सारी आपकी जनरल इकोनॉमिक कंडीशन का पार्ट बनती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय डिफरेंट फैक्टर इनपुट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजरल पर्सन एटसेट्रा। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कई सारे फैक्टर्स को अपने प्रोसेस में इंक्लूड करती हैं। कोई भी अगर उन्हें प्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए वो लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजरल पर्सनल का यूज करती है। ये चार फैक्टर जरूर होते हैं। तो द मैनेजमेंट शुड अप्रेज द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फैक्टर इनपुट सो दैट सुटेबल स्ट्रेटेजी कैन बी अडॉप्टेड फॉर देयर प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। तो मैनेजमेंट किस चीज का ध्यान रखती है कि इनकी जो ये चार फैक्टर हैं इनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकें कि इन रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करना है और किस तरीके से यूटिलाइज करना है। द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग, इन एडिशन टू अवेलेबिलिटी कॉस्ट ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज आर सिग्निफिकेंट। तो अगर ये रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल मिल जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग अच्छी होगी। और उसके अलावा अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट को भी देखना होता है कि इनकी अवेलेबिलिटी के साथ साथ कॉस्ट भी हमें ऐसी मिले कि हमारा प्रोडक्शन कम से कम कॉस्ट पर हो सके और हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की 1 शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 3, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कौन कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, लियोंटीफ पैराडॉक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, ये चीज आपको इस यूनिट में कवर करनी है। तो सबसे पहले थ्योरीज स्टार्ट होंगी। सबसे पहली थ्योरी आई है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ट्रेड बिटवीन टू नेशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज। जो एडम स्मिथ है वो ये कहते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में, दो नेशंस के बीच में अगर ट्रेड होता है तो वो किसी ना किसी एडवांटेज की वजह से होता है। व्हेन वन नेशन इज मोर एफिशिएंट देन अनदर इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी। क्या बोला है कि मान लो एक कंट्री है वो किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में एफिशिएंट है, मतलब उसका प्रोडक्शन कम कॉस्ट पर कर सकती है, बट लेस एफिशिएंट देन द अदर नेशन इन प्रोड्यूसिंग अ सेकंड कमोडिटी। लेकिन वहीं जो सेकंड कमोडिटी है वो दूसरी कंट्री है वो ज्यादा कम कॉस्ट पे बनाती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट कंट्री। देन बोथ द नेशन कैन गेन बाय ईच स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑफ इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो दोनों नेशन क्या करेंगे, वो जिस चीज में स्पेशलाइज है उसका एडवांटेज उठाएंगे एंड एक्सचेंज पार्ट ऑफ इट्स आउटपुट विद द अदर नेशन फॉर द कमोडिटी ऑफ एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। और जिस चीज में वो स्पेशलाइज नहीं है, जो उनका डिसएडवांटेज है, उसे दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर लेंगे। तो ये चीज कहलाती है आपकी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। बाय दिस प्रोसेस आर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन मोर एफिशिएंट वे एंड द आउटपुट ऑफ बोथ कम्युनिटी विल राइज। इससे क्या होता है, जो रिसोर्सेज होंगे वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज होंगे और जो आउटपुट होगा दोनों कंट्रीज का वो बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्मिथ वेदर एडवांटेज विच वन कंट्री हैज ओवर द अनदर बाय नेचुरल और एक्वायर्ड इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ नो कंसीक्वेंसेस। क्या बोला है, जो भी एडवांटेज है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर, चाहे उसने का नेचुरल एडवांटेज हो या एक्वायर करा हो, इससे उस कंट्री के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इस थ्योरी के पिटफॉल्स क्या है, मतलब क्या क्या एक तरीके से इसमें कमियां हैं थ्योरी में? तो द थ्योरी इज वेग एंड लैक क्लैरिटी। जो ये थ्योरी है थोड़ी सी वेग होती है, मतलब एम्बिगस टाइप की है, इसमें क्लैरिटी ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी Every country should be able to produce certain product at low cost compared to other country and should produce certain the other at comparatively high cost than the other country. Thus, Smith analyzes as weak and unrealistic. क्योंकि इस थ्योरी में ये बोला गया है कि एक कंट्री है वो एक प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे बनाती है तो दूसरा प्रोडक्ट हाई कॉस्ट पे बनाती है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो ये एज्यूम करा गया है कि ऐसा होगा ही हर कंट्री में कि वो एक प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे बनाएगी ही बनाएगी और दूसरा प्रोडक्ट हाई कॉस्ट पे बनाएगी बनाएगी जो दूसरी कंट्री में किसी में कम कॉस्ट पर होगा, ऐसा एज्यूम करा है, ये बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाता है और ये एजम्पशन एक तरीके से वीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सेकंड थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज।
तो अकॉर्डिंग टू कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी कंट्रीज इन द लॉन्ग रन विल टेंड टू स्पेशलाइज इन द बिजनेस प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ दोज गुड्स इन हूज बिजनेस दे एंजॉय कंपेरेटिव लो कॉस्ट एडवांटेज एंड इंपोर्ट अदर गुड्स इन विच द कंट्रीज हैज कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इफ फ्री ट्रेड इज अलाउड. क्या बोला है, कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंट्री लॉन्ग रन में क्या करती है, किसी एक बिजनेस मतलब किसी एक चीज के प्रोडक्शन या मार्केटिंग में स्पेशलाइज हो जाती है उस गुड्स के जो कि उनको कंपेरेटिवली लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस होता है. मतलब वो जो कंट्री अपने कंट्री के अंदर जो कमोडिटी को लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करती है उसके अंदर स्पेशलाइज मानी जाती है. अब वो क्या करती है, उस गुड को दूसरी कंट्री में सेल करती है जहां पर उनका क्या होता है, उस कंट्री में वो गुड महंगा होगा तो उस कंट्री में अपना ये गुड को सेल करेंगी और इससे वो एडवांटेज कमाती है उस कंट्री के डिसएडवांटेज की वजह से. तो वो चीज कहलाती है कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी. दिस स्पेशलाइजेशन हेल्प इन म्यूचुअल एडवांटेज ऑफ कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस. इससे क्या होता है, जो कंट्रीज इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर कर रही हैं उन्हें म्यूचुअली एडवांटेज मिलता है इस चीज का. एक्सप्लेनेशन दिया थ्योरी के एक एग्जांपल की मदद से. सपोज द प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट ऑफ वाइन इन इंग्लैंड रिक्वायर 120 मैन फॉर अ ईयर. क्या बोला है, इंग्लैंड के अंदर एक वाइन की यूनिट बनाने के लिए 120 लोगों की जरूरत पड़ती है एक साल में. व्हाइल अ यूनिट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड 100 मैन फॉर द सेम पीरियड. वहीं क्या है कि जो क्लॉथ की यूनिट है वो बनाने के लिए सिर्फ 100 मैन की जरूरत पड़ती है. ऑन द अदर एंड द प्रोडक्शन ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड क्लॉथ इन पुर्तगाल रिक्वायर 80 एंड 90 मैन रिस्पेक्टिवली. वहीं क्या बोला है, पुर्तगाल के अंदर जो है वो सेम वाइन और क्लॉथ सेम यूनिट बनाने के लिए कितने 80 और 90 मैन की जरूरत पड़ती है. दस इंग्लैंड इज मोर लेबर देन पुर्तगाल इन प्रोड्यूसिंग बोथ वाइन एंड क्लॉथ. तो इस केस में क्या हो गया, इंग्लैंड में वाइन और क्लॉथ दोनों बनाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है एज कम्पेयर टू पुर्तगाल. Hence पुर्तगाल पजेस एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ वाइन एंड क्लॉथ. तो इससे क्या हो गया, पुर्तगाल के पास दोनों केस में एब्सोल्यूट एडवांटेज आ गया. अमंगेस्ट द टू पुर्तगाल ग्रेटर एडवांटेज इज प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड एक्सपोर्टिंग टू इंग्लैंड सिंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाइन इज 80 एज कम्पेयर टू 120 मैन इज लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ 90 एज कम्पेयर टू 100 मैन. तो क्या बोला है, लेकिन फिर भी जो पुर्तगाल है उसका जो ग्रेटर एडवांटेज है वो किस चीज में है, वाइन को एक्सपोर्ट करने में है, क्योंकि पुर्तगाल में वाइन बनाने में 80 मैन लग रहे हैं जबकि इंग्लैंड में कितने 120 लग रहे हैं. वहीं क्लॉथ बनाने में पुर्तगाल में 90 लग रहे हैं जबकि इंग्लैंड में सिर्फ 110 का डिफरेंस है. तो जो पुर्तगाल को एडवांटेज है वो किस चीज में आएगा, ज्यादा वाइन एक्सपोर्ट करने में ज्यादा एडवांटेज है इंग्लैंड को. ऑन दी अदर हैंड इट इज इंग्लैंड्स इंटरेस्ट टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इन विच इट हैज लीस्ट कंपेरेटिव डिसएडवांटेज. वहीं अगर इंग्लैंड चाहे अपना इंटरेस्ट ढूंढना अपना स्पेशलाइज ढूंढना तो वो किसमें ढूंढेगी, जिसमें उसे कम मैन पावर लग रही है जो कि क्या है, क्लॉथ. सिंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इन इंग्लैंड इज लेस देन एज कम्पेयर टू वाइन. क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ है इंग्लैंड में वो कम है एज कम्पेयर टू वाइन. दस ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्री. तो इस केस में इससे क्या हो जाएगा, जो ट्रेड है वो दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा. अब डेरिवेटिव ऑफ दिस थ्योरी है, वो ड्राइव कहां से करी गई है, तो नंबर वन आएगा एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज. से क्या होता है, जो ग्लोबल रिसोर्सेज है मतलब पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज है वो अच्छे से एलोकेट हो पाते हैं. मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट. जो प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो सबसे कम लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर हो पाता है. फिर प्रोडक्ट प्राइस बिकम मोर और लेस इक्वल अमंग वर्ल्ड मार्केट. जो प्रोडक्ट प्राइस है वो वर्ल्ड मार्केट के अंदर कम या उसके इक्वल ही आ जाते हैं जितना सबसे कम होता है, कोई भी हाई प्राइस नहीं रख पाता. डिमांड फॉर रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट अमंग वर्ल्ड नेशन विल बी ऑप्टिमाइज. और जो डिमांड होती है रिसोर्सेज और प्रोडक्ट की वर्ल्ड के अंदर वो भी कैसी हो जाती है, ऑप्टिमाइज डिमांड हो जाती है. क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के क्या क्या एक तरीके से ड्रॉबैक हैं, क्या क्या क्रिटिसिज्म है. तो नंबर वन, एजम्पशन ऑफ लेबर कॉस्ट इज नो लॉन्गर वैलिड. तो द मोस्ट फॉर्चुनेट अटैक अगेंस्ट द थ्योरी इज दैट बिकॉज ऑफ इट्स एजम्पशन ऑफ लेबर कॉस्ट द एजम्पशन ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑन विच इट बेस्ड हैज बीन लॉन्ग डिस्कार्डेड. इसके अंदर क्या होता है, लेबर कॉस्ट को एक तरीके से जो एज्यूम करा जाता है वो वैलिड तरीका नहीं होता लेबर कॉस्ट को एज्यूम करने का. इस थ्योरी के अंदर सिर्फ यूनिट की फॉर्म में उन्हें देखा जाता है, उनके स्पेशलाइजेशन स्किल्स के बेसिस पर उन्हें नहीं देखा जाता. फिर लेबर इज नॉट द ओनली फैक्टर. तो अनदर ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज दैट रिगार्ड लेबर एज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इन द मॉडर्न एंटरप्राइजेस फैक्टर लाइक कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर अज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू लेबर. इसमें क्या बोला है, ये एक तरीके की ट्रेडिशनल थ्योरी है, तो इसके अंदर सिर्फ लेबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन जो आजकल की मॉडर्न एंटरप्राइजेज हैं उनमें लेबर से ज्यादा जो एंटरप्रेन्योर होते हैं और कैपिटल होते हैं फैक्टर, इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इनको ध्यान दिया जाना चाहिए. ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म या ड्रॉबैक हो जाता है. नेक्स्ट है एजम्पशन ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट नॉट वैलिड. तो द क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट इन रियल लाइफ. जो ये थ्योरी है ये किस चीज पर बेस है, जो कॉस्ट होगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. हाउएवर आफ्टर अ सर्टेन स्टेज एवरी प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिमिनिजिंग रिटर्न. क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको हर एक स्टेज के बाद मतलब कुछ टाइम के बाद उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और जो उसका रिटर्न होता है वो कम हो जाता है. दस एडिशनल क्वांटिटी बियॉन्ड दिस स्टेज कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली एट हायर कॉस्ट. और उस क्वांटिटी से ज्यादा अगर हमें कुछ भी प्रोडक्शन करना होता है तो फिर हमें हायर कॉस्ट पर ही वो प्रोडक्शन करना पड़ता है. तो ये एक इसका ड्रॉबैक हो जाता है. नेक्स्ट
फिर है स्टैटिक थ्योरी, तो द थ्योरी इज स्टैटिक इन द सेंस दैट इट अज्यूम सो मेनी थिंग एज गिवन एंड अनअल्टरेबल। ये जो थ्योरी है ये स्टैटिक होती है, मतलब क्या है स्टैटिक ये थ्योरी की ये जो चीजें एज्यूम करती है इसमें वो कैसी हैं, या तो उसमें दी गई होती है या ये मानकर एज्यूम करी जाती है कि ये अनअल्टरेबल है, मतलब इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एजम्पशन लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फिक्स्ड एंड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फार फ्रॉम रियलिटी। इसके अंदर जो फुल एम्प्लॉयमेंट की एजम्पशन होती है या फिर फिक्स्ड एंड कांस्टेंट सप्लाई फैक्टर्स की, मतलब जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड है, ये एजम्पशन कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होती है, मतलब दूर दूर तक इससे किसी तरीके से ये जुड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो द थ्योरी अज्यूम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू बी एब्सेंट। इस थ्योरी के अंदर किसी भी टाइप की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करा जाता है। एक्चुअली हाउएवर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डू मेक अ डिफरेंस इन द डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि लेकिन जो एक्चुअल में होता है जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है उसका भी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर एक ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी हम डिसीजन लेते समय कि इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से करना है उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी डिसीजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। देयर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ प्रोडक्शन इन विच ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर इवन हायर देन प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है कई ऐसी ब्रांचेज होती हैं कंपनी की जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब गुड्स को बनाने की कॉस्ट उतनी नहीं आती है जितना उनको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट आ जाती है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है थ्योरी का। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो रेमंड वर्नन इनिशियली प्रपोज्ड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इन द मिड 1960। ये किसने दी थी थ्योरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की? रेमंड वर्नन ने दी थी 1960 के आसपास। वर्नन आर्ग्यूड दैट द वेल्थ ऑफ साइज ऑफ यूएस मार्केट गेव अस फर्म अ स्ट्रांग इंसेंटिव टू डेवलप कॉस्ट सेविंग प्रोसेस इनोवेशन। जो यूएस मार्केट था उस टाइम पर जब इन्होंने ये थ्योरी डेवलप करी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जो वेल्थ है और साइज है यूएस मार्केट की वो हमें एक ये कहते हैं कि आपको इनिशिएटिव लेना है चाहिए किस चीज से रिलेटेड इनोवेशन का, कि एक ऐसी इनोवेशन करें जिससे कॉस्ट सेविंग प्रोसेस डेवलप किया जा सके। तो वर्नन फर्दर आर्ग्यूड दैट मोस्ट न्यू प्रोडक्ट आर इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन अमेरिका। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उस टाइम पर जो ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बनता था वो कहाँ बनता था? अमेरिकन मार्केट में ही बन रहा था। Apparently, the pioneering firm believed that it was better to keep the production facility close to market and to the firm center of decision making. इन्होंने ये भी कहा था कि जो pioneering firm है, मतलब जो अच्छी firm है एक तरीके से, उन्हें क्या करना चाहिए? अपनी production facility को market के पास में ही रखना चाहिए। Given the uncertainty and risk inherent in introducing new product, जिससे क्या हो decision लेने में आसानी हो सके कि एक new product अगर आएगा तो उसके साथ क्या क्या uncertainties involved है, क्या क्या उसमें risk involved है, ये सारी चीज़ों से related। Also the demand for most new product to be raised on non-price factor, और non-price factor की वजह से जो demand है वो new product की बढ़ जाए, इसलिए इन्होंने ये theory suggest करी थी। Consequently, firm can charge relatively higher price for new product which obviates the need to look for low cost production site in other country. तो फर्म क्या कर सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग में जब न्यू प्रोडक्ट आता है तो उसके लिए थोड़ा सा हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस ट्रेंड इज दैट ओवर द टाइम यूनाइटेड स्टेट्स स्विचेस फ्रॉम बीइंग एक्सपोर्टर ऑफ प्रोड्यूसर टू एज इंपोर्टर ऑफ प्रोडक्ट एज प्रोडक्शन बिकम कंसंट्रेटेड इन लो कॉस्ट फॉरन लोकेशन एंड देन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इससे क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ इस थ्योरी का, यूनाइटेड स्टेट जो कभी एक्सपोर्ट करा करता था सारी चीजों का, उस टाइम पर अब क्या करने लगा था, इंपोर्ट करने लगा था। और इंपोर्ट क्यों करने लगा था? क्योंकि उसने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी दूसरी दूसरी कंट्रीज में जहां पर उसे लो प्रोडक्शन कॉस्ट लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन हो सकता था वहां पर लगा दी थी, और वहां से वो उन सारी चीजों को अब इंपोर्ट करवाने लगा था डायरेक्ट अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की क्या क्या स्टेजेस होती है, तो पहली आती है हमारी स्टेज नंबर वन द न्यू प्रोडक्ट। तो इन द डेवलपमेंट स्टेज द प्रोडक्ट इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। जब डेवलपमेंट स्टेज जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट आपका कैसा होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होता है, मतलब उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। द प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर देयरफॉर क्वाइट हाई। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, मतलब जब हमें चेंज करना होता है हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके, तो इससे क्या होता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो थोड़ी सी ज्यादा आपकी होती है। ठीक है, द इनोवेटर एट दिस स्टेज इज अ मोनोपोलिस्टिक एंड देयरफॉर एंजॉय ऑल द बेनिफिट ऑफ मोनोपोली पावर इंक्लूडिंग द हाई प्रॉफिट मार्जिन रिक्वायर्ड टू रिपे द हाई डेवलपमेंट कॉस्ट एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें जो क्या होता है, जो ये नया प्रोडक्ट बनाता है वो पर्सन इनोवेटर होता है इस स्टेज पर, तो वो मोनोपोलिस्टिक हो जाता है और वो मोनोपोली के सारे बेनिफिट ले पाता है, क्योंकि उस टाइम पर किसी और ने ऐसा प्रोडक्ट डेवलप नहीं करा होता है। और वो ऐसा किस लिए करता है, अपना हाई प्रॉफिट मार्जिन बनाने के लिए, जिससे जो भी उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट लगी है या फिर एक्सपेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस लगा है उसको वो रिकवर कर सके। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट दिस स्टेज इज लो। इस टाइम पर जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो लो होती है। हाई इनकम कंज्यूमर बाय इट रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट। और जो हाई इनकम कंज्यूमर होते हैं, मतलब ऐसे कंज्यूमर जो हाई इनकम वाले होते हैं, वो उसकी कॉस्ट देखे बिना ही उस चीज को खरीद लेते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज आती है द मैच्योरिंग प्रोडक्ट। तो एज प्रोडक्शन एक्सपेंड इट प्रोसेस बिकम इंक्रीजिंगली स्टैंडर्डाइज द नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन।
अब जब एक प्रोडक्ट एक्सपेंड होना शुरू होता है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, प्रोडक्ट मार्केट में पहचान लिया जाता है, तो जो प्रोसेस होता है वो कैसा हो जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता है, प्रोडक्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बन जाता है। इसके टाइम पर क्या होता है, जो डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की फ्लेक्सिबिलिटी थी, हमें प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, अब उस फ्लेक्सिबिलिटी की नीड कम होने लगती है। Therefore, the demand for highly skilled labor also decline. तो इससे क्या होता है, जो हमें हाई स्किल लेबर की जरूरत पड़ती थी प्रोडक्शन के लिए, अब वो भी कम हो जाएगी। The innovating country increases its sale to another country. और इससे क्या होता है, जो innovation country है, मतलब जिस country में वो product बना है, अब वो क्या करेगा, करेगी कंट्री दूसरी कंट्रीज में भी उस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करेगी। इस स्टेज के अंदर कॉम्पिटिटर विद स्लाइट वेरिएशन डेवलप पुटिंग डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस एंड प्रॉफिट मार्जिन। इसमें क्या होता है, अब सेकंड स्टेज तक आते आते उस प्रोडक्ट के कई सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, तो इस वजह से डाउनवर्ड प्रेशर बनता है प्राइस पर, प्राइस को कम करना पड़ता है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट आर इंक्रीजिंग कंसर्न। और इस टाइम पर क्या होता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो एक कंसर्न का इशू होती है। थर्ड स्टेज आती है हमारी द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। तो इन दिस फाइनल स्टेज द प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली स्टैंडर्डाइज्ड इन इट्स मैन्युफैक्चर। इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेज में जो प्रोडक्ट होता है वो पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बन चुका होता है मार्केट के अंदर। दस विद एक्सेस टू कैपिटल इन वर्ल्ड कैपिटल मार्केट द कंट्री ऑफ प्रोडक्शन इज सिंपली द वन विद द चीपेस्ट अनस्किल्ड लेबर। क्या बोला है, अब जब पूरी वर्ल्ड में वो प्रोडक्ट बन चुका होता है लेकिन जहां पर उसका इनोवेशन हुआ होता है वो कंट्री कैसी होती है, सबसे चीपेस्ट कंट्री होती है जहां पर वो प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। प्रॉफिट मार्जिन आर थिन एंड कॉम्पिटिशन इज फायर। जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस टाइम पर। द प्रोडक्ट हैज लार्जली रन इट्स कोर्स इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द इनोवेटिंग फर्म। और जो फर्म है वो कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अब नहीं रहती है, सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए उस टाइम पर काम कर रही होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये आपकी तीन स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। अब आता है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट, लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। जो आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थ्योरी है, इसकी क्या क्या आपकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो नंबर वन है एप्लीकेबल ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट। तो द टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट नॉर्मली एक्सपीरियंस द चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेस एज दे ग्रो एंड मैच्योर। क्या बोला है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो टेक्नोलॉजी के चेंज होते ही अपने आप को उनके प्रोसेस में चेंज की जरूरत पड़ती है, और जैसे ही वो ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं, उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें चेंज लाना होता है। अदर प्रोडक्ट सच एज रिसोर्स बेस्ड और सर्विस विच एम्प्लॉय कैपिटल इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर नॉट नेसेसरी कैटेगराइज्ड बाय द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो किस चीज पर बेस्ड होते हैं, रिसोर्सेज पर बेस्ड होते हैं या सर्विसेज पर बेस्ड होते हैं, उनमें ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर, तो उनको किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, तो वो उनका एडवांटेज होता है, हो जाता है। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर इन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट का वो डिसएडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट न्यू प्रोडक्ट आर नॉट डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट। तो ऑल्दो इट मे बी ट्रू दैट फ्रॉम 1945 टू 1975 मोस्ट न्यू प्रोडक्ट वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस, देयर हैव ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इन रिसेंट ईयर इट हैज बीन नोटेड दैट मेनी न्यू प्रोडक्ट आर नाउ इंट्रोड्यूस्ड इन जापान यूएस एंड द एडवांस्ड यूरोपियन नेशन। उस टाइम पर था, क्या बोला है कि उस टाइम पर ऐसा था जब ये थ्योरी बनी थी कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट बनते थे वो यूनाइटेड स्टेट में बनते थे, लेकिन आज के टाइम पर क्या देखा जाता है, जो भी ज्यादा न्यू प्रोडक्ट बनते हैं वो कहाँ से, या तो यूनाइटेड नेशन के होते हैं या फिर एडवांस यूरोपियन नेशंस के होते हैं, यूनाइटेड स्टेट का इतना रोल नहीं रह गया है। तो इस तरीके से अब ये थ्योरी की एक लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि ये थ्योरी यूनाइटेड मार्केट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। ये हो जाती है आपकी यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाली थ्योरी भी खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी आपकी फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। तो द थ्योरी इज बेस्ड ऑन कंट्री प्रोडक्शन फैक्टर लैंड लेबर एंड कैपिटल विच प्रोवाइड द फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बोला है, ये जो थ्योरी है वो किस चीज पर बेस है, जो एक कंट्री के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड लेबर एंड कैपिटल, जो कि कंपनी को प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। दे डिटरमाइंड दैट द कॉस्ट ऑफ एनी फैक्टर और रिसोर्स वाज फंक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये बताते हैं कि जो भी कॉस्ट के फैक्टर, मतलब फैक्टर की जो कॉस्ट होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। फैक्टर दैट वर इन ग्रेट सप्लाई रिलेटिवली डिमांड वुड बी चीपर। फैक्टर ऐसे फैक्टर जो कि जिनकी सप्लाई ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड वो सस्ते होते हैं, और फैक्टर इज ग्रेटर डिमांड रिलेटिव टू सप्लाई वुड बी एक्सपेंसिव। और ऐसे फैक्टर जिनकी डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो वो फैक्टर कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव फैक्टर होते हैं। दिस थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड द फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। इस थ्योरी को हम फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं। स्टेटेड दैट कंट्रीज वुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड दैट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज और फैक्टर दैट वर इन ग्रेट सप्लाई एंड देयरफॉर चीपर प्रोडक्शन फैक्टर। तो जो कंट्रीज होती हैं वो हमेशा ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं जो कि जिनकी सप्लाई ज्यादा हो, और सप्लाई ज्यादा हो ऐसा क्यों करती हैं, ऐसे प्रोडक्शन गुड्स का एक्सपोर्ट या फिर प्रोडक्शन, ताकि जिससे वो गुड्स उन्हें चीपर अमाउंट पर मिल सके, सस्ते दामों पर मिल सके वो गुड, इसलिए वो कंट्रीज ऐसा करती हैं। इन कंट्रास्ट कंट्रीज वुड इम्पोर्ट गुड दैट रिक्वायर रिसोर्सेज दैट वर इन शॉर्ट सप्लाई बट हायर डिमांड। और कंट्रीज ऐसे गुड्स का इम्पोर्ट करना चाहती हैं जो कि कैसे हो, जिनकी डिमांड ज्यादा हो, जिससे क्या हो उन्हें अच्छा प्राइस उन गुड्स के लिए मिल सके।
तो ये होती है आपकी फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी की। फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन को हम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड में किन गुड्स का, किन फैक्टर्स का इंपोर्ट करना है, किन गुड्स फैक्टर का एक्सपोर्ट करना है। फिफ्थ थ्योरी आ गई हमारी द लियोंटिफ पैराडॉक्स। तो द लियोंटिफ पैराडॉक्स इज अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय इकोनॉमिस्ट वेस्ली लियोंटिफ इन 1953। किसने दी थी? वेस्ली लियोंटिफ नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। द पैराडॉक्स रेफर्स टू द अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट विच वॉज कंसिडर्ड टू बी अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री वॉज एक्सपोर्टिंग मोर लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड एक्सपोर्टिंग मोर कैपिटल इंसेंटिव गुड्स। पैराडॉक्स क्या मतलब क्या है यहाँ पर? पैराडॉक्स का मतलब है ये देखा गया जो यूनाइटेड स्टेट था उसके अंदर एक ये एक्सेप्शन देखी गई कि वो एक कैसी कंट्री बन गई थी, कैपिटल अबंडेंट कंट्री होने के बावजूद क्या कर रही थी, जो लेबर इंटेंसिव गुड्स थे उनका एक्सपोर्ट कर रही थी और जो कैपिटल इंसेंटिव गुड्स थे उसका इंपोर्ट कर रही थी। दिस कॉन्ट्रेडिक्ट द प्रेडिक्शन ऑफ हैकर्स ऑलिन मॉडल। इसने क्या करा, जो हैकर्स ऑलिन का मॉडल था उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया इस थ्योरी ने। वे सजेस्ट दैट कंट्री वुड एक्सपोर्ट गुड दैट हैड एन अबंडेंस ऑफ फैक्टर फोर। क्योंकि जो हैकर्स ऑलिन मॉडल है वो ये कहता है कोई भी कंट्री उस गुड्स का एक्सपोर्ट करती है जिसमें उसे अबंडेंस होती है, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट है वो उल्टा कर रहा था। कैपिटल अबंडेंट कंट्री होने के बावजूद वो क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था लेबर इंटेंसिव गुड का, जो कि उस वाली थ्योरी का उल्टा था। तो इसे इसलिए पैराडॉक्स बोला गया है। लियोंटिफ रिसर्च शोल्ड दैट यूएस वॉज एक्सपोर्टिंग गुड्स दैट रिक्वायर्ड लेबर इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट देन गुड्स इट वॉज इम्पोर्टिंग। लियोंटिफ की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि जो यूएस है वो उन गुड्स को एक्सपोर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि उनमें लेबर इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए जो कि उसे इम्पोर्टिंग गुड्स पर नहीं चाहिए। दिस लीड टू कंक्लूजन दैट यूएस वॉज नॉट अ कैपिटल अबंडेंट एज प्रीवियसली थॉट एंड रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ हैकर्स ऑलिन मॉडल इन एक्सप्लेनिंग द इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न। तो जब ये लियोंटिफ ने रिसर्च करी तब इससे ये निकल के आया कि ऐसा माना जाता है कि जो यूएस है वो एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और इसे क्या हुआ, जो हैकर्स ऑलिन मॉडल था उसके ऊपर एक तरीके से उसकी वैलिडिटी पर क्वेश्चन अराइज हो गए। द लियोंटिफ पैराडॉक्स स्पार्क्ड फर्दर रिसर्च इनटू द डिटरमिनेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न एंड हैज इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रेड थ्योरी। तो इससे क्या हुआ, लियोंटिफ ने और भी कई सारी रिसर्चेज करी इंटरनेशनल ट्रेड के पैटर्न को जानने के लिए और उसने कई सारी और भी नई नई थ्योरीज दी थी। ठीक है, लास्ट थ्योरी बची है जो आपकी, वो है थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो माइकल पॉटर ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल डेवलप्ड अ न्यू मॉडल टू एक्सप्लेन नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन 1990। जो माइकल पॉटर थे उन्होंने ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो थ्योरी थी उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करके नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी बनाया है। पॉटर थ्योरी स्टेटेड दैट नेशंस कॉम्पिटिटिवनेस इज एन इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री टू इनोवेट एंड अपग्रेड। क्या बोला है, कोई भी कंट्री होती है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस होती है जो इंडस्ट्री की, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, उस इंडस्ट्री की इनोवेशन और अपग्रेडेशन पे, कि कितना वो जो इंडस्ट्री है वो इनोवेटिव इंडस्ट्री है और कितनी वो अपग्रेडेड है। हिज थ्योरी फोकस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग वाई सम नेशन आर मोर कॉम्पिटिटिव इन सर्टेन इंडस्ट्री। इसकी जो थ्योरी थी उसने ये बताया कि जो कुछ कंट्रीज होती हैं वो क्यों कॉम्पिटिटिवनेस ले पाती हैं किसी इंडस्ट्रीज में, किसी सर्टेन इंडस्ट्री में। तो टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी पोर्टर आइडेंटिफाई फोर डिटरमिनेंट दैट लिंक टुगेदर। द फोर डिटरमिनेंट आर लोकल मार्केट रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी, लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन, लोकल सप्लायर एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री एंड लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन्होंने ये चार चीजों के अकॉर्डिंग बताया है इसको। सबसे पहले लोकल मार्केट रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। तो पोर्टर रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन थ्योरी विच कंसिडर्ड अ नेशन रिसोर्स एज की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट आर कंट्री विल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। पोर्टर ने क्या देखा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कंसिडर करा कि किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंट्री किन गुड्स का एक्सपोर्ट करेगी और किन गुड्स का इंपोर्ट करेगी। नेक्स्ट है लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन। तो पोर्टर बिलीव दैट सोफिस्टिकेटेड होम मार्केट इज क्रिटिकल टू इंश्योरिंग ऑनगोइंग इनोवेशन देयर बाय क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कंपनीज हुज डोमेस्टिक मार्केट आर सोफिस्टिकेटेड ट्रेंड सेटिंग एंड डिमांडिंग फोर्स कंटिन्यूज इनोवेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या बोला है, लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन की जो एक कंट्री है उसके अंदर लोकल मार्केट की डिमांड कंडीशन कैसी है, वो कितनी सोफिस्टिकेटेड है, कितनी ट्रेंड सेटिंग है, क्या उनके डिमांड फोर्सेज है, उनकी कंटिन्यूस इनोवेशन कैसी है, इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो कंट्री क्या चीज इंपोर्ट करेगी या क्या चीज एक्सपोर्ट करेगी। फिर लोकल सप्लायर एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री। तो टू रिमेन कॉम्पिटेटिव लोकल ग्लोबल फर्म बेनिफिट फ्रॉम हैविंग स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट सपोर्टिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री टू प्रोवाइड द इनपुट रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री। सर्टेन इंडस्ट्री क्लस्टर ज्योग्राफिकली विच प्रोवाइड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। थर्ड एंगे जो वो है सप्लायर और कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री, मतलब जो उनके सप्लायर हैं जो उन्हें रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, और जो कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, उन पर डिपेंड करता है कि एक कंट्री है की इंडस्ट्री एक कंट्री है वो किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करेगी और किन चीज़ों का इंपोर्ट करेगी। फोर्थ है लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड फर्म स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री राइवलरी। लोकल स्ट्रेटेजी अफेक्ट अ फर्म्स कॉम्पिटिटिवनेस, अ हेल्दी लेवल ऑफ राइवलरी लोकल फर्म विल सुपर इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। फोर्थ है लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक की जो एक इंडस्ट्री है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
उसके राइवल कौन कौन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि वो कंपनी एक्सपोर्ट क्या करेगी, इंपोर्ट क्या करेगी। ठीक है, तो ये आपके चार डिटरमिनेंट है सिक्स वाली थ्योरी के। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल क्या होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल रेफर्स टू वेरियस मैकेनिज्म एंड पॉलिसी दैट गवर्नमेंट यूज टू रेगुलेट एंड मैनेज इंटरनेशनल ट्रेड। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड के अंदर, ट्रेड कंट्रोल के अंदर वो सारे मैकेनिज्म मतलब वो सारे तरीके और पॉलिसीज आती हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है किस चीज को, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसे रेगुलेट करने के लिए कि वो सही तरीके से चलता रहे, एफिशिएंटली वर्क होता रहे, एफिशिएंटली ट्रेड होता रहे कंट्री के अंदर। दीज इंस्ट्रूमेंट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप, ट्रेड बैरियर एंड ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स। जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल होते हैं इन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं ट्रेड बैरियर्स, एक होते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स। इनमें ट्रेड बैरियर्स में क्या आते हैं, ऐसे तरीके जो कि हम एज अ रिस्ट्रिक्शन यूज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। और ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स में आते हैं वो तरीके जिनसे हम इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं, प्रमोशन के तरीके होते हैं। हेयर आर सम कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्रोल। तो आप देखिए कुछ कॉमन हमें बता रखे हैं कौन कौन से। पहला आएगा टैरिफ। टैरिफ आर टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स मेकिंग देम मोर एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर एंड बिजनेसेस। टैरिफ क्या होता है, जो हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कहा जाता है टैरिफ। ये क्या करता है, कंज्यूमर के लिए और बिजनेस के लिए जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए इन गुड्स को और ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है। टैरिफ आर यूज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरन कॉम्पिटिशन, रेज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड करेक्ट ट्रेड इम्बेलेंस। टैरिफ का यूज किस लिए करा जाता है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरन कॉम्पिटिशन से, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए और एक ट्रेड इम्बेलेंस को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वोटाज। तो क्वोटाज आर लिमिट सेट बाय गवर्नमेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड दैट कैन बी इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री। क्वोटाज क्या होता है, ये एक लिमिट होती है जो गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है किस चीज के ऊपर, उन गुड्स के ऊपर जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है कि इससे ज्यादा क्वांटिटी में आप गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। क्वोटाज रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इससे क्या होता है, जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं उसकी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इससे प्रोटेक्ट होते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो होती है उसे प्रोटेक्ट करा जाता है और मार्केट प्राइस को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है सब्सिडीज। तो सब्सिडीज आर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मेकिंग देयर प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटेटिव इन ग्लोबल मार्केट। सब्सिडीज क्या होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, मतलब फाइनेंशियल मदद होती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कि वो गवर्नमेंट उन्हें कुछ पैसा प्रोवाइड करवाती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, जिससे क्या हो, वो अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पर बना, उनके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो जाए और वो ग्लोबल मार्केट में उसके लिए कॉम्पीट कर सके। सब्सिडीज कैन हेल्प प्रमोट एक्सपोर्ट। इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, सपोर्ट इंडस्ट्री फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंज। ऐसी इंडस्ट्री जो कि इकोनॉमिक चैलेंज फेस कर रही है, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है या जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उनको इससे सपोर्ट मिलती है और स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल आर रेगुलेशन दैट रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स, टेक्नोलॉजी और सर्विस फॉर नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक रीजन। एक्सपोर्ट कंट्रोल क्या होता है, कुछ गुड्स की, टेक्नोलॉजी की और सर्विसेज की एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है नेशनल सिक्योरिटी की रीजन की वजह से, फॉरेन पॉलिसी के रीजन की वजह से या किसी इकोनॉमिक रीजन की वजह से, तो उस चीज को कहा जाता है एक्सपोर्ट कंट्रोल। एक्सपोर्ट कंट्रोल एम टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी एंड प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है इसका एम क्या होता है कि जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसका प्रोलिफरेशन ना हो, मतलब एक तरीके से उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसे बनाने में जो यूज हुआ है और उसको क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस चीज की को एक सीक्रेसी बनाने के लिए ये एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग रिक्वायर इंपोर्ट टू ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर इंपोर्टिंग सर्टेन गुड। इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्या होती है, कोई भी अगर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनका अगर इंपोर्ट कोई करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की पहले जरूरत पड़ती है, तो उसे कहा जाता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट लाइसेंसिंग इज यूज टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मॉनिटर ट्रेड फ्लो एंड इंश्योर कंप्लायंस विद ट्रेड रेगुलेशन। जो ये इंपोर्ट लाइसेंसिंग है इससे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फ्लो रेगुलेट होता है, उनके ट्रेड को मॉनिटर करा जाता है और वो सभी जो ट्रेड की गाइडलाइंस हैं उनको कंप्लाई कर रहे हैं, जो लॉज वगैरह रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती हैं उस इंपोर्ट पर वो सारे मान रहे हैं, ये चीज इंपोर्ट लाइसेंसिंग की मदद से देखी जाती है। नेक्स्ट है ट्रेड एग्रीमेंट। तो ट्रेड एग्रीमेंट आर फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज दैट एस्टेब्लिश रूल्स एंड कंडीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। दो कंट्री जब आपस में मिलकर अपने कंट्री आपस के ट्रेड के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लें, उस चीज को क्या कहा जाता है, ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। ट्रेड एग्रीमेंट कैन बी इंक्लूडेड प्रोविजन ऑन टैरिफ, क्वोटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज आती है, टैरिफ के लिए कोई प्रोविजन, क्वोटाज के लिए प्रोविजन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रोटेक्शन है या अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे किस तरीके से रिजोल्व करा जाएगा, ये सारी चीजें हमारी ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड रेमेडीज। तो ट्रेड रेमेडीज आर मेजर्स दैट कंट्रीज कैन यूज टू एड्रेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सच एज डंपिंग, सेलिंग गुड्स बिलो कॉस्ट और सब्सिडीज बाय फॉरेन प्रोड्यूसर।
ट्रेड रेमेडीज क्या होती हैं, ऐसे मेजर जो कि कंट्री किस लिए यूज करती हैं कि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो उसको रोकने के लिए ट्रेड रेमेडीज का यूज करा जाता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या क्या होती है, जैसे डंपिंग, मतलब जो सेलिंग प्राइस है गुड्स का उससे कम कॉस्ट पर गुड्स को सेल करना, या फिर फॉरेन प्रोड्यूसर्स से सब्सिडीज मिलना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती हैं और इनको ट्रेड रेमेडी की मदद से कम करा जाता है। ट्रेड रेमेडी इंक्लूड एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई, कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी हो गई और सेफगार्ड मेजर्स, ये सारी चीजें ट्रेड रेमेडीज का पार्ट बनती हैं। नेक्स्ट है कस्टम प्रोसीजर्स। तो कस्टम प्रोसीजर्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस दैट गवर्न द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर। कस्टम प्रोसीजर क्या होता है, वो प्रोसीजर जिसकी मदद से, मतलब जो जिससे हमें पता लगता है कि एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में गुड्स की मूवमेंट होनी है तो क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ेगा, वो सी चीज कहलाती है कस्टम प्रोसीजर्स। कस्टम प्रोसीजर इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, इसके अंदर क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी इस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, इंस्पेक्शन, ड्यूटीज कलेक्शन, इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेड रेगुलेशन, ठीक है। लक्ष्य में है ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ये इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल होते हैं, ये क्या एक अच्छा रोल प्ले करते हैं किस चीज में, इंटरनेशनल ट्रेड की रिलेशंस को शेप करने में, अच्छी रिलेशन बनाने में, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। गवर्नमेंट यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर एंड ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स टू अचीव देयर ट्रेड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव एंड इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। गवर्नमेंट क्या करती है, इन सभी ट्रेड बैरियर्स और ट्रेड फैसिलिटेशंस को कॉम्बिनेशंस में यूज करती है जिससे क्या हो सके, जो गवर्नमेंट का ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सके और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है वो भी ग्लोबल लेवल पर एक तरीके से अपने प्रोडक्ट और मार्केट तक रीच आउट कर सके, ठीक है। ये था आपका ट्रेड से रिलेटेड। अब है आपका जो कंसेप्ट है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये अपने आप में पूरा एक अलग टॉपिक है आपका। तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक कंट्री और बाकी पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज के बीच में, मतलब एक कंट्री और बाकी जितनी भी फॉरेन कंट्री हैं उनके बीच में एक साल के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं, मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितने गुड्स आए, कितने गुड्स गए, सारे मॉनिटरी टर्म में मेजर करा जाता है, उस चीज को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। वन ऑफ द मेन यूजेज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका जो मेन यूज है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजर करने का वो क्या है, जिससे हमें पता लग सके कि फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज की मनी होती है कितनी कंट्री में आ रही है और कितनी कंट्री से जा रही है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट यूज इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इसके अंदर जो डबल एंट्री सिस्टम होता है बुक कीप करने का वो यूज करा जाता है। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड क्रेडिट, और ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में रिकॉर्ड करा जाता है, अगर कुछ आ रहा है तो डेबिट और कुछ जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। फ्रॉम द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ होम कंट्री अ डेबिट ट्रांजेक्शन इज अ फ्लो फ्रॉम फॉर विच द होम कंट्री मस्ट पे। डेबिट ट्रांजेक्शन क्या होती है, ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे कंट्री के अंदर कुछ आ रहा है और जो होम कंट्री है उससे उसके लिए पे करना पड़ रहा है। एंड रिक्वायर द सप्लाई ऑफ द होम करेंसी, और उसमें क्या करना पड़ रहा है, उसे अपनी होम करेंसी है उसकी सप्लाई करनी पड़ रही है, मतलब उसे पैसा देना पड़ रहा है दूसरी कंट्री को। एग्जाम्पल ऑफ डेबिट ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज आती है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर कोई कंट्री गुड्स का इंपोर्ट करती है तो गुड्स कंट्री में आते हैं और होम करेंसी जाती है। ट्रांसफर टू फॉरन रेजिडेंट, फॉरन में कोई रेजिडेंट है उसे हम कुछ चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट और रिडक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, या तो हम किसी लॉन्ग टर्म एसेट का, फॉरेन का कोई लॉन्ग टर्म एसेट है उसे एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, या फिर हमारी कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसे हम पे ऑफ कर रहे हैं तो पैसा जाएगा। एक्विजिशन ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट और रिडक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और ऐसा ही सेम शॉर्ट टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के लिए। तो ये एग्जाम्पल थे आपके किसके, डेबिट ट्रांजेक्शन के, कि एक कंट्री में डेबिट ट्रांजेक्शन कब होती है। फिर फ्रॉम द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ होम कंट्री अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन फ्लो फ्रॉम विच द होम कंट्री इज पेड एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर द होम करेंसी बाय फॉरेन रेजिडेंट। इसके अंदर क्या होता है, होम क्रेडिट ट्रांजेक्शन में जो होम कंट्री होती है उसके पास पैसा आता है, उसको पैसा दिया जाता है उसके गुड्स या सर्विस या किसी और चीज के लिए। एग्जाम्पल क्या क्या है क्रेडिट ट्रांजेक्शन में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, ट्रांसफर फ्रॉम फॉरेन रेजिडेंट, बाहर के किसी पर्सन ने होम कंट्री के किसी पर्सन को कुछ पैसा भेजा, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट और इंक्रीज ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म एसेट को सेल करा या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ गई, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसेट और इंक्रीज ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म एसेट को सेल करा या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इफेक्ट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका इनफ्लो होता है कंट्री के अंदर, व्हाइल इंपोर्ट ऑफ गुड कॉज आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द कंट्री, जबकि जो आउट इंपोर्ट होता है उससे क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हुआ माइनस कितना फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हुआ, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इफ एक्सपोर्ट
एक्सीड इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सरप्लस। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा फॉरेन एक्सचेंज का और इंपोर्ट कम होगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका सरप्लस में है। वहीं अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा दिखाएगा, आपका डेफिसिट में दिखाएगा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की। नंबर वन है समरी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ समरी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इट हैज टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट लाइक एनी अदर अकाउंट। ये क्या है, एक तरीके की समरी होता है जो कि हमें बताता है कि क्या कंट्री में इनफ्लो हो रहा है, क्या आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज में। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। सेकंड है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो द समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या बताता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें ये भी पता लगता है कि बाकी के वर्ल्ड के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है किसी कंट्री की, उसके बारे में भी बताता है, समरी देता है। दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कैपिटल रिसीव्ड बाय रेजिडेंट एंड पेमेंट मेड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज आती है, कितना पैसा आया गुड्स और सर्विसेज के लिए, कितना कैपिटल रिसीव हुआ रेजिडेंट्स को, या कितना रेजिडेंट्स को, बाहर के रेजिडेंट्स को कैपिटल सेंड करा, और उसके अलावा कितनी पेमेंट करी गई गुड्स और सर्विसेज के लिए। ठीक है, वो सारी चीजें भी हमें इससे पता लगती हैं। नेक्स्ट है कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंटेन ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री विद द कंट्रीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या होता है, एक कंट्री की बाकी सभी कंट्रीज के साथ की ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ सेम कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड। और इसके अंदर अगर एक ही कंट्री के दो लोग आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो चीज इसमें इंक्लूड नहीं करी जाती है। नेक्स्ट है फ्लो स्टेटमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ कंपाइलेशन ऑफ लोगो ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑन पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। इट इज मोर लाइक अ फंड फ्लो स्टेटमेंट रेदर देन लाइक अ बैलेंस शीट। ये क्या होती है, एक तरीके की फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है, मतलब जब पैसा आता है तब रिकॉर्ड करा जाता है, जब जाता है तब रिकॉर्ड होता है, कंटीन्यूअस बेसिस पे होता है, ना कि ये एक पर्टिकुलर डेट पे किया जाता है जैसे कि बैलेंस शीट। ये ऐसी नहीं होती है, फ्लो स्टेटमेंट की तरह होती है। नेक्स्ट है डेफिनेट पीरियड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कवर है स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यूजुअली वन ईयर। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है वो एक टाइम पीरियड कवर करता है जो कि कितना होता है, एक साल का होता है। हाउएवर इट मे बी प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड सच एज 6 मंथ, 3 मंथ और इवन 1 मंथ डिपेंडिंग अपॉन कंट्री रिक्वायरमेंट। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ये टाइम पीरियड है ये एक ही साल का हो, इसे हम 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अपने कंट्री के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम है, तो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन बीओपी ऑन बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ईच ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन डेबिट एंट्री एंड क्रेडिट एंट्री ऑफ इक्वल अकाउंट। देयरफॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट ऑलवेज हैव बैलेंस। क्या बोला है, जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, जिसके अंदर अगर जो ट्रांजेक्शन होती है उसके डेबिट इफेक्ट भी इंक्लूड करा जाता है और उसका क्रेडिट इफेक्ट भी जिस अकाउंट पे होता है, तो इससे क्या होता है ये हमेशा बैलेंस में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो द वेरियस आइटम रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग हेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में जो जो चीजें रिकॉर्ड करी जाती है उनको हम 4 हेड्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले करंट अकाउंट क्या होता है, द करंट अकाउंट इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज और डिक्रीज द कंट्रीज नेशनल इनकम। करंट अकाउंट के अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन आती हैं जो किसी एक कंट्री की नेशनल इनकम को या तो बढ़ा दें या कम कर दें। इट कंसिस्ट टू ऑफ मेजर ग्रुप आइटम। इसके अंदर दो मेजर ग्रुप होते हैं करंट अकाउंट के अंदर, विजिबल और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और इनविजिबल और सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट और सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड आर क्रेडिट एंट्रीज बिकॉज दीज क्रिएट मॉनेटरी क्लेम ऑन फॉरेनर। ऑन द अदर हैंड मर्केंडाइज इंपोर्ट और परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रॉड आर डेबिट एंट्री बिकॉज दीज क्रिएट मनी क्लेम ऑफ फॉरेन ऑन द होम कंट्री। तो देखिए, जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है इसके अंदर अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्या होता है, ये क्रेडिट साइड में जाती है करंट अकाउंट के एंट्री, और वहीं अगर इंपोर्ट हो रहा होता है तो वो डेबिट साइड में एंट्री आती है। इनविजिबल एक्सपोर्ट और सेल ऑफ सर्विस अब्रॉड आर क्रेडिट एंट्रीज व्हाइल इनविजिबल इंपोर्ट और परचेज ऑफ सर्विस फ्रॉम अब्रॉड आर डेबिट एंट्री। ऐसा ही इनविजिबल एक्सपोर्ट और इनविजिबल इंपोर्ट के साथ है, अगर इनविजिबल एक्सपोर्ट है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी एंट्री, इनविजिबल इंपोर्ट है तो वो डेबिट साइड में। इनविजिबल एक्सपोर्ट इंक्लूड, अब इनविजिबल एक्सपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज आती है, सेल ऑफ सर्विस टू फॉरेनर। एक फॉरेनर है उसको हमने सर्विस की सेल करी है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विस, सैलरीज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन लोन एंड इन्वेस्टमेंट अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन इनविजिबल एक्सपोर्ट। तो ये जो सारी ट्रांजेक्शन है ये आपकी किसमें, इनविजिबल एक्सपोर्ट के अंदर इंक्लूड करी जाती है। इनविजिबल इंपोर्ट इंक्लूड द परचेज ऑफ सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल, सैलरीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड टू फॉरेनर। इनविजिबल इंपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, ये सारी चीजें, इनको जब हम परचेज करते हैं तो वो आपकी इनविजिबल इंपोर्ट के अंदर आती हैं। द करंट अकाउंट बैलेंस इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस इनकम एंड गिफ्ट। जो करंट अकाउंट बैलेंस होता है वो क्या डिफरेंस बताता है कि कितने वैल्यू के गुड्स सर्विस इनकम और गिफ्ट हैं, उनका इनफ्लो हुआ और कितनों का आउटफ्लो हुआ, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस बचता है।
व्हेन इनफ्लो आर मोर देन आउटफ्लो, अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है तो करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस होगा, लेकिन अगर आउटफ्लो करंट अकाउंट सरप्लस मींस द कंट्री हैज अ नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और अगर करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस है तो वो क्या बताता है कि कंट्री के अंदर नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है, मतलब कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है एक तरीके से। ऑन द अदर एंड व्हेन आउटफ्लो एक्सीड इनफ्लो, अगर आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा हो जाता है तो करंट अकाउंट सेट टू बी नेगेटिव, तो करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाता है। अ डेफिसिट करंट अकाउंट मींस द कंट्री इज नेट बोरोअर फ्रॉम एब्रोड, और डेफिसिट करंट अकाउंट मतलब नेगेटिव करंट अकाउंट का क्या मतलब हो जाता है कि जो कंट्री है वो नेट बोरोवर है एब्रोड से, मतलब कंट्री ने बाहर से पैसा बोरो करा है। इट्स डोमेस्टिक सेविंग्स आर लेस देन इट्स डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड द कंट्री एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स प्रोडक्शन। क्या क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं नेगेटिव बैलेंस से, कि जो डोमेस्टिक सेविंग है कंट्री की वो कम है उसकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से, और जो कंट्री का एक्सपेंडिचर है वो उसके प्रोडक्शन से ज्यादा है। ये था आपका करंट अकाउंट का सारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्राइवेट कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल। द प्राइवेट अकाउंट इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन, जो प्राइवेट अकाउंट होता है उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन आती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन आती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांसफर विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ वन ईयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांसफर हम किनको बोलते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड एक साल का होता है, वेयर एज लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांसफर आर हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन होती है उनका मैच्योरिटी पीरियड एक साल से ज्यादा का होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, अब लॉन्ग टर्म के अंदर क्या क्या आता है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके की, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, करेंसी डिपॉजिट्स हो गए, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स, ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट है जो बैंकिंग कैपिटल, तो बैंकिंग कैपिटल इंक्लूड मूवमेंट इन एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक एंड कॉपरेटिव बैंक विच आर ऑथराइज टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। बैंकिंग कैपिटल के अंदर क्या चीजें आती हैं, जो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है कमर्शियल बैंक की, उनकी जो मूवमेंट होती है फॉरेन एक्सचेंज के साथ, उस चीज को हम कहाँ इंक्लूड करते हैं, बैंकिंग कैपिटल में। ऑफिशियल कैपिटल क्या होती है, रेफर्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्डिंग इन फॉरेन करेंसी एंड स्पेशल ड्राइंग राइट विद गवर्नमेंट। ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजेक्शन कौन कौन सी होती है, ऐसी ट्रांजेक्शन जो रिजर्व बैंक होल्ड करती है फॉरेन करेंसी की और स्पेशल ड्राइंग राइट होता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, वो चीज आती है ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट के अंदर। इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम एब्रोड आर ट्रीटेड एज क्रेडिट आइटम, अगर बाहर से कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लेते हैं, वेयर एज कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम होम कंट्री, अगर होम कंट्री से कैपिटल का इनफ्लो बाहर हो रहा है तो वो हमारी डेबिट साइड का आइटम बनती है अकाउंट में, ठीक है। ये था आपका कैपिटल अकाउंट छोटा सा। नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर इज वन वे ट्रांसफर ऑफ मनी गुड सर्विस फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, जब सिर्फ एक पर्सन से या तो मनी या गुड्स या सर्विस ट्रांसफर होते हैं और उसके बदले में दूसरे पर्सन को कुछ भी नहीं देना होता है। इट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब पेमेंट मेड बाई गवर्नमेंट टू देयर सिटीजन। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ज्यादातर ऐसी पेमेंट जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को करती है वो आती है, और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फॉरन एड, या फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री को करती है फॉरन सपोर्ट के फॉर्म में, वो सारी ट्रांजेक्शन यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट के अंदर हमारी आती है। इन दिस केस द सप्लायर ऑफ फंड रिसीव नथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द रिसिपिएंट। इसके अंदर क्या होता है, जो सप्लायर होता है उसे बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। अ यूनिलेटरल ट्रांसफर डिफर फ्रॉम बायलेटरल ट्रांसफर सच अ बायलेटरल ट्रेड विच इन्वॉल्व रेसिप्रोकल ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर बोथ द पार्टी। जो यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है वो इसीलिए बायलेटरल ट्रांसफर से अलग है क्योंकि बायलेटरल के अंदर दोनों पार्टी को ट्रांजेक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है, लेकिन यूनिलेटरल में सिर्फ ट्रांसफर होता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑकर फ्रीक्वेंटली एज गिफ्ट इन एवरीडे लाइफ। यूनिलेटरल ट्रांसफर का डेली लाइफ का एक एग्जांपल है, जो गिफ्ट दिया जाता है। दिस कैन बी कंट्रास्टेड विद बायलेटरल ट्रांसफर, अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स मनी और सर्विस। अ बर्थडे गिफ्ट और वेडिंग प्रेजेंट आर एग्जांपल वेयर नथिंग इज एक्सपेक्टेड इन रिटर्न। जो एक बर्थडे गिफ्ट होता है या वेडिंग गिफ्ट होता है वो एक यूनिलेटरल ट्रांसफर का ही एग्जांपल होता है, जिसमें बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट बाय गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन यूनिवर्सल ट्रांसफर अकाउंट ऑफ अ नेशंस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब जो यूनिलेटरल ट्रांसफर जो गवर्नमेंट करती है वो कहाँ रिकॉर्ड करे जाते हैं, उस कंट्री के यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट में रिकॉर्ड करे जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेड ट्रांजेक्शन विच आर बायलेटरल दैट बोथ पार्टी रिसीव समथिंग, और ये अलग होते हैं किससे, जो भी बायलेटरल ट्रांजेक्शन होती है उनसे, ठीक है। फोर टाइप का जो अकाउंट है आपका वो आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो गवर्नमेंट होल्डिंग और मींस ऑफ पेमेंट हेल्ड बाय ऑफिशियल एजेंसी दैट आर जनरली एक्सेप्टेड फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्लेम आर इंक्लूडेड इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। क्या होता है, कई बार कुछ पेमेंट गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखी होती है या कुछ ऑफिशियल एजेंसीज ने होल्ड कर रखी होती है, किस लिए, फॉरन एक्सचेंज ये होल्ड कर रखा होता है। कई बार कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है तो उसको क्लेम करने के लिए या सेटल करने के लिए जब इनका यूज करा जाता है, तो ऐसे जो होल्डिंग होती है वो किस अकाउंट के अंदर होती है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर वो होती है। दीज आर ऑफिशियल परचेज एंड सेल ऑफ फॉरन करेंसी एंड अदर रिजर्व। ये क्या होता है, एक तरीके से ऑफिशियली खरीद रखे होते हैं या सेल कर रखी होती है फॉरन करेंसी की या फॉरन रिजर्व की। Essentially, this type of account keep track of transaction relating to international reserve and central bank assets that are transferred among nation to settle either balance of payment deficit or surplus.
ये क्या होते हैं, इस टाइप के जो अकाउंट होते हैं उनके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड की ट्रांजेक्शन को ट्रैक रखा जाता है और सेंट्रल बैंक के एसेट का ध्यान रखा जाता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसने फॉरेन करंट नेशंस के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन करी है किसी पेमेंट ऑफ डेफिसिट या सरप्लस को बैलेंस करने के लिए। अ नेशन रनिंग क्रॉनिक करंट अकाउंट डेफिसिट में फॉर्मुलेट पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स फॉर इंपोर्ट ऑफ सीक एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट टू मेक देयर एक्सपोर्ट मोर प्राइस कॉम्पिटेटिव। अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसका जो ये आपका करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चल रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी की पॉलिसीज क्रिएट करेगी जिससे क्या हो जो एक्सपोर्ट और ये एक्सचेंज रेट है इन सारी चीजों को कॉम्पिटेटिव प्राइस कॉम्पिटेटिव बनाया जा सके कि ग्लोबल मार्केट में वो ट्रेड कर सके। इट ऑल्सो मे ट्राई टू क्रिएट बेटर कंडीशन फॉर इंटरनेशनल कंपनी लुकिंग टू बिल्ड न्यू फैक्ट्री अब्रॉड। और इससे क्या होता है जो ऐसी इंटरनेशनल कंपनी जो कहीं बाहर जाकर अपनी कंट्रीज बनाना चाहती हैं उनके लिए एक बेटर कंडीशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, सो यहाँ तक का आपका ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉम्पोनेंट है वो सारे। ठीक है, अब आएगा कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है इसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है, मतलब एक तरीके का जो डिसबैलेंस हो जाता है, ये कम ज्यादा हो जाते हैं, डेफिसिट सरप्लस हो जाता है, वो क्यों होता है? तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी आर इक्वल। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसे हम इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं, जब जितनी सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की उतनी ही उसकी डिमांड है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स आइदर अ सरप्लस और डेफिसिट इन इट। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, या तो सरप्लस है या डेफिसिट है। व्हेन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड्स इट सप्लाई, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो डेफिसिट हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन सप्लाई ऑफ एक्सचेंज एक्सीड्स इट डिमांड, जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो उससे क्या हो जाता है, सरप्लस हो जाता है। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर, अब किन किन चीजों की वजह से होता है। पहला आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, इसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर में पार्ट है डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम। तो डेवलपिंग कंट्री अंडरटेक हैवी एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री पावर प्लांट ब्रिज रोड पोर्ट्स हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज। तो क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा खर्चा कर देती हैं जैसे कि पावर प्लांट ब्रिजेज रोड पोर्ट्स हॉस्पिटल बनाने में, जिसकी वजह से उनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। फिर आता है साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम, तो सच डिसइक्विलिब्रियम अराइज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉज्ड बाय बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की वजह से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर इफेक्ट पड़ता है उससे जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है वो कहलाता है आपका साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम। द बूम इन बिजनेस एक्टिविटी इन अ कंट्री इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन एंड प्राइस, अगर बिजनेस एक्टिविटी में बूम आ जाता है तो उससे क्या होता है, जो प्राइस है कंजप्शन है डिमांड है वो बढ़ जाती है। द कंट्री इंपोर्ट मोर कंज्यूमर गुड्स टू मीट द इंक्रीज इन डिमांड, और कंट्री क्या करती है फिर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर गुड्स का इंपोर्ट करती है जिसके लिए फिर उन्हें पैसा देना पड़ता है और उससे डेफिसिट हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम, तो डिसइक्विलिब्रियम इन अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू सेक्युलर ट्रेंड इन द इकोनॉमी। सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसा डिसइक्विलिब्रियम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस वजह से है, किसी सेक्युलर ट्रेंड की वजह से है कंट्री में। इन अ डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस डिस्पोजल इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड आर जनरली वेरी हाई, एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर हाई ऑन अकाउंट ऑफ हाई वेज रेट, हाई कॉस्ट रिजल्ट इन हायर प्राइस, देयरफॉर द कंट्री इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री वेयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एट लोअर कॉस्ट। ये क्या होता है, मान किसी कंट्री में अगर डिमांड ज्यादा होती है तो उससे गुड्स के प्राइस भी ज्यादा हो जाते हैं, वेजेस रेट बढ़ जाते हैं, सारी चीजें बढ़ जाती है, तो ऐसे टाइम पर कंट्री क्या करती है, उन गुड्स को दूसरी कंट्री में से जहां पर वो गुड्स थोड़े सस्ते होते हैं वहां से इंपोर्ट करती है। तो इस केस में क्या होता है, फिर कंट्री को वो गुड्स इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट करनी पड़ती है, इससे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, तो स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी इंक्लूड शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई, डेवलपमेंट ऑफ बेटर सब्स्टिट्यूट, एग्जॉस्टेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, चेंज इन ट्रांसपोर्ट रूट एंड कॉस्ट। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसा डिसइक्विलिब्रियम जो किस वजह से आए, जब कंट्री अपने स्ट्रक्चर में चेंज करे, या तो एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में ट्रांसफर हो जाए या फिर कुछ ऐसे अल्टरनेटिव सोर्सेज को डेवलप करने लग जाए जो कि किस चीज से स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो कंट्री के, जिसकी वजह से कंट्री का बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है और उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट है जो फैक्टर है वो है पॉलिटिकल फैक्टर, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सिविल वॉर, राइट्स, टेररिज्म, एक्सटर्नल वॉर, सच अदर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट अ थ्रेट टू इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट, दिस फैक्टर में लीड टू लार्ज कैपिटल आउटफ्लो एंड डिक्लाइन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। क्या बोला है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी किसी कंट्री के अंदर, सिविल वॉर, राइट्स हो रहे हैं, टेररिज्म है, एक्सटर्नल वॉर है या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक खतरा हो जाता है इंडस्ट्री को भी और उसमें होने वाली इन्वेस्टमेंट को भी। तो इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो दूसरी कंट्री में पैसा लगाना ज्यादा अच्छा समझते हैं, इससे क्या होता है फिर आउटफ्लो होता है और डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल फैक्टर, तो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस फैशन में अफेक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विच टर्न क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सोशियोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, टेस्ट में चेंज आ गया लोगों के, प्रेफरेंस में चेंज आ गया, फैशन में चेंज आ गया, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में चेंज आता है और इससे क्या होता है फिर आपका डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रिएट हो जाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है डिफरेंट मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के क्या क्या मेजर्स हैं आपके, तो सबसे पहले आएगा आपका ऑटोमेटिक करेक्शन। हियर द अजम्पशन इज दैट इफ द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर अलाउड टू प्ले फ्रीली इन कोर्स ऑफ टाइम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी विल बी ऑटोमेटिकली अचीव्ड। ऑटोमेटिक करेक्शन में क्या माना जाता है, ये माना जाता है कि जो मार्केट के फोर्स होंगे डिमांड एंड सप्लाई वो अपने आप अपना रोल प्ले करेंगे और इस डिसइक्विलिब्रियम को आगे चलकर अपने आप ठीक कर देंगे। फिर है डेलिबरेट मेजर्स, सो व्हेन डिसइक्विलिब्रियम इज नॉट करेक्टेड ऑटोमेटिकली डेलिबरेट स्टेप्स आर टेकन एंड दीज आर फॉलोज। जब जो ये डिसइक्विलिब्रियम को मार्केट फोर्सेज सही नहीं कर पाते हैं, जो ऑटोमेटिक मेजर है वो ठीक नहीं कर पाते हैं, तब क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं, सबसे पहले रिडक्शन या एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। तो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन करेक्टेड बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो मनी सप्लाई को कम कर देंगे हम, तो उससे क्या हो जाएगा, डेफिसिट खत्म हो जाएगा। और अगर सरप्लस है तो मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे, उससे जो डिसइक्विलिब्रियम है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिवेल्यूएशन, तो अ कंट्री हैविंग कंसीडरेबल डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिवेल्यूएट इट्स करेंसी टू इनकरेज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इंपोर्ट। और क्या मेजर लिया जाता है, स्टेप लिया जाता है, कंट्री अपनी कंट्री करेंसी को डिवेल्यू कर देती है, जिससे क्या होता है एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है। डिवेल्यूएशन मीन्स रिडक्शन इन ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। इस डिवेल्यूएशन के अंदर करा क्या जाता है, जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट होता है उसे कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज कंट्रोल, तो अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड अर्निंग ऑफ कंट्री। इसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल बैंक होती है उसका पूरा कंट्रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर और कंट्री की अर्निंग के ऊपर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और बैंक मिलकर अपने आप देख लेते हैं कि किस तरीके से इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो अ कंट्री में बूस्ट इट्स एक्सपोर्ट रिड्यूसिंग और एब्रेशिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी इनकरेज एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड मार्केटिंग थ्रू मॉनिटरी फिजिकल इंस्टीट्यूशनल एंड फिजिकल इंसेंटिव एंड फैसिलिटीज। क्या बोला है, एक्सपोर्ट प्रमोशन की टेक्निक्स का यूज करके कि हम एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दें, एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन को एनकरेज करें, इन सारे तरीकों से क्या करा जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाता है जिससे फॉरन एक्सचेंज बढ़ जाता है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है वो कम हो जाता है। फिर इंपोर्ट कंट्रोल, तो इंपोर्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय इंपोजिंग इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी, फिक्सिंग इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिटिंग ऑल्टोगेदर द इंपोर्ट ऑफ सर्टेन नॉन एसेंशियल आइटम्स। इंपोर्ट कंट्रोल के अंदर क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देना, फिक्स्ड इंपोर्ट कोटा को फिक्स कर देना, इंपोर्ट लाइसेंसिंग करना, प्रोहिबिट करना इंपोर्ट को, एसेंशियल नॉन एसेंशियल आइटम के इंपोर्ट को रोकना, ये सारे क्या आते हैं आपके इंपोर्ट कंट्रोल के अंदर आते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसका ज्यादा आउटफ्लो नहीं होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 3 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 4। देखिए आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसमें क्या क्या पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है एग्जाम के लिए, तो फॉर्म ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एफर्ट्स अमंगस्ट कंट्री इन यूरोप, नॉर्थ एशिया एंड एशिया, ईयू, यूएसएमसीए, एसएएआरसी एंड एशियन, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन स्ट्रक्चर एंड स्कोप, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। हम जो इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे वो नीचे की साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले हम वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF इन सब के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे का कंटेंट पढ़ेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपका वो ये सारा है, बाकी वाला है वो थोड़ा सा आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, द WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद ग्लोबल रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। WTO क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या देखता है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड की दो कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो उनके बीच में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, उन सारी चीजों को देखने का काम किसका है, WTO का है। इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन January 1, 1995 एंड इज बेस्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये कब स्टेबलाइज हुई थी, January 1, 1995 में स्टेबलाइज हुई थी, कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। द प्राइमरी गोल ऑफ WTO इज टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली प्रिडिक्टेबली फ्रीली एज पॉसिबल। जो गोल है WTO का वो क्या है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो वो स्मूथली चले, प्रिडिक्टेबली चले, फ्रीली होता रहे। पीटर सथरलैंड द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO रिसेंटली सेड दैट WTO बाइंड नेशन इन ग्लोबल कोऑपरेटिव एंडेवर टू रेज इनकम एंड क्रिएट गुड जॉब थ्रू फेयर एंड ओपन ट्रेड। जो WTO के फर्स्ट डायरेक्टर थे पीटर सुथरलैंड, उन्होंने क्या कहा है कि जो WTO है वो नेशंस को आपस में जोड़ता है, कोऑपरेटिव रखता है, जिससे क्या हो, सभी नेशन की इनकम इंक्रीज हो सके, जॉब इंक्रीज हो सके और जो ट्रेड है वो फेयर एंड ओपन तरीके से हो सके। ठीक है, अब आता है मेन फीचर ऑफ WTO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेन फीचर क्या है, तो नंबर वन आता है इट इज अ पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड। ये एक पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करती है। इट हैज रिप्लेस्ड द गेट सेटअप। इससे पहले जो हुआ करता था WTO की प्लेस पे वो गेट हुआ करता था, गेट को हटाकर ये WTO ने उसकी जगह ले ली है। इट फैसिलिटेट फेयर ट्रेड बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या करता है, फेयर ट्रेड को प्रमोट करता है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को हटाकर इंटरनेशनल ट्रेड से।
नेक्स्ट है WTO has finalized the set of rules and regulations and has its legal status which are mutually designed by member. जो WTO है उसका एक rules and regulations का पूरा setup है, legal status है, जो कि कौन बनाता है, उसके members आपस में decide करके design करते हैं. Agreement reached by member countries are binding on all member of WTO. जो भी इसकी member countries हैं, अगर वो कोई agreement लेती हैं या कोई decision लेती हैं, तो फिर वो agreement और decision सभी जो भी member countries हैंगी WTO के, उन सभी के ऊपर वो applicable होता है. It includes trade in goods, trade in services, also protect intellectual property rights, foreign investment for all member. इसके अंदर क्या क्या आता है, गुड्स के ट्रेड से रिलेटेड सारे लॉज रेगुलेशन आते हैं, ट्रेड के सर्विस के ट्रेड से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को ये प्रोटेक्ट करता है, और फॉरन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये सारी चीजें इसके अंदर कवर करी जाती हैं. इट इज नॉट एन एजेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन अनलाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक. ये किसी भी यूनाइटेड नेशन का एक तरीके से एजेंट के तरह काम नहीं करता. जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये यूनाइटेड नेशन के एजेंट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन WTO ऐसा कोई वर्क नहीं करता है. ऑल मेंबर हैव इक्वल वोटिंग राइट, वन कंट्री वन वोट. जो इसके मेंबर है WTO के, उन सभी का इक्वल वोटिंग राइट है, जो कंट्री है उसका एक वोट माना जाता है. WTO हैज अ लार्ज सेक्रेटेरिएट एंड ऑल्सो हैज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. जो WTO है उसके जो सेक्रेटेरिएट है वो बहुत लार्ज है, और एक ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी बड़ा स्ट्रक्चर है WTO का. ठीक है, ये आपके फीचर्स हो गए WTO के, कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है एक तरीके से. अब आता है फंक्शन ऑफ WTO, क्या क्या ये काम करता है. तो नंबर वन है एडमिनिस्ट्रिंग ट्रेड एग्रीमेंट. तो द WTO ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट. WTO है वो देखता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो, इन्फोर्स हो, इंश्योर दैट मेंबर कंट्री एडेड टू रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग ग्लोबल ट्रेड. और जो भी कंट्रीज ग्लोबल ट्रेड कर रही हैं, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड, उन सभी को एडेड कर रही है, मतलब फॉलो कर रही है. नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन. तो द WTO सर्व एज प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर कंट्री टू एंगेज इन नेगोशिएशन ऑन ट्रेड इश्यूज सच एज टैरिफ रिडक्शन, टैरिफ लिबरलाइजेशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. WTO क्या काम करता है, एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां पर जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, अगर वो किसी ट्रेड इशू में फंस जाती हैं, कोई ट्रेड से रिलेटेड इशू होता है उन्हें, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर नेगोशिएट कर सकती हैं उसके लिए. जैसे कि टैरिफ रिडक्शन हो गया, टैरिफ लिबरलाइजेशन हो गया, कोई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, वो सारे काम कौन करता है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड WTO करता है. नेक्स्ट है रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट. द WTO हैज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म दैट अलाउ मेंबर कंट्रीज टू एड्रेस देयर डिस्प्यूट ट्रेड डिस्प्यूट इन अ फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर. क्या बोला है, जो WTO है उसका एक सेटलमेंट मैकेनिज्म है जो कि उसके जो मेंबर्स हैं WTO के, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने ट्रेड डिस्प्यूट को यहाँ पर एड्रेस करें और उसका फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर में सॉल्यूशन ले. हेल्पिंग टू प्रिवेंट ट्रेड कंफ्लिक्ट फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू फुल ब्लोन ट्रेड वॉर. ये क्या करता है, ट्रेड कंफ्लिक्ट को प्रिवेंट करता है, ट्रेड कंफ्लिक्ट ना हो ये सारी कोशिश करता है, और अगर हो जाता है तो फिर उसे दूर करने की भी कोशिश करता है. नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज. तो द WTO मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसी ऑफ मेंबर कंट्री टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एडेरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड रूल, हेल्पिंग टू प्रमोट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल पार्टिसिपेंट इन ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम. क्या करता है, मॉनिटर करता है ट्रेड पॉलिसीज को. जो भी उसकी मेंबर्स कंट्री हैंगी WTO की, कंट्री जो मेंबर हैंगी, उन सभी की ट्रेड पॉलिसीज को चेक करता है, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और ये पता लगता है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, एडर करने होते हैं, उन्हें माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है. नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. तो द WTO ऑफर टू टेक्निकल असिस्टेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज इंप्रूव देयर ट्रेड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड देयर ट्रेड कैपेसिटी एंड इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल इकोनॉमी मोर इफेक्टिवली. WTO क्या करता है, टेक्निकल असिस्टेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रोग्राम के थ्रू जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करता है कि वो अपने ट्रेड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बना सकें, वो भी ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर सकें डेवलपिंग कंट्रीज. ये सारी चीजें WTO देखता है. ये आपके सारे फंक्शन हो गए कि जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या क्या फंक्शन आते हैं आपके. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ WTO. जो WTO है उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं. तो नंबर वन आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. तो द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच मीट्स एवरी टू ईयर टू मेक डिसीजन ऑन ट्रेड रिलेटेड इश्यूज एंड सेट द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है कि WTO के अंदर, जो सबसे सुपर पे डिसीजन, फाइनल डिसीजन जिनका होता है वो होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का, जो कि दो साल में मिलते हैं और क्या करते हैं, जो भी ट्रेड से रिलेटेड इशू होते हैं उन्हें देखते हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं और उनसे रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं. नेक्स्ट है जनरल काउंसिल. तो द जनरल काउंसिल इज द मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ WTO एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो जनरल काउंसिल है वो क्या है कि जो WTO की डे टू डे ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है वो है. जो जनरल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो WTO की डेली वर्किंग को देखते हैं. इट मीट्स रेगुलरली एंड कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल मेंबर कंट्री. और इसके अंदर कौन लोग होते हैं, सभी मेंबर कंट्री से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है.
नेक्स्ट है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग द ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर्स कंट्रीज। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जिसे डीएसबी बोला जाता है, उसका क्या काम होता है, इसके अंदर अगर मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई ट्रेड में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे सॉल्व करना डीएसबी का काम होता है। इट ऑपरेट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोसीजर आउटलाइंड इन डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट एंड एम टू प्रोवाइड फेयर एंड इम्पार्शियल फोरम फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। ये किस तरीके से काम करती है, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट में जो जो चीजें दी गई हैं उस तरीके से ये ऑपरेट होती है, और ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी ये डिस्प्यूट को रिजोल्व कर रहे हैं वो फेयर और इम्पार्शियल मैनर में रिजोल्व होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी कंडक्ट रेगुलर रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसी एंड प्रैक्टिस ऑफ डब्ल्यूटीओ मेंबर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रमोट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच कंट्री ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी एक बॉडी है कि इसी की डब्ल्यूटीओ की, जो क्या करते हैं ट्रेड पॉलिसीज को और प्रैक्टिस को, जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज वो बनाते हैं, जो प्रैक्टिस फॉलो करते हैं उन्हें रिव्यू करते रहते हैं, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और जो आपस में मेंबर कंट्री हैं उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग सही क्रिएट रहे। नेक्स्ट है काउंसिल्स एंड कमेटी। तो द डब्ल्यूटीओ हैज वेरियस काउंसिल एंड कमेटी दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ ट्रेड सच एज गुड्स सर्विस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या बोला है, जो डब्ल्यूटीओ है उसकी कई सारी काउंसिल्स और कमेटी होंगी जो कि अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक एरियाज पर ध्यान देती हैं। कुछ कमेटीज हैं जो गुड्स से रिलेटेड ट्रेड पर ध्यान देती हैं, कुछ हैंगी जो सर्विसेज से रिलेटेड, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से और कुछ ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। दिस बॉडी हैव टू मॉनिटर एंड एड्रेस इश्यू रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ फोकस। ये जो बॉडीज हैंगी काउंसिल अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज के लिए, ये क्या करती हैं, मॉनिटर करती हैं और एड्रेस करती हैं इशू को कि अगर उनके स्पेसिफिक एरिया में कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। लास्ट है कि सेक्रेटरीट। तो द डब्ल्यूटीओ सेक्रेटरीट प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर। जो सेक्रेटरीट है वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन और उसके मेंबर को। इट हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल एंड असिस्ट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। इसको कौन चलाता है, इसका हेड जो होता है सेक्रेटरीट का वो डायरेक्टर जनरल होता है, जो कि डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग हेल्ड करवाता है पूरे डब्ल्यूटीओ की, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिलेटेड इशू। और ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है एक तरीके से, और जो भी ट्रेड से रिलेटेड इशू होते हैं उन्हें एनालाइज करके उनका सॉल्यूशन देता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा कौन कौन डब्ल्यूटीओ के अंदर एक तरीके से किस तरीके से डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या क्या काउंसिल्स है, कौन कौन सी कमेटी है, कौन कौन मेंबर है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रहेगा हमारा वर्ल्ड बैंक के बारे में। यहाँ तक आपका डब्ल्यूटीओ का कंसेप्ट खत्म हो गया। द वर्ल्ड बैंक इज अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन टास्क्ड विद सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्री बाय ऑफरिंग फंडिंग एडवाइस एंड रिसर्च। वर्ल्ड बैंक क्या है, ये भी एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है क्या, जो कि किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जो भी डेवलपिंग कंट्री है उन्हें फंडिंग ऑफर करता है, एडवाइजेज देता है और उनके लिए रिसर्च करता है जिससे वो अपने आप को डेवलप कर सके। ये काम है वर्ल्ड बैंक का। द बैंक की प्राइमरी फंक्शन है ग्रुप दैट अलाउ लो एंड मिडल इनकम नेशन टू कॉम्बेट पॉवर्टी। जो ये बैंक है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि जो भी लो और मिडिल इनकम नेशन है वो पॉवर्टी से कॉम्बैट कर सके, मतलब जो गरीबी है कि उन कंट्रीज में उनसे लड़ सके, उसके लिए उन्हें फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करवाना, वो काम है वर्ल्ड बैंक का। टू एड इन ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमीज द वर्ल्ड बैंक ऑफर ग्रांट लो इंटरेस्ट लोन एंड क्रेडिट टू एलिजिबल गवर्नमेंट्स। इन सारी चीजों को, इन जो ये इंडिविजुअल इकोनॉमीज हैंगी जो कि बहुत ज्यादा गरीबी वाली इकोनॉमीज हैं एक तरीके से, उन्हें उनकी ग्रोथ के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड करवाता है, ग्रांट्स देता है, क्रेडिट की फैसिलिटी देता है जो जो एलिजिबल कंट्री होती है उन्हें। डेट बोरोइंग एंड कैश इंजेक्शन आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड प्राइवेट सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इन सारी चीज़ों को भी डेवलप करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है, डेट फैसिलिटी, बोरोइंग फैसिलिटी और कैश इंजेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को। द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैव शेयर्ड सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स सिंस देयर क्रिएशन। जो वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके बारे में भी अभी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो दोनों हैं वो एक तरीके से इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है जब से ये क्रिएट किए गए हैं। द वर्ल्ड बैंक एंड IMF वर फाउंडेड विद इंटेंशन ऑफ असिस्टिंग यूरोपियन एंड एशियन नेशन दैट रिक्वायर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फाइनेंस देयर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन। जो वर्ल्ड बैंक और IMF है वो किस लिए फाइंड करे गए थे, जो यूरोपियन और एशियन नेशन से, मतलब यूरोप की कंट्री और एशिया की कंट्री है, वहां पर वॉर ओवर हुआ था। अब वॉर खत्म होने के बाद पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब वो अपनी जो इकोनॉमीज है उन्हें दोबारा से डेवलप कर सके, दोबारा से वापस वैसे ही बन सके, इसके लिए ये बनाए गए थे उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर एस फॉलोज। वर्ल्ड बैंक के अंदर जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है उसके अंदर 5 डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पहली आती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड लोन क्रेडिट एंड ग्रांट, जो IBRD जिसे हम कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि लोन्स, क्रेडिट और ग्रांट प्रोवाइड करवाती है। फिर आती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, प्रोवाइड लो एंड नो इंटरेस्ट लोन टू लो इनकम कंट्रीज। ये क्या करते हैं, जो इसका काम है वो लो इंटरेस्ट या बिना इंटरेस्ट के लोन प्रोवाइड करवाना लो इनकम कंट्रीज को। फिर आती है इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड एसेट मैनेजमेंट टू कंपनीज एंड गवर्नमेंट।
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो इसका थर्ड पार्ट, वो क्या है, वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस देता है, एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करवाता है कंपनीज और गवर्नमेंट्स को। फिर आता है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी जिसे हम मीगा कहते हैं, इंश्योर्स लेंडर एंड इन्वेस्टर अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर। ये क्या करता है, जो लेंडर्स होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है अगर वॉर वगैरह पॉलिटिकल रिस्क होता है उनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह को, उन सारी चीजों से ये प्रोटेक्ट करता है लेंडर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी। फिर आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID, सेटल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन इन्वेस्टर एंड कंट्रीज। ये जो ICSID है वो क्या करता है, इन्वेस्टर के बीच में और जो कंट्रीज हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे सेटल करने में मदद करता है। अब आता है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है उसके क्या क्या मेन फंक्शंस है। तो नंबर वन आता है असिस्ट नेशन डिवास्टेड बाय वॉर प्रोवाइडिंग रिकंस्ट्रक्शन लोन। जो नेशन वॉर की वजह से, लड़ाई की वजह से, युद्ध की वजह से खत्म हो गए हैं, उनकी उस इकोनॉमी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, उन्हें अपने आप को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन प्रोवाइड करवाना। प्रोवाइड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ बैंक टू हेल्प द पुअर कंट्री इंक्रीज देयर इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड फॉर ऑप्टिंग अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या दूसरा क्या काम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना पुअर कंट्रीज को जिससे वो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकें, पॉवर्टी को कम कर सकें और एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गेन कर सकें। नेक्स्ट है इट ऑल्सो असिस्ट डेवलपिंग कंट्री बाय प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट लोन। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप हो रही हैं कंट्री, उन्हें लोन प्रोवाइड करें जिससे वो अपने आप को डेवलप कर सकें। इट ऑल्सो प्रोवाइड लोन टू वेरियस गवर्नमेंट फॉर इरीगेशन, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। उसके अलावा कई सारी गवर्नमेंट्स को भी लोन प्रोवाइड करवाना जिससे वो इरीगेशन, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, इन सारी चीज़ों को डेवलप कर सके। इट प्रोवाइड फॉरन इन्वेस्टमेंट टू अदर ऑर्गेनाइजेशन बाई गारंटिंग द लोन। फॉरन इन्वेस्टमेंट प्रमोट करते हैं लोन प्रोवाइड करके ऑर्गेनाइजेशन को। द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो प्रोवाइड इकोनॉमिक, मॉनिटरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू मेंबर ऑफ कंट्री फॉर एनी ऑफ देयर प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर्स हैं जो इसके, उनको इकोनॉमिक, मॉनेटरी और टेक्निकल हर तरीके की एडवाइस प्रोवाइड करवाती है उनके प्रोजेक्ट के लिए। इट ऑल्सो इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अंडर डेवलप्ड कंट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग द वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसके अलावा इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर और ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो सके, डेवलप हो सके, उनको कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब इकोनॉमिक फायदे प्रोवाइड करवा के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको बनाने का। तो नंबर वन, दिस इंक्लूड प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल टू सपोर्ट इट्स मेंबर कंट्रीज इन वर्क ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। जो इसकी मेंबर कंट्रीज है उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करवाना जिससे वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके, रिकंस्ट्रक्ट कर सके। नेक्स्ट है इट एड इन अट्रैक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। और क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करवाना जिससे क्या हो, जो कंट्रीज हैं उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस अगर डिसइक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में आ सके। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स को बैलेंस करना है, इसलिए ये लोन प्रोवाइड कैपिटल प्रोवाइड करवाता है। इट ऑल्सो असिस्ट मेंबर नेशंस बाय ऑफरिंग गारंटी अगेंस्ट लोन प्रोवाइडेड टू लार्ज एंड स्मॉल यूनिट एज वेल एज इनिशिएटिव। और क्या काम है, जो वर्ल्ड बैंक है वो गारंटी प्रोवाइड करवाता है उन सभी मेंबर्स को जो लार्ज या स्मॉल यूनिट्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। इट अश्योर दैट डेवलपमेंट इनिशिएटिव आर इंप्लीमेंटेड एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अ सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी फॉर नेशन ट्रांसिटिंग फ्रॉम वॉर टाइम टू पीसफुल इकोनॉमी। ये और क्या देखता है, एक तरीके से ये देखता है कि जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो सारे इंप्लीमेंट किए जाएं और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे जिससे क्या हो सके, जो पोस्ट टाइम थी कंट्रीज अब वो ट्रांसिट होकर क्या पीसफुल इकोनॉमी क्रिएट कर सके अपनी। इट ऑल्सो इंकरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर मेंबर कंट्री बाय प्रोवाइडिंग अ गारंटी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लोन। जो मेंबर कंट्रीज है उन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट और लोन की गारंटी प्रोवाइड करती है वर्ल्ड बैंक। इफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट अवेलेबल इट प्रोवाइड अ गारंटी एंड IBRD सब्सिक्वेंटली प्रोवाइड लोन फॉर प्रमोशनल कैंपेन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है तो फिर क्या होता है, ये गारंटी प्रमोशनल कैंपेन के थ्रू क्या करते हैं, लोन के थ्रू गारंटी भी प्रोवाइड करती है। ये था आपका वर्ल्ड बैंक का कंसेप्ट की ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। WTO हो गया आपका, वर्ल्ड बैंक हो गया। तीसरा जो बचता है वो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 एंड द गोल ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1944 में सेटअप हुई थी, जिसका गोल क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी लाना और इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों का ऑब्जेक्टिव वही लगभग सेम है, एक तरीके से मनी प्रोवाइड करवाना दूसरे कंट्रीज को। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन DC इज डेडिकेटेड टू डेवलपिंग ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटेटिंग प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में है, जो कि डेडिकेटेड टू डेवलपिंग ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, जो कि क्या इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे,
प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को भी, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है और साथ में पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, ये सारी चीजें इंश्योर करता है। द IMF करंटली हैज 190 मेंबर कंट्री, ईच ऑफ विच कंट्रीब्यूट फंड टू ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव साइज इन ग्लोबल इकोनॉमी। जो IMF है उसके अंदर टोटल 190 कंट्री होंगी जो कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है, उनके साइज और साइज के अकॉर्डिंग कि उनका जैसा साइज है उतना उतना अमाउंट उन्होंने फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रखा है। द IMF इज गवर्न्ड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर विच इज कंपोज्ड ऑफ गवर्नर फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री। जो IMF है उसे चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर चलाता है और बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर हर कंट्री का एक गवर्नर होता है। टिपिकली द कंट्री इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल बैंक गवर्नर। जो ये गवर्नर होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर वो कौन होता है, या तो जो कंट्रीज हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर जो उस कंट्री की सेंट्रल बैंक है उसका गवर्नर, इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर बनता है। द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ IMF आर ओवरसीन बाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जो डेली ऑपरेशन होते हैं उन्हें कौन देखता है, उन्हें एग्जीक्यूटिव बोर्ड देखता है विच इज मेड अप ऑफ 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो कौन चलाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे जो कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का, इंप्रूविंग एंड प्रोमोटिंग ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन, पूरे वर्ल्ड के अंदर मॉनेटरी कॉपरेशन को प्रमोट किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, इसलिए बनाया गया है। दूसरा है टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग एंड मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को एलिमिनेट या मिनिमाइज करके। टू प्रमोट बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, एक बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। टू इनकरेज हाई एम्प्लॉयमेंट थ्रू इकोनॉमिक सपोर्ट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हाई एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करना और इकोनॉमिक सपोर्ट बनाए रखना जिससे क्या हो, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी को अचीव किया जा सके। टू रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉवर्टी मतलब गरीबी को खत्म करना, ये इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आपका ऑब्जेक्टिव था। अब आता है फंक्शन ऑफ IMF, जो फंक्शन क्या क्या है, मतलब क्या क्या काम IMF करता है। नंबर वन आता है सर्विलियंस, तो द IMF कंडक्ट रेगुलर सर्विलियंस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड मेंबर कंट्रीज इकोनॉमी टू असेस देयर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशन। जो IMF है वो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज का और स्पेशली जो इसके मेंबर हैं उनकी कंट्रीज की इकोनॉमी का असेस करता है, उन्हें समझता है, उनकी एक तरीके से निगरानी करता है जिससे ये पता लग सके उनकी इकोनॉमी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। आइडेंटिफाई रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज, उनकी इकोनॉमी में क्या क्या रिस्क है, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं वो फाइंड करना। एंड प्रोवाइड पॉलिसी एडवाइस टू हेल्प प्रिवेंट एंड मिटिगेट इकोनॉमिक क्राइसिस, और एक पॉलिसी की एडवाइस प्रोवाइड करना जिससे क्या किया जा सके, इकोनॉमिक क्राइसिस को प्रिवेंट और मिटिगेट किया जा सके। ये हो गया आपका सर्विलेंस फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ IMF इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मेंबर कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। जो एक प्राइमरी फंक्शन है IMF का वो क्या है, अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, जो ऐसे मेंबर्स को जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब जिन कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिन मेंबर कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम में है, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। दिस असिस्टेंस कैन बी कम इन द फॉर्म ऑफ लोन और क्रेडिट लाइन दैट हेल्प कंट्रीज स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे लोन की फॉर्म में चाहे क्रेडिट की फॉर्म में, जो कि क्या करते हैं, कंट्रीज को अपनी इकोनॉमीज को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। रीस्टोर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करते हैं। इंप्लीमेंट नेसेसरी पॉलिसी रिफॉर्म, और जो जरूरी पॉलिसी रिफॉर्म होते हैं उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो IMF प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू हेल्प मेंबर कंट्रीज स्ट्रेटन देयर इकोनॉमी पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन। जो IMF है वो अपने मेंबर कंट्रीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है जिससे वो अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सके अपनी नेशंस के लिए। दिस इंक्लूड सपोर्ट फॉर इंप्रूविंग फिजिकल मैनेजमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन एंड अदर एरियाज। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, फिजिकल मैनेजमेंट करना, मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करना, फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करना और कई सारे अदर एरिया क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए जरूरी है, उन सारी चीज़ों को एक तरीके से रेगुलेट करने में भी हेल्प प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है पॉलिसी एडवाइस। तो द IMF ऑफर पॉलिसी एडवाइस टू मेंबर कंट्रीज ऑन वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इशू इंक्लूडिंग फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड सोशल सेफ्टी नेट। जो IMF है वो IMF कई सारी पॉलिसी प्रोवाइड करवाता है अपनी मेंबर कंट्रीज को जो कि इकोनॉमिक इश्यूज के साथ डील करती हैं, उनकी फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और सोशल सेफ्टी, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। दिस एडवाइस इज बेस्ड ऑन IMF एनालिसिस ऑफ ईच कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन एंड असेसमेंट ऑफ पॉलिसी मेजर डज नीड टू एड्रेस चैलेंज एंड प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ। ये सारी पॉलिसीज, इन सारे एनालिसिस की मदद से क्या होता है, जो कंट्रीज हैंगी इनकी मेंबर कंट्री वो अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन को समझ पाती हैं, उसका असेसमेंट कर पाती हैं और उसमें जो जो चैलेंजेस हैं उन्हें एक तरीके से मिटिगेट कर पाती है। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड एनालिसिस। तो IMF कंडक्ट रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक टॉपिक इंक्लूडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड, फिजिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट रिजीम, डेट सस्टेनेबिलिटी एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क।
जो IMF है वो कई सारे रिसर्च करवाता है, एनालिसिस करवाता है, जिससे कई सारे इकोनॉमिक टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, एक्सचेंज रेट के क्या क्या रिजीम्स हैं, डेट सस्टेनेबिलिटी कैसी है और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में पता लग पाता है। दिस रिसर्च हेल्प इन्फॉर्म द IMF पॉलिसी एडवाइस एंड कंट्रीब्यूट टू ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ की इकोनॉमिक इशू, इससे क्या होता है जो IMF है वो अपनी पॉलिसी को और इंप्रूव कर पाता है और जो की इकोनॉमिक इशू है उन्हें अच्छे से समझ पाता है, उन्हें अच्छे से एड्रेस कर पाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच कंट्रीज विद अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन कोऑपरेट एंड इंटीग्रेट विद देयर इकोनॉमी थ्रू वेरियस एग्रीमेंट एंड मैकेनिज्म। क्या बोला है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऐसी कंट्रीज जिनकी जो ज्योग्राफिक रीजन है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है, मतलब बाकी कंट्रीज से अलग है, वो क्या करती है अपनी इकोनॉमीज को दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स बना लेती है। उन एग्रीमेंट्स को क्या बोला जाता है, रीजनल इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स या इंटीग्रेशन बोला जाता है, और जिस प्रोसेस की मदद से ये किया जाता है वो कहलाता है आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। दिस इंटीग्रेशन कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स रेंजिंग फ्रॉम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट टू डीपर फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन दैट इन्वॉल्व हार्मोनाइजिंग पॉलिसी रेगुलेशन एंड इंस्टीट्यूशन। जो ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ये कई सारे तरीके से किया जा सकता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, स्टार्टिंग इसकी होती है एक ट्रेड एग्रीमेंट से, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को कुछ स्पेशल राइट दिए जाते हैं, अगर वो बीच में आपस में ट्रेड करती हैं तो उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलता है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। और ये कहाँ तक जा सकता है, हार्मोनाइजिंग पॉलिसीज हो सकती है, रेगुलेशंस भी अलग हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी अलग हो सकते हैं स्टेट को मैनेज करने के। तो ये सारी फॉर्म में आ जाते हैं कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है। The main objective of regional economic integration is to promote economic growth, increase trade and investment flow, enhance competitiveness and create a more stable and prosperous economic environment within the region. जो ये regional economic integration होता है इसका main objective क्या होता है, economy की growth को promote करना, trade को बढ़ाना, investment के flow को बढ़ाना, competitiveness को बढ़ाना और एक ऐसी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि स्टेबल हो और प्रॉस्पेरियस हो उस स्पेसिफिक रीजन के अंदर जिसमें ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म करा गया है, सिर्फ उस रीजन के लिए ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, अब जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आते हैं या कुछ और ऑब्जेक्टिव जो हैंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, वो क्या क्या हैं, तो नंबर वन है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ऊपर तो आपको शॉर्ट में ये सारी चीजें बता दी, अब इनको एक्सप्लेन करा गया है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एम टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एक्सपेंडिंग मार्केट, इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो एंड फोस्टरिंग मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन द रीजन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एम क्या है, इकोनॉमी की ग्रोथ करना। इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे करना, मार्केट के शेयर को एक्सपेंड करना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट के फ्लो को बढ़ाना और एफिशिएंटली रिसोर्सेज को एलोकेट करना, इन सारी चीज़ों की मदद से जो है इकोनॉमी की ग्रोथ करी जाती है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के प्रोसेस से। नेक्स्ट है इनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस। तो बाई क्रिएटिंग अ लार्ज मार्केट एंड रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स अमंग मेंबर्स ऑफ कंट्रीज, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन इनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इन द रीजन। क्या बोला है, लार्ज मार्केट को बनाकर और जो ट्रेड बैरियर्स हैं उन्हें कम कर मेंबर्स कंट्रीज के बीच में, जिन कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, सिर्फ उन कंट्रीज के बीच में एक मार्केट को बढ़ाना और जो ट्रेड बैरियर्स हैं उन कंट्रीज के उन्हें कम करना। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये सारी चीजें परफॉर्म करके क्या करता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा देता है इंडस्ट्रीज की, बिजनेस की उस रीजन के अंदर, जिससे क्या होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और इनोवेशन बढ़ जाता है उन कंट्रीज का। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनिशिएटिव सीक्स टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय हार्मोनाइजिंग रेगुलेशन, रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड क्रिएटिंग अ मोर कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग विद इन द रीजन। क्या बोला है, जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो क्या करता है, ट्रेड को बढ़ाता है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, और किन तरीकों से बढ़ाता है, रेगुलेशंस को हार्मोनाइज करके, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करके, कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करके वो क्या करता है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो बाय पूलिंग रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज मेंबर कंट्रीज कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लीडिंग टू कॉस्ट सेविंग एंड एफिशिएंसी गेन। क्या बोला है, जो मेंबर्स कंट्रीज हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो अपने रिसोर्सेज को एक साथ लाकर और पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट कर क्या कर सकती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अचीव कर सकती हैं, जिससे उनकी कॉस्ट भी सेव होगी और उन्हें एफिशिएंसी गेन भी होगा। नेक्स्ट है फोस्टरिंग रीजनल स्टेबिलिटी। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अमंग मेंबर्स कंट्रीज। क्या बोला है, जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, इकोनॉमी इंडिपेंडेंस को प्रमोट करके अपने मेंबर कंट्रीज के बीच में रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ कंफ्लिक्ट एंड फोस्टरिंग कोऑपरेशन और शेयर चैलेंज।
और क्या करेगा, जो कंफ्लिक्ट का लाइक्लीहुड है उसे कम करेगा और कोऑपरेशन को इंक्रीज करेगा, फोस्टर करेगा, जिससे क्या हो, कोई भी चैलेंज हो उसे शेयर किया जा सके। तो ये फोस्टरिंग रीजनिंग रीजनल स्टेबिलिटी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सोशल डेवलपमेंट। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनिशिएटिव ऑफन इंक्लूड प्रोविजन फॉर सोशल डेवलपमेंट सच एज इंप्रूविंग लेबर स्टैंडर्ड, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड प्रमोटिंग सोशल इंक्लूजन एंड इक्विटी अमंग मेंबर कंट्रीज। क्या बोला है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो साथ साथ में सोशल डेवलपमेंट भी करता है। सोशल डेवलपमेंट कैसे करता है, लेबर्स के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करता है, इक्विटी लाता है मेंबर्स के बीच में। तो इससे क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है हार्मोनाइजिंग पॉलिसीज। तो बाय अलाइनिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी अक्रॉस मेंबर कंट्रीज रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस रेड टेप एंड स्ट्रीमलाइन बिजनेस ऑपरेशन। क्या बोला है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी अपनी मेंबर कंट्रीज के बीच में अलाइन करके रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को क्या फैसिलिटेट करता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, मतलब दो कंट्रीज के बीच के ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, दो कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट का फ्लो हो सके उसे फैसिलिटेट करता है, रेड टेप को रिड्यूस करता है और बिजनेस ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन मतलब स्मूथ कंडक्ट कर देता है उनके बिजनेस ऑपरेशन को। तो इस तरीके से ये हार्मोनाइज करता है पॉलिसीज को भी। नेक्स्ट है एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनिशिएटिव ऑफन इंक्लूड अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी सच एज ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, एनर्जी ग्रिड्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या बोला है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब जब कोई रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है तो एक प्रोजेक्ट के साथ आता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है जिसकी मदद से क्या करा जाता है, उन कंट्रीज के बीच में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क स्टेबलाइज करा जाता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है उन कंट्रीज का। इससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है एड्रेसिंग कॉमन चैलेंजेस। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर कंट्री टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चैलेंज, माइग्रेशन, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, सिक्योरिटी थ्रेट थ्रू कोऑर्डिनेटेड एक्शन एंड जॉइंट इनिशिएटिव। क्या बोला है, रीजनल इंटीग्रेशन की मदद से क्या होता है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है मेंबर कंट्रीज को कि वो जो भी उस एग्रीमेंट की मेंबर कंट्रीज है वो आपस में अपने जो उनके कॉमन चैलेंजेस होंगे, चाहे क्लाइमेट चेंज का कोई चैलेंज हो, माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की प्रॉब्लम हो, सिक्योरिटी थ्रेट हो, इन सारी चीज़ों के साथ आपस में डिस्कस कर सके और इनका सॉल्यूशन भी निकाल सकती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए कि जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसके क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब जो ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ये किस किस तरीके से किया जाता है, तो नंबर वन आता है हमारा फ्री ट्रेड एरिया। तो इन अ फ्री ट्रेड एरिया मेंबर कंट्रीज एलिमिनेट टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स ऑन गुड ट्रेडेड अमंग देमसेल्व्स व्हाइल मेंटेनिंग देयर ओन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी विद नॉन मेंबर्स कंट्री। क्या बोला है, फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का जिसके अंदर सिर्फ जो मेंबर कंट्रीज होती है मतलब जिन कंट्रीज के साथ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एग्रीमेंट हुआ है उनके लिए जो भी टैरिफ्स होते हैं, ट्रेड बैरियर्स होते हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाता है ट्रेड के ऊपर। लेकिन जो नॉन मेंबर्स कंट्री है मतलब जो कंट्रीज उस ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है उन सभी के लिए वो सारी चीजें वैसे ही एप्लीकेबल हो रहती हैं, लेकिन जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके लिए ये सारी चीजें हटा दी जाती हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आता है, नाफ्टा का एग्जाम्पल आता है जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था एंड द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो इसे हम क्या बोलते हैं, एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये भी दो एग्जाम्पल दिए हैं आपको फ्री ट्रेड एरिया के, ठीक है। नेक्स्ट तरीका है फॉर्म है कि जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की है वो है कि आपकी कस्टम्स यूनियन। तो कस्टम यूनियन गो द स्टेप फर्दर बाय नॉट रिमूविंग टैरिफ ऑन इंट्रा रीजनल ट्रेड बट ऑल्सो स्टेबलाइजिंग अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन इंपोर्ट फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज। क्या बोला है, कस्टम यूनियन क्या है, इसके अंदर सिर्फ इम्पोर्टेड गुड्स पर ही जो मतलब जो आपस में ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर से बैरियर ही नहीं हटाए जाते हैं बल्कि जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ भी कितना टैरिफ लगेगा वो चीज़ डिसाइड कर ली जाती है कि जो भी इस एग्रीमेंट के अंदर की कंट्रीज हैं उन सभी के ऊपर अगर वो किसी और कंट्रीज से ट्रेड करती हैं, इंपोर्ट वगैरह करती हैं, तो सिर्फ इतना ही टैरिफ उनके ऊपर लगेगा, इससे ज़्यादा टैरिफ नहीं लग सकता, उसे कहा जाता है आपका कस्टम यूनियन। दिस हेल्प क्रिएट अ यूनिफाइड ट्रेड पॉलिसी एंड फैसिलिटेट ट्रेड अमंग मेंबर। ये क्या करता है, एक यूनिफाइड ट्रेड पॉलिसी क्रिएट करता है और मेंबर्स के बीच में जो ट्रेड है उसे और ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। द साउथर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन सेक्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टम यूनियन। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है साउथर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन, ये आपका एक कस्टम यूनियन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कॉमन मार्केट। अ कॉमन मार्केट एक्सटेंडेड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बाय अलाउइंग द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विस कैपिटल एंड लेबर अमंग द मेंबर्स कंट्री। कॉमन मार्केट क्या है, कॉमन मार्केट एक ऐसा तरीका है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का जिसके अंदर जो मेंबर्स कंट्रीज होती हैं उनके बीच में जो गुड्स सर्विस कैपिटल और लेबर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकती है इस मार्केट के अंदर।
This deeper form of integration aim to create a more unified economic space and promote greater economic cooperation. ये जो करा गया है कॉमन मार्केट का तरीका, ये किस लिए बनाया गया है? ताकि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक स्पेस क्रिएट हो सके और जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसको और ज्यादा प्रमोट किया जा सके. द यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट इज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मार्केट. इसका एक एग्जाम्पल क्या है? यूएसएम, ईयूएसएम, यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट. ये आपका एक कॉमन मार्केट का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट का जो तरीका है फॉर्म है कि हमारी वो है कि इकोनॉमिक यूनियन. तो एन इकोनॉमिक यूनियन इन्वॉल्व इवन क्लोजर इंटीग्रेशन विद मेंबर कंट्री, कोऑर्डिनेटिंग देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज, हार्मोनाइजिंग रेगुलेशन एंड पॉसिबली एडॉप्टिंग अ कॉमन करेंसी. इकोनॉमिक यूनियन क्या होती है? इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो सेम इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाती हैं, हार्मोनाइज करती हैं अपने रेगुलेशंस को और पॉसिबल हो पाता है तो एक कॉमन करेंसी के अंदर डील करती हैं. द मोस्ट नोटेबल एग्जांपल इज यूरोप, यूरो जोन विद इन द यूरोपियन यूनियन. इसका जो इकोनॉमिक यूनियन का एग्जांपल है वो है आपका यूरो जोन, वेयर कंट्रीज शेयर द यूरो एज अ कॉमन करेंसी. जहां पर सारी कंट्रीज आपस में एक कॉमन करेंसी अपनाती हैं जिसे यूरो बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म है कि आपकी पॉलिटिकल यूनियन. तो एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन कंट्रीज फॉर्म अ पॉलिटिकल यूनियन इन एडिशन टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. दिस इन्वॉल्व डीपर पॉलिटिकल कोऑपरेशन, जॉइंट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड शेयर डिसीजन मेकिंग ऑन की इश्यूज, पॉलिसी इश्यूज. पॉलिटिकल यूनियन क्या होती है? इसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के साथ साथ क्या होता है, जो कंट्रीज होती हैं वो पॉलिटिकल यूनियन क्रिएट कर लेती हैं जिसके अंदर पॉलिटिकल कोऑपरेशन मिलता है मेंबर कंट्रीज को, जॉइंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर मिलता है, साथ में जो की मैटर्स होते हैं उन पर शेयर डिसीजन मेकिंग करी जाती है. द यूरोपियन यूनियन इज मूविंग टूवर्ड ग्रेटर पॉलिटिकल यूनियन थ्रू इट्स इंस्टीट्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. जो यूरोपियन यूनियन है वो पॉलिटिकल यूनियन को ज्यादा से ज्यादा तरीके से अपने ऊपर एप्लीकेबल करवाती जा रही है. अभी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहां पर पूरी तरह पॉलिटिकल यूनियन हो, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है वो बहुत ज्यादा इस तरीके से अपने आप को एक पॉलिटिकल यूनियन क्रिएट करती जा रही है. ठीक है, तो ये आपके पांच फॉर्म होते हैं जिन फॉर्म में रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जा सकता है. अब जो आपको इनमें एग्जांपल दिए हैं उन कुछ एग्जांपल्स के बारे में आपको पढ़ना है, कुछ कुछ जो मेन एग्रीमेंट है उनके बारे में आपको पढ़ना है. तो पहला आता है आपका यूरोपियन यूनियन, ये भी एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है. तो द यूरोपियन यूनियन जिसे ईयू बोला जाता है इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ मेंबर स्टेट लोकेटेड प्राइमली इन यूरोप. ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों तरीके की यूनियन है जो कि कहाँ के लोगों के बीच में है? यूरोप के लोगों के बीच में है, मतलब यूरोप की कंट्रीज के बीच में है. इट ओरिजिनेटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड विद द एम ऑफ फोस्टरिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इसका जो ओरिजिनेशन हुआ, मतलब ये कब बना था? जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो इसका जो एम था बनाने का वो क्या था? इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका एम था. द यूरोपियन यूनियन इज अ 1993 ग्लोबल एंटिटी मेड अप ऑफ यूरोपियन कंट्री. जो यूरोपियन यूनियन है वो एक 1993 की एक ग्लोबल एंटिटी मानी जाती है जो कि यूरोपियन कंट्रीज की एक एंटिटी है. ऑब्जेक्टिव क्या क्या है यूरोपियन यूनियन के? तो नंबर वन आता है आपका क्रिएटिंग अ सिंगल मार्केट. तो वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईयू इज टू स्टेबलाइज अ सिंगल मार्केट वेयर गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल कैन मूव फ्रीली अक्रॉस मेंबर कंट्री विदाउट बैरियर और रिस्ट्रिक्शन. जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है यूरोपियन यूनियन का वो यही था कि जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी उनके बीच में गुड्स, सर्विस, कैपिटल एंड पीपल का फ्रीली मूवमेंट हो सके बिना किसी बैरियर और रिस्ट्रिक्शन के. दिस एम टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंक्रीज कंज्यूमर चॉइस. ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एम हैगा, मतलब जो ये यूरोपियन यूनियन बनाई गई है, सिंगल मार्केट क्रिएट कर रही है, इसका एम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके और जो कंज्यूमर चॉइस है उसे इंक्रीज करा जा सके. नेक्स्ट है प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कोहेशन. तो द ईयू सीक्स टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कोहेशन थ्रू वेरियस फंडिंग प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव aimed at supporting less developed region and ensuring a more balanced distribution of wealth and resource. क्या बोला है? जो EU है वो क्या करता है, जो अपने member countries देंगे उनके बीच में जो economic disparities है, मतलब जो economic difference है उसे कम कर देता है. किसकी मदद से? economic और social cohesion को promote करके, by through various funding program और initiative, कई सारे program और initiative का use करके economic and social cohesion को promote करता है और जो economic disparities देंगी member countries के बीच में उन्हें कम कर दिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेथनिंग एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. तो बाय एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर, हार्मोनाइजिंग रेगुलेशंस एंड प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, ईयू एम्स टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज. क्या बोला है? ट्रेड बैरियर्स को कम करके, रेगुलेशंस को हार्मोनाइज करके और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करके ईयू क्या एम करता है कि वो अपनी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सके और मेंबर कंट्रीज के बीच में इनके फ्लो को बढ़ा सके, जिससे क्या हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो और जॉब और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट हो सके मेंबर कंट्रीज के बीच अंदर. तो ये इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है.
अब आएगा आपका इनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस। तो द ईयू वर्क टू इनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस बाय प्रमोटिंग इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू वेरियस प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। क्या बोला है, जो ईयू है वो क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर, बिजनेस के अंदर, किसकी मदद से, इनोवेशन की मदद से, रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट की मदद से, स्किल डेवलपमेंट की मदद से। क्या कर रहा है, जो ईयू है वो अपनी मेंबर कंट्रीज के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहा है, जिससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े और एफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़े कंट्रीज की। नेक्स्ट है इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो द ईयू इज कमिटेड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इनटू पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव। ईयू ने क्या कमिटमेंट ली है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की कमिटमेंट ली है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करेगा, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंटीग्रेट, मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन तीनों को आपस में इंटीग्रेट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करा जाएगा। दिस इंक्लूड प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। नेक्स्ट रहेगा हमारा प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। तो वन ऑफ द फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ईयू वाज टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप बाय फोस्टरिंग क्लोजर टाइज अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। क्या बोला है, जो एक ऑब्जेक्टिव है ईयू का वो क्या है, और है जो उसकी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में पीस और स्टेबिलिटी को स्टेबलाइज करना, जिससे क्या हो, जो मेंबर कंट्रीज होंगे उनके बीच में किसी भी तरीके का कंफ्लिक्ट ना रहे और उनके साथ जो उनका कोऑपरेशन है एक दूसरे के लिए वो प्रमोट हो, जिससे वो आपस में एक दूसरे के चैलेंजेस को शेयर कर सके। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं इन कंट्रीज के बीच में, सिक्योरिटी, माइग्रेशन और पब्लिक हेल्थ का जो चैलेंज है उसे शेयर कर सके आपस में, उसका सॉल्यूशन निकाल सके। तो ये भी यूरोपियन यूनियन का ऑब्जेक्टिव है आपका। नेक्स्ट है प्रमोटिंग कंज्यूमर राइट। तो द ईयू एम टू प्रमोट प्रोटेक्ट प्रोमोटिंग नहीं प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट। तो द ईयू एम टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट बाय हार्मोनाइजिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, इंश्योरिंग प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन विद इन द सिंगल मार्केट। ईयू का और एम क्या है, जो कंज्यूमर राइट होंगे उन्हें प्रमोट करना। अब कंज्यूमर राइट को किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज को हार्मोनाइज करा जाए, प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाकर रखे जाए और साथ में एक फेयर कॉम्पिटिशन को प्रमोट करा जाए सिंगल मार्केट के अंदर। दिस हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग कंज्यूमर इन ईयू। इससे क्या होता है, जो ईयू के कंज्यूमर हैं उनके बीच में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनहांसिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो बाय एक्टिंग एज अ यूनिफाइड ब्लॉक इन इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट एंड अदर ग्लोबल फोरम, द ईयू एम टू इनहांस इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड प्रमोट्स इट्स वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एंड मल्टीलेटरलिज्म ऑन दी वर्ल्ड स्टेज। क्या बोला है, जो ईयू है उसका एम और क्या है, वो चाहता है अपने आप को एज अ ग्लोबल इन्फ्लुएंसर बनाना, जिससे वो क्या कर सके, अपनी डेमोक्रेसी की वैल्यूज को, ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज को प्रमोट कर सके पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि जो ईयू है वो एक यूनिफाइड ब्लॉक है इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन के अंदर, जो कि क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स में और अदर ग्लोबल फॉर्म में पूरे में, तो इसका ये भी एम है कि वो अपने आप को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट कर सके, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका ये ईयू का कंसेप्ट कवर हो जाता है, जो जो ईयू का था क्या होता है, ईयू यूरोपियन यूनियन क्या है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये दोनों चीजें मैंने आपको कवर करवा दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम शार्क बोलते हैं। शार्क क्या है, तो द शार्क इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट इकोनॉमिक एंड रीजनल कोऑपरेशन अमंग साउथ एशिया कंट्री। शार्क जो है वो एक सेम रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ईयू थी एक ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही एक शार्क भी ऑर्गेनाइजेशन कह लें हम, या एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर क्या है, इकोनॉमिक एंड रीजनल कोऑपरेशन है किन कंट्रीज के बीच में, साउथ एशिया की जो भी कंट्रीज हैं उनके बीच का ये एक एग्रीमेंट है। शार्क वॉज स्टेब्लाइज्ड ऑन December 8, 1985 विद द इट्स हेडक्वार्टर इन काठमांडू नेपाल। ये कब स्टेब्लाइज करा गया था, December 8, 1985 में स्टेब्लाइज करा गया था, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में जिसका हेडक्वार्टर है। द मेंबर कंट्रीज ऑफ शार्क इंक्लूड अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। शार्क कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मतलब जो इसके अंदर शार्क एग्रीमेंट के अंदर कंट्रीज हैं वो हैं आपकी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ऑब्जेक्टिव क्या था शार्क का, जैसे ईयू का कुछ ऑब्जेक्टिव था, शार्क को क्रिएट करने का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन। शार्क एम टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्री इन वेरियस एरियाज सच एज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट एंड कल्चर। शार्क का भी एम क्या था, रीजनल कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन को प्रमोट करना ही इसका एम था, जिससे क्या करा जा सके, जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट और कल्चर, इन सारी चीजों को प्रमोट किया जा सके।
नेक्स्ट है एनहांसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. तो सार्क सीक्स टू एनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द रीजन बाय फोस्टरिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज. और क्या इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमी की ग्रोथ करना. अब इकोनॉमी की ग्रोथ किस तरीके से करी जाती है? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करके, ट्रेड बैरियर्स को कम करके, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करके इकोनॉमी की ग्रोथ को एनहांस करना. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो शार्क एम टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इन द रीजन बाय एड्रेसिंग कॉमन चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स. और क्या है जो शार्क का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है जो इसके अंदर कंट्रीज हैंगी, जो रीजन की कंट्रीज हैं, उनके जो लोग हैं उनकी लाइफ के स्टैंडर्ड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड को उनकी लाइफ का इम्प्रूव करना. जो और ये इम्प्रूव कैसे करा जाता है, जो इनके कॉमन चैलेंजेस होंगे जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड है, हंगर से रिलेटेड है, हेल्थ इशू, एजुकेशन, जो भी इनके कंट्रीज के कॉमन चैलेंजेस हैं उनको एक तरीके से क्या करना, एड्रेस करना, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना जिससे इनका स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा सके. नेक्स्ट है प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी. तो शार्क वर्क टुवर्ड प्रमोटिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द रीजन बाय फोस्टरिंग डायलॉग, कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अमंग मेंबर कंट्रीज. शार्क और क्या करता है, अपनी जो मेंबर कंट्रीज हैंगी उनके बीच में पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है. किसकी मदद से? डायलॉग प्रोस्टरिंग की मदद से, कॉपरेशन की मदद से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की मदद से, जिससे अपनी मेंबर कंट्रीज के बीच में. नेक्स्ट है एड्रेसिंग कॉमन चैलेंजेस. तो शार्क एड्रेस कॉमन चैलेंज फेस्ड बाय साउथ एशिया कंट्रीज सच एज नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ट्रांजिशनल क्राइम थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड जॉइंट इनिशिएटिव. क्या बोला है, शार्क एड्रेस करता है कॉमन चैलेंजेस जो कि फेस करती हैं साउथ एशियन कंट्रीज, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, ट्रांजिशनल क्राइम हो गया, इन सारी चीज़ों को भी फेस करती हैं जो ये कंट्री, उन सभी को एड्रेस करता है मेंबर कंट्रीज के बीच में और इनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, इनको करेक्ट एक्शन इनके लिए लेता है. तो शार्क के अंदर ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है इन सारे चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए. ये आपके ऑब्जेक्टिव थे शार्क के. नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ शार्क. अब जो एक शार्क है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, कौन कौन इसमें इसने मैनेज करता है एक तरीके से. तो सबसे बनाता है समिट. तो द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ शार्क इज द समिट विच इज हेल्ड एनुअली वेयर द हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज मीट टू डिस्कस एंड डिसाइड की इशू एंड इनिशिएटिव. समिट क्या होता है, ये एक तरीके का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि साल में एक बार हेल्ड करी जाती है, जिसके अंदर जो भी कंट्रीज इसकी मेंबर है उनके हेड या गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज जो कि क्या करते हैं, जो भी इनके की इशूज हैं उनको डिस्कस करते हैं और उन पर डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मेंबर मिनिस्टर. तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर और अदर डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर कंट्रीज हु मीट रेगुलरली टू रिव्यू प्रोग्रेस और रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव एंड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन पॉलिसी मैटर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कौन आता है, जो मेंबर कंट्रीज हैंगी उनके फॉरेन मिनिस्टर या कोई ऐसा पर्सन जिसे उस काउंसिल का मिनिस्टर बना रखा हो, वो पर्सन रेगुलरली मीट करते हैं और इसके ऑपरेशन को देखते हैं, पॉलिसी से रिलेटेड गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग कमेटी. तो द स्टैंडिंग कमेटी कंप्राइजेज फॉरेन सेक्रेटरी और सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम मेंबर कंट्रीज हु मीट्स पेरियोडिकली टू प्रिपेयर फॉर समिट एंड काउंसिल मीटिंग एंड ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टेकन बाय हायर बॉडी. स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कौन आते हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज या फिर सीनियर ऑफिशियल आते हैं मेंबर कंट्रीज के, जो कि पेरियोडिकली मिलते हैं, मतलब कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद मिलते हैं, जो कि समिट्स को प्रिपेयर करते हैं, काउंसिल्स की मीटिंग को प्रिपेयर करते हैं और डिसीजन मेकिंग का जो इंप्लीमेंट करती हैं बॉडीज उनको भी एक तरीके से ओवरसीज करते हैं, मतलब उनके प्रोसेस को देखते हैं. नेक्स्ट आता है सेक्रेटरियल. तो द सेक्रेटरियल सर्व एज एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ सार्क एंड इज बेस्ड इन काठमांडू नेपाल. इट कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, प्रिपेयर रिपोर्ट, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग मेंबर कंट्रीज एंड सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सार्क बॉडीज. जो सेक्रेटरियट है वो क्या करता है, जो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है सार्क की जो कि काठमांडू नेपाल में स्टेबलाइज है इसका ऑफिस. ये क्या करता है, सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में और सार्क बॉडी की फंक्शनिंग को देखता है, सपोर्ट करता है. नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड बॉडी. तो शार्क एज स्टेबलाइज्ड स्पेशलाइज्ड बॉडी सच एज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड एंड अदर फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट विद इन द रीजन. शार्क क्या है, स्टेबलाइज करिए, ये एक स्टेबलाइज बॉडी है जो कि क्या क्या स्टेबलाइज करता है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन रीजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड, ये सारी चीज़ों को स्टेबलाइज करता है, स्पेशलाइज्ड बॉडीज बनाता है जो कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज दिए गए हैं इन्हें, वो उन स्पेसिफिक एरियाज के साथ डील करती हैं ये बॉडीज. ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है शार्क का कि क्या क्या कौन कौन उसमें मेंबर्स होते हैं, क्या क्या उसके ऑर्गन्स होते हैं. यहाँ पर आपका ये शार्क वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे हम शॉर्ट में एशियन भी कहते हैं. तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड सोशियो कल्चरल कॉपरेशन अमंग इट्स 10 मेंबर कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया.
क्या बोला है, जो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल कॉपरेशन को प्रमोट करता है, जो इसके 10 मेंबर कंट्रीज होंगे उनके बीच में। एशियन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन अगस्त 1967 विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन इन बैंकॉक थाईलैंड। जो एशियन है वो कहाँ स्टेबलाइज हुआ था, कब स्टेबलाइज हुआ था, अगस्त 8, 1967 में स्टेबलाइज हुआ था। इसे हम एशियन डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके बाद एशियन स्टेबलाइज हुआ था। और किस प्लेस पर स्टेबलाइज हुआ था, तो वो है बैंकॉक थाईलैंड में। द मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन इंक्लूड ब्रुनेई, दारुसलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये 10 कंट्रीज एशियन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है एशियन का, तो सेम सभी के जैसा सेम ऑब्जेक्टिव है, प्रमोटिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो एशियन एम टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन थ्रू डायलॉग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कंफ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड रिजोल्यूशन। वही एम है इसका भी, जो इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी उनके बीच में पीस एंड स्टेबिलिटी स्टेबलाइज करना, प्रमोट करना। Enhancing economic cooperation, तो Asian seeks to enhance economic cooperation and integration among member countries through initiatives such as Asian Free Trade Area, the Asian Economic Community and the Regional Comprehensive Economic Partnership. Second objective क्या है इसका, जो economic cooperation है, मतलब जो इन countries की economies हैं उनके बीच में cooperation और integration करना, किसके through Asian Free Trade Area, मतलब freely trade करवाना, Asian Economic Community बनाई हुई है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इन सारी चीजों की मदद से इकोनॉमिक ऑपरेशन बढ़ाना इनकी मेंबर कंट्रीज के बीच में, ये इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट है फोस्टरिंग सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो एशियन वर्क टुवर्ड फोस्टरिंग सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन बाय प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशनल कॉपरेशन एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। और क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, कि जो ये सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट है इन जिस जो कंट्रीज इसके अंदर आती हैं उनके जो रीजंस हैं उनके अंदर सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी करा जाए, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एशियन एम टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया बाय एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, नेचर एंड डिजास्टर एंड अदर इश्यू अफेक्टिंग द रीजन। एशियन का एम क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि इसका एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के बीच में, जो भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चैलेंजेस हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं और जो भी उन जगहों को अफेक्ट करते हैं इशूज, उन सभी को एक तरीके से सॉल्व करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेथनिंग रीजनल सिक्योरिटी। तो एशियन सीक्स टू स्ट्रेथन रीजनल सिक्योरिटी थ्रू कॉपरेशन और काउंटरिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि क्या जो इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी उनके बीच में किसी भी टाइप का टेररिज्म ना रहे, कोई क्राइम ना रहे, कोई भी सिक्योरिटी वगैरह की इतनी अच्छी कर दी जाए कि उन कंट्रीज के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो, वो भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एशियन, जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन है वो किन किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो नंबर वन है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। तो एशियन मेंबर कंट्रीज रिस्पेक्ट ईच अदर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल अफेयर। जो एशियन मेंबर्स कंट्रीज है, मतलब एशियन के अंदर मेंबर कंट्रीज होंगी, वो एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगी, उनके बीच में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहेगी और कोई भी एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये इसका पहला प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है नॉन इंटरफेरेंस। तो एशियन अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर ऑफ मेंबर कंट्रीज एंड रिस्पेक्ट देयर पॉलिटिकल सिस्टम एंड डेवलपमेंट पैथ। वही नॉन इंटरफेरेंस क्या है, कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी और उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है और डेवलपमेंट का तरीका है उसकी रिस्पेक्ट करेगी। नेक्स्ट है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो एशियन प्रमोट द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग, नेगोशिएशन एंड अदर पीसफुल मींस इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। अगर मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे पीसफुल तरीके से सॉल्व करने का एक प्रिंसिपल भी एशियन कंट्रीज का, एशियन का ऑर्गेनाइजेशन का है, कि उनकी जो मेंबर कंट्रीज होंगी उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे पीसफुल तरीके से सॉल्व करा जाएगा। नेक्स्ट है कॉपरेशन एंड कॉन्सेंसनेस। तो एशियन ऑपरेट ऑन बेसिस ऑफ कॉपरेशन एंड कॉन्सेंसनेस बिल्डिंग अमंग मेंबर कंट्रीज टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस एंड एडवांस शेयर्ड गोल्स। कॉपरेशन और कॉन्सेंसनेस का एक प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी मेंबर कंट्रीज देंगे उनके जो भी चैलेंजेस देंगे उन्हें एड्रेस करा जाएगा और उनके गोल्स जो भी हैं वो आपस में सभी को बताए जाएंगे ताकि वो उन्हें अचीव करने में उनकी मदद कर सकें। नेक्स्ट है ओपन रीजनलिज्म। तो एशियन प्रैक्टिस ओपन रीजनलिज्म बाय एंगेजिंग द एक्सटर्नल पार्टनर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन। एशियन का और क्या प्रिंसिपल है, कि ये ओपन रीजनलिज्म रखेगा, किस तरीके से जो भी इनके एक्सटर्नल पार्टनर्स होंगे उनके साथ एंगेज होकर ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चीजें प्रमोट करेगी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन और रीजनल इंटीग्रेशन। मतलब बाहर वाली जो कंट्रीज हैं, जो इसकी मेंबर कंट्रीज नहीं है, उन सभी के साथ भी एक तरीके से कनेक्शन अच्छे बनाए जाएंगे इसके थ्रू। ये था आपका एशियन का सारा कंसेप्ट। अब नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको एंड कनाडा एग्रीमेंट, जिसे हम ओसम का भी बोलते हैं, यूएसएमसीए।
The United States Mexico Canada Agreement is a trilateral trade agreement that governs trade and economic relation between United States Mexico and Canada. ये क्या है, एक trilateral agreement है। trilateral agreement क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ तीन countries होंगी, United States Mexico and Canada, जो कि क्या करता है, जो ये एग्रीमेंट है ओक्स का काम ये है कि इन तीनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड को गवर्न करना, मतलब उससे रिलेटेड लॉज रूल्स रेगुलेशन बनाना और इनकी इकोनॉमिक रिलेशन को गवर्न करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इट वॉज साइंड ऑन नवंबर 30, 2018 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1, 2020। ये कब साइन हुआ था, 30 नवंबर 2018 में साइन हुआ था, और कब स्टार्ट हुआ था एक तरीके से ये एग्रीमेंट लीगली, तो वो था जुलाई 1, 2020, रिप्लेसिंग द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा विच हैज बीन इफेक्ट सिंस 1994। और इसने किसे रिप्लेस कर दिया था, जो नाफ्टा नेशनल नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसे इसने रिप्लेस करा, जो कि कब आया था, जो नाफ्टा था वो आया था 1994 में, उसे इसने 2020 के अंदर रिप्लेस कर दिया था। की फीचर्स क्या क्या हैं यूएसएमसीए के, तो मार्केट एक्सेस देगी, तो यूएसएमसीए प्रोवाइड इंप्रूव्ड मार्केट एक्सेस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डेयरी पोल्ट्री एंड एग, इट आल्सो इंक्लूड प्रोविजन टू फैसिलिटेट डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स। मार्केट एक्सेस क्या है, जो यूएसएमसीए है वो मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करवाता है किन किन चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए और एग्स वगैरह के लिए, और डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स को भी प्रमोट करता है, उनके लिए प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है लेबर स्टैंडर्ड, तो यूएसएमसीए इंक्लूड प्रोविजन टू स्ट्रेंथन लेबर स्टैंडर्ड एंड प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम वेजेस, वर्कप्लेस सेफ्टी एंड द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। और क्या बोला है कि जो ये यूएसएमसीए है वो लेबर स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करके रखता है। लेबर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में क्या क्या चीजें देखता है, कि मिनिमम वेजेस है वो उसका जो भी ये मिनिमम वेजेस का एक लॉ है उसको फॉलो करा जाए, वर्कप्लेस की सेफ्टी रखी जाए, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, बार्गेनिंग का राइट दिया जाए, ये सारी चीजें भी इसका एक फीचर है। Environmental protection, तो USMCA include commitment to promote environmental protection and sustainable development including provision on air quality, biodiversity and conservation. जो USMCA है वो और क्या चीज़ ध्यान में रखता है, कि जो environment है उसकी protection करी जाए और जो development करा जाए वो sustainable तरीके से development करा जाए, air की quality, biodiversity and conservation, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो यूएसएमसीए स्ट्रेंथन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट। जो यूएसएमसीए है वो और किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है, कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करी जाए, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, तो यूएसएमसीए इंक्लूड अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म टू एड्रेस डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर कंट्रीज रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट। जो इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे रिजॉल्व करा जाएगा, उसके लिए एक मैकेनिज्म बना रखा है जिसके अंदर उनके डिस्प्यूट को इंटरप्रेट करा जाएगा और उनके एग्रीमेंट के तरीके से उनका सॉल्यूशन करा जाएगा। नेक्स्ट है सनसेट क्लॉज, तो यूएसएमसी इंक्लूड अ सनसेट क्लॉज दैट रिक्वायर अ रिव्यू ऑफ एग्रीमेंट एवरी 6 ईयर विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड इट एडिशनल पीरियड। क्या बोला है, यूएसएमसीए के अंदर एक सनसेट क्लॉज आएगा जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हर 6 साल के अंदर इसके एग्रीमेंट को रिव्यू करा जाता है और अगर उसमें कुछ और चीज ऐड करनी होती है तो उसे ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ये था आपका यूएसएमसीए के बारे में पूरा कंसेप्ट। यहाँ पर आपका ये सारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये रीजनल इंटीग्रेशन के तरीके थे, उनके जो एग्जांपल थे, जो भी आपके सिलेबस में थे, वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए। अब आपका कोर्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने में क्या क्या नुकसान होता है, तो नंबर 1 है लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, तो कंट्रीज में हैव टू गिव अप सम डिग्री ऑफ सॉवरेनिटी बाय एग्रीइंग टू कॉमन ट्रेड पॉलिसी रेगुलेशन एंड इंस्टीट्यूशन। जो कंट्रीज होती हैं उन्हें उनकी जो सॉवरेनिटी होती है उसका लॉस होता है, क्योंकि उन्हें कॉमन ट्रेड की पॉलिसीज को, रेगुलेशंस को और इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है ट्रेड डाइवर्जन, तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में लीड टू ट्रेड डाइवर्जन वेयर मेंबर कंट्रीज स्टार्ट ट्रेडिंग मोर विद ईच अदर एट द एक्सपेंस ऑफ नॉन मेंबर कंट्रीज पोटेंशियली लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज। ट्रेड डाइवर्जन होता है क्योंकि क्या होता है, रीजनल इंटीग्रेशन के अंदर जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके साथ ज्यादा ट्रेड करना होता है और जो नॉन मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके साथ आपको इतना ट्रेड नहीं करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट कॉस्ट, तो इंडस्ट्रीज दैट आर नॉट कॉम्पिटिटिव विद इन द रीजनल ब्लॉक में फेस चैलेंजेस, दे हैव टू कम्पीट विद मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर फ्रॉम अदर मेंबर कंट्रीज। क्या बोला है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि कॉम्पिटिटिव नहीं है वो इसके अंदर चैलेंज फेस करती हैं, क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिशन करना होता है एक एफिशियंट प्रोड्यूसर, जो कि दूसरी मेंबर कंट्रीज होंगी उनके अंदर अगर कोई उसी चीज़ का एफिशियंट प्रोड्यूसर है तो फिर उसके साथ उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल चैलेंज, टू रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन पॉलिटिकली चैलेंजिंग एज कंट्रीज नीड टू अलाइन देयर पॉलिसी एंड रेगुलेशन विच कैन बी डिफिकल्ट ड्यू टू डिफरिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रायोरिटीज। क्या बोला है, पॉलिटिकल चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं कई बार, क्योंकि जो कंट्रीज हैंगी उन्हें हर कंट्रीज का अपने अलग अलग पॉलिटिकल पॉलिसीज होती है, प्रायोरिटीज होती है, आइडियोलॉजीज होती है, लेकिन अगर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है तो उन्हें इन सभी के बारे में ध्यान रखकर कोई भी पॉलिसी या प्रोसीजर बनाना पड़ता है, जो कि कई बार कन्फ्लिक्शन हो जाता है दो कंट्रीज के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बीच में। ठीक है,
ये इसके नुकसान होते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। अब अगर आपका बेनिफिट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो नंबर वन आता है इंक्रीज ट्रेड। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन लीड टू इंक्रीज ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज ड्यू टू रिएक्शन और एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर सच एज टैरिफ एंड क्वोटास। क्या बोला है, जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उससे ट्रेड बढ़ जाता है मेंबर्स के बीच में, जो मेंबर कंट्रीज होती है उनके बीच में ट्रेड बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कई सारे ट्रेड बैरियर्स होते हैं, टैरिफ क्वोटास होते हैं, उन्हें या तो एलिमिनेट कर दिया जाता है या बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो बाय क्रिएटिंग अ लार्ज मार्केट रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अलाउ फर्म टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल लीडिंग टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। क्या बोला है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर जो मेंबर कंट्रीज देंगी वो एक लार्ज मार्केट क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है, जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और एफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन अट्रैक्ट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज कंपनी सीक्स टू टेक एडवांटेज ऑफ लार्जर मार्केट एंड बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय इंटीग्रेशन। क्या बोला है, जो ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होते हैं ये ज्यादा एफडीआई को क्या करते हैं, एक तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, कई सारी अच्छी कंट्रीज होती हैं जिनका जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, तो बाहर की जो कंपनीज होती हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं वो इनके अंदर इन्वेस्ट करने से डरते नहीं है किसी भी टाइप का, उन्हें रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। तो इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन लीड टू जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन मेंबर कंट्रीज। अब जब ट्रेड बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं, तो उससे क्या होता है, रीजनल इंटीग्रेशन की मदद से जॉब्स भी क्रिएट होती हैं मेंबर कंट्रीज के अंदर और उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती है। नेक्स्ट है इनहांस्ड कॉम्पिटिटिवनेस। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन हेल्प मेंबर कंट्री बिकम मोर कॉम्पिटिटिव ग्लोबली बाय फोस्टरिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। क्या बोला है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो मेंबर कंट्रीज की हेल्प करते हैं ग्लोबली कॉम्पिटिट करने के लिए, किसकी मदद से, वो उनको अच्छी इनोवेशन प्रोवाइड करवाते हैं आपस में, एक दूसरी मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, स्पेशलाइजेशन आता है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, और वो सारी कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ग्लोबली कॉम्पिटिट कर पाती हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो क्लोजर इकोनॉमिक टाइज थ्रू रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की मदद से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो भी आ जाती है कंट्रीज के बीच में, जो पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं कंट्रीज के वो भी सुधर जाते हैं। तो ये थे आपके बेनिफिट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 4 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यूनिट नंबर 5 कवर करना है, जो आपका इसके सिलेबस में गिवन है। तो टाइप्स ऑफ एफडीआई, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक ऑफ एफडीआई, ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, कंटेम्प्रेरी इशू इन इंटरनेशनल बिजनेस, आउटसोर्सिंग एंड इट्स पोटेंशियल फॉर इंडिया, इंटरनेशनल बिजनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इतना कंटेंट आपको कवर करना है, ये चीजें आपके सिलेबस के अंदर दी गई है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ एफडीआई की। एफडीआई क्या होता है, एफडीआई ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की आपकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इन बिजनेस इंटरेस्ट इन अनदर कंट्री इन फॉर्म ऑफ स्टेबलाइजिंग बिजनेस ऑपरेशन और एक्वायरिंग बिजनेस एसेट इन दैट फॉरेन कंट्री। एफडीआई क्या है, ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट का तरीका है, जो कि एक कंपनी या एक इंडिविजुअल जो भी किसी भी एक कंट्री में रहता है और वो इंटरेस्टेड है दूसरी कंट्री के अंदर, तो वो ये इन्वेस्टमेंट करता है। अब वो जो ये इन्वेस्टमेंट करेगा वो किसी भी तरीके से कर सकता है, या तो वो वहाँ पर अपना बिजनेस स्टेबलाइज कर ले, या वहाँ के जो पहले से बिजनेस हैं उसके एसेट्स को एक्वायर कर ले, मतलब उसके कुछ शेयर्स खरीद ले या एसेट में पैसा लगा दे किसी भी तरीके से फॉरेन दूसरी कंट्री में, तो उस चीज को आपका क्या कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई कहा जाता है। ठीक है, FDI involve a long-term commitment and control over foreign business entity by the investor. FDI क्या है, ये एक तरीके की long-term commitment होती है और control होता है, जिसके अंदर जो investor होता है वो foreign business entity को control करता है। FDI is an investment from a party in one country into a business or corporation in another country with the intention of stabilizing a lasting relationship. ये आपकी FDI की definition दे रखी है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर जो एक कंट्री की पार्टी है वो दूसरी कंट्री के बिजनेस या कॉरपोरेशंस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है, किस इन्वेस्ट इंटेंशन से, लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर देती है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उस चीज को आपका एफडीआई कहा जाता है। ठीक है, की फीचर्स ऑफ एफडीआई, जो एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके, तो नंबर वन आता है ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो एफडीआई इन्वॉल्व एक्वायरिंग अ सिग्निफिकेंट ओनरशिप स्टेक, यूजुअली एटलीस्ट 10% इन फॉरेन कंपनी। सबसे पहले जो स्टेक होता है, मतलब जो ओनरशिप होगी वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट ओनरशिप मतलब 10% या 10% से ज्यादा का स्टेक एक्वायर, मतलब जो शेयर्स हैं, अगर हम शेयर्स की बात करें तो 10% तक शेयर
उस कंपनी के एक्वायर किए होने चाहिए, तभी वो चीज एफडीआई कहलाएगी। गिविंग द इन्वेस्टर कंट्रोल ओवर ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द बिजनेस, जिससे क्या हो, जो इन्वेस्टर है उसका बिजनेस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर और ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल आ जाए। तो ये उसका पहला फीचर होता है ओनरशिप एंड कंट्रोल में कि 10% की ओनरशिप होनी चाहिए और बिजनेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग के ऑपरेशन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो एफडीआई इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज इट इन्वॉल्व स्टेबलाइजिंग अ लास्टिंग प्रेजेंस इन फॉरेन मार्केट। ये जो एफडीआई है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे फॉरेन मार्केट के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग प्रेजेंस रहती है उस इंडिविजुअल या एंटिटी की, सच एज सेटिंग अप सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर और होली ओन्ड एंटरप्राइज। और ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप किस तरीके से क्रिएट की जाती है, या तो सब्सिडरी क्रिएट करके, ज्वाइंट वेंचर क्रिएट करके, या फिर होली ओन्ड एंटरप्राइज, मतलब किसी कंपनी को पूरे तरीके से परचेज कर लेना, खरीद लेना। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड स्किल। तो एफडीआई ब्रिंग नॉट ओनली फाइनेंशियल कैपिटल बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज एंड स्किल टू द होस्ट कंट्री, विच कैन हेल्प बूस्ट इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड कम्पिटेटिवनेस। एफडीआई से हम सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि उस कंट्री को टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज, स्किल्स, कुछ भी चीज प्रोवाइड करवाई जा सकती है, वो चीज दी जाती है, जिसकी मदद से क्या होता है, उस कंट्री की इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, तो एफडीआई कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द होस्ट कंट्री बाय क्रिएटिंग अ जॉब, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, फोस्टरिंग इनोवेशन एंड इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एफडीआई क्या करता है, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाता है होस्ट कंट्री के अंदर, क्या करता है, जॉब्स को क्रिएट करता है। होस्ट कंट्री क्या होती है, जिस कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा है, तो होस्ट कंट्री के अंदर जॉब्स क्रिएट करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, इनोवेशन को फोस्टर करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो एफडीआई इन्वॉल्व रिस्क सच एज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, रेगुलेटरी चेंज एंड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इन द होस्ट कंट्री। एफडीआई के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड दोनों चीजें होती है। रिस्क किस चीज का होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाए या फिर रेगुलेशंस में चेंज आ जाए, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर है उनके अंदर फ्लक्चुएशन आ जाए, तो ये सारे होस्ट कंट्री के अंदर रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाउएवर इट ऑल्सो ऑफर पोटेंशियल रिवॉर्ड इन टर्म ऑफ प्रॉफिट, मार्केट एक्सेस एंड डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, मार्केट की एक्सेस मिल जाती है उस कंट्री की और डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है इजिली। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक जो है बेनिफिट ऑफ एफडीआई। ये तो हमने पढ़े कि फीचर्स क्या क्या होते हैं, अब एफडीआई से फायदा क्या क्या होता है कंट्रीज को। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो एफडीआई कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द होस्ट कंट्री बाय क्रिएटिंग जॉब, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, फोस्टरिंग इनोवेशन एंड इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एफडीआई की मदद से क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होती है उसके अंदर जॉब्स क्रिएट होती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनोवेशन बढ़ती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंप्रूवमेंट आती है। तो ये बेनिफिट हो गया होस्ट कंट्री के लिए। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन, तो एफडीआई ऑफन लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब इन द होस्ट कंट्री, बोथ डायरेक्टली थ्रू एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन ओन्ड एंटरप्राइज एंड इनडायरेक्टली थ्रू सप्लाई चेन एंड सपोर्ट सर्विसेज। एफडीआई की मदद से क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होता है होती है उसके अंदर जॉब भी क्रिएट होती है। अब जॉब दो तरीके से क्रिएट होती है, या तो जो एफडीआई की मदद से एंटरप्राइज स्टेबलाइज करी गई है उसके अंदर डायरेक्टली जॉब दे देना, या फिर इनडायरेक्टली जॉब देना। वो किस तरीके से, तो सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस देना किसी वहाँ के इंडिविजुअल से, तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्टली जॉब क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एमएनसीज दैट एंगेज इन एफडीआई ब्रिंग विद देम एडवांस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज एंड बेस्ट प्रैक्टिस दैट कैन बेनिफिट लोकल फर्म एंड इंडस्ट्री। अब किसी कंट्री में एफडीआई की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो उस कंट्री में अपना बिजनेस स्टेबलाइज करेगी, वो अपने फाइनेंशियल कैपिटल के साथ साथ वहाँ पर टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी लेकर आएगी, मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज लाएगी, सारे बेनिफिट इसके किसे भी मिलेंगे, वहाँ की जो लोकल फर्म और इंडस्ट्री है उन्हें भी इन सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा, उनको भी इसकी एक्सेस मिल पाएगी। द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड स्किल कैन हेल्प इनहांस द होस्ट कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड इंप्रूव इट्स ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस। इससे क्या होगा, जो नॉलेज एंड स्किल है उसके ट्रांसफर से जो होस्ट कंट्री हैगी उसकी भी कैपेबिलिटीज इंप्रूव होंगी और जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी होस्ट कंट्री की। तो ये आपके बेनिफिट्स होते हैं एफडीआई के। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो एफडीआई कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द होस्ट कंट्री, एज फॉरेन इन्वेस्टर में इन्वेस्ट इन बिल्डिंग और अपग्रेडिंग फैसिलिटीज सच एज फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, यूटिलिटीज एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। एफडीआई क्या करता है, जो होस्ट कंट्री है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करता है। जो एफडीआई के फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिल्डिंग्स क्रिएट करते हैं होस्ट कंट्री के अंदर, अपग्रेड करते हैं फैसिलिटीज को, फैक्ट्रीज स्टेबलाइज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करते हैं, नेटवर्क यूटिलिटीज करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होता है होस्ट कंट्री के अंदर। नेक्स्ट है एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, तो एफडीआई प्रोवाइड लोकल फर्म इन द होस्ट कंट्री विद एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट थ्रू लिंकेज टू एमएनसीज। एफडीआई क्या करता है, जो लोकल फर्म होती है होस्ट कंट्री की उनकी भी लिंकेज क्रिएट करवा देता है ग्लोबल मार्केट के साथ एमएनसीज की मदद से,
दिस कैन हेल्प लोकल बिजनेस एक्सपेंड देयर मार्केट रीच, इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। इससे क्या होता है, जो लोकल बिजनेस होते हैं उनकी मार्केट रीच एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, उनका जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाता है और ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज्ड टैक्स रेवेन्यू। तो एफडीआई के जनरेट एडिशनल टैक्स रेवेन्यू फॉर द होस्ट कंट्री थ्रू कॉर्पोरेट टैक्स। एफडीआई क्या करते हैं, एडिशनल टैक्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं होस्ट कंट्री के अंदर, किसकी मदद से, कॉर्पोरेट टैक्स प्रोवाइड करवा के, एम्प्लॉयमेंट टैक्स प्रोवाइड करवा के और कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स। अब जब एफडीआई हुआ है मतलब इन्वेस्टमेंट हुई है तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को उसी कंट्री के अंदर उस रेवेन्यू के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दिस कैन हेल्प फंड पब्लिक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड सोशल प्रोग्राम। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है जो टैक्स आता है और उन्हें वो पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सोशल प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट कर पाती है फिर गवर्नमेंट अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। तो एफडीआई कैन हेल्प डाइवर्सिफाई द होस्ट कंट्रीज इकोनॉमी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट। एफडीआई की मदद से क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होती है उसकी जो इकोनॉमी होती है वो डाइवर्सिफाई हो पाती है ग्लोबल मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी और नए नए प्रोडक्ट की मदद से। दिस डाइवर्सिफिकेशन कैन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फ्यू सेक्टर्स और मार्केट, मेकिंग द इकोनॉमी मोर रिलायंट रिजिलिएंट टू एक्सटर्नल शॉक। इससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन से जो पहले डिपेंडेंस हुआ करती थी कुछ सेक्टर या मार्केट के ऊपर, लोकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी, वो डिपेंडेंस खत्म हो जाती है क्योंकि अब उनके पास एक्सटर्नल अल्टरनेटिव्स होते हैं उन सारी चीज़ों के जिनकी वजह से उन्हें पहले डिपेंडेंस रहना पड़ता था। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट हो गए कि एफडीआई के क्या क्या बेनिफिट हो जाते हैं होस्ट कंट्री के लिए। फिर आता है आपका ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं एफडीआई के, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टर, तो होस्ट कंट्री डेट हेवली रिलाय ऑन एफडीआई में बिकम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इन्वेस्टर फॉर कैपिटल, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज एंड मार्केट एक्सेस। होस्ट कंट्री, ऐसी होस्ट कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा एफडीआई के ऊपर डिपेंड करती हैं, इससे क्या होता है उनकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर, किस चीज़ से रिलेटेड, कि हाँ अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो हमें कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेंगे और मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये डिपेंडेंस बढ़ा देता है उन कंट्रीज में जहाँ पर वो कंट्रीज सिर्फ एफडीआई के ऊपर डिपेंड रिलाय करती हूँ। तो विच कैन लीड टू वल्नरेबिलिटी इफ द इन्वेस्टर डिसाइडेड टू विदड्रॉ और डाइवेस्ट फ्रॉम द कंट्री। तो इससे क्या होता है, फिर वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर इन्वेस्टर ने ये डिसीजन ले लिया कि वो इस चीज़ से विदड्रॉ करेगा या उस कंट्री से अपनी एफडीआई को खत्म करेगा, तो फिर वो उस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। फिर अगर लॉस ऑफ सोवर्निटी, तो एफडीआई में रेज कंसर्न अबाउट लॉस ऑफ सोवर्निटी एंड कंट्रोल ओवर की इंडस्ट्री, रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर एज फॉरन इन्वेस्टर में इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। एफडीआई से क्या होता है, जो सोवर्निटी होती है कंट्री की वो लॉस्ट होने का डर रहता है और जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर उस कंट्री का कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर का कंट्रोल हो जाता है, इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के ऊपर। इससे क्या होता है, फिर वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी, रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये इसका सेकेंड ड्रॉबैक हो जाता है। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट। तो एफडीआई में रिजल्ट इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट विद इन द होस्ट कंट्री विद सर्टेन रिलीजन, इंडस्ट्री और सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन बेनिफिटिंग मोर देन, लीडिंग टू इनकम इनइक्वालिटी, सोशल डिस्पेरिटी और रीजनल इम्बैलेंस। क्या बोला है, जो एफडीआई है उससे क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है होस्ट कंट्री के अंदर, कुछ ही रीजन्स में कुछ ही इंडस्ट्रीज और कुछ ही पॉपुलेशन की सेगमेंट्स को उसका बेनिफिट मिल पाता है इसका, आपका एफडीआई का सभी को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है फिर इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, डिस्पेरिटीज आ जाती हैं और रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है कंट्री के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंपटीशन विद लोकल बिजनेस। तो फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन होस्ट कंट्री थ्रू एफडीआई में कॉम्पीट विद लोकल बिजनेस, पोटेंशियली लीडिंग टू मार्केट डोमिनेंस, प्राइस वॉर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक फर्म, लॉस ऑफ मार्केट शेयर और इरोजन ऑफ लोकल इंडस्ट्री। अब जब फॉरेन कंपनी होस्ट कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती हैं तो इससे क्या होता है, एफडीआई की वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है लोकल बिजनेसिस का, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनी क्या कर पाती हैं, मार्केट को डोमिनेट कर लेती हैं, प्राइस वॉर कर पाती हैं, जो डोमेस्टिक फर्म है उन्हें डिस्प्लेस कर देती हैं, मार्केट शेयर खत्म कर देती हैं और जो लोकल इंडस्ट्री हैं उनको इरोड कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट। तो एफडीआई प्रोजेक्ट कैन हैव एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट सच एज पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, लेबर लाइट वॉल्यूशंस, वॉयलेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रेजिंग कंसर्न अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्या बोला है कि जो एनवायरमेंटल, जो एफडीआई प्रोजेक्ट स्टेबलाइज होते हैं कंट्रीज होस्ट कंट्री के अंदर, उससे क्या होता है एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट बढ़ जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर दिया जाता है प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, लेबर राइट्स का वायलेशन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या क्या होता है फिर आपकी सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खतरे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो होस्ट कंट्री दैट रिलाय ऑन एफडीआई फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बिकम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी पेटेंट और नो हाउ, लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू डेवलप इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज, इनोवेट और कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट।
क्या बोला है, जो होस्ट कंट्री होती है जो FDI के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर जाती है वो डिपेंडेंट हो जाती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर, कि जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है, पेटेंट है, नो हाउ है, वो फॉरेन के ऊपर हो जाती है, ये अपनी खुद की सारी चीज़ें इसके वाली भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फिर ये अपनी कोई इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ इनोवेशन से डेवलप नहीं कर पाते हैं और ये ग्लोबल मार्केट के अंदर भी कम्पीट नहीं कर पाते हैं आपके। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिस्क। तो FDI कैन एक्सपोज टू पॉलिटिकल रिस्क सच एज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेशन, टैक्सेशन, ट्रेड एग्रीमेंट और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, विच में अफेक्ट द स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और कंटिन्यूटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द होस्ट कंट्री। FDI क्या है, FDI क्या करती है, पॉलिटिकल रिस्क भी होता है FDI को, क्योंकि जो अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस आता है, रेगुलेशंस में चेंजेस होते हैं, टैक्सेशन, ट्रेड एग्रीमेंट, इन सारी चीज़ों में चेंजेस होते हैं, तो इससे क्या होता है जो होस्ट कंट्री हैगी उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रखी होती है उसकी स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और कंटिन्यूटी, इन तीनों चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है तो फिर इन्हें एग्जिट भी करना पड़ता है किससे, होस्ट कंट्री से, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली आपके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स के बारे में कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उनके क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, मतलब किन किन तरीकों से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी की जा सकती है। तो सबसे पहले आती है आपकी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस और फैसिलिटी इन फॉरेन कंट्री बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर। ये क्या है, एक तरीका है न्यू बिजनेस फैसिलिटी स्टेबलाइज करने का फॉरेन कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। दिस टाइप ऑफ FDI इन्वॉल्व बिल्डिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड हायरिंग लोकल एम्प्लॉय फ्रॉम स्क्रैच। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है वो अपना बिजनेस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करता है फॉरेन कंट्री के अंदर, नई प्रोडक्शन फैसिलिटी सेट करता है और वहीं के जो लोकल एम्प्लॉय हैं उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करवाता है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट टिपिकली इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट कैपिटल आउटले एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर टू स्टेबलाइज द प्रेजेंस इन न्यू मार्केट। इसके अंदर जो कैपिटल आउटले होता है वो बहुत ज़्यादा एक हाई अमाउंट में होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है मार्केट में बने रहने की, तो ये कहलाती है आपकी ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले आती है आपकी मार्केट शेयर। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट अलाउ कंपनीज टू एंटर न्यू मार्केट एंड एक्सपेंड देयर ग्लोबल फुटप्रिंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या अलाउ करती है कंपनी की, कि न्यू मार्केट में एंटर कर सके और अपने कदम वहां पर भी फैला सके ग्लोबल मार्केट में, बाय स्टेबलाइजिंग अ न्यू बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। और किसकी मदद से, फॉरेन कंट्री के अंदर न्यू बिजनेस स्टेबलाइज करके कंपनी कैन टैप इनटू लोकल रिसोर्सेज, एक्सेस कस्टमर सेगमेंट एंड डाइवर्सिफाई देयर रेवेन्यू। क्या कर पाती हैं, जो फॉरेन कंपनी होती हैं फॉरेन कंट्री में बिजनेस स्टेबलाइज करके, एक तो लोकल रिसोर्सेज की उन्हें एक्सेस मिल जाती है उस कंट्री के, नए कस्टमर सेगमेंट मिल जाता है और अपने रेवेन्यू को भी वो डाइवर्सिफाई अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड फॉरेन इन्वेस्टर विद फुल कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ न्यू बिजनेस। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनका जो ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल उन्हीं का होता है, किसी की भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इनेबल द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कंपनी टू होस्ट कंट्री। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या अलाउ करती है, इनेबल करती है कि टेक्नोलॉजी का, नॉलेज का और जो प्रैक्टिस है कि उसका ट्रांसफ़र हो सके होस्ट कंट्री के अंदर, किसके द्वारा, जो कंपनी या जो इंडिविजुअल बिजनेस को स्टेबलाइज कर रहा है होस्ट कंट्री के अंदर उसकी मदद से। दिस कैन हेल्प इनहांस द लोकल कैपेबिलिटी, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड स्टिमुलेशन इनोवेशन इन द इकोनॉमी। इससे क्या होता है, जो होस्ट कंट्री है कि उसकी लोकल कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है और जो उसकी इकोनॉमी है उसके अंदर भी इनोवेशन आ जाता है। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल रेजिडेंट बाय हायरिंग वर्कफोर्स एंड सपोर्ट एंसिलरी इंडस्ट्री सच एज सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है उसकी मदद से क्या होता है, जॉब्स भी क्रिएट होती हैं उस कंट्री के अंदर। जॉब्स कैसे क्रिएट होती हैं, अब बिजनेस स्टेबलाइज कराया है तो वहाँ के लोकल पीपल्स को ही उस बिजनेस में एम्प्लॉई बनाया जाता है, उस एंटरप्राइज में रखा जाता है काम करने के लिए। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका जॉब क्रिएट करने का। इनडायरेक्ट तरीका किस तरीके से जॉब क्रिएट करी जाती है, तो वहाँ के सप्लायर्स की मदद ली जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद ली जाती है, तो इनकी मदद से उन्हें इनडायरेक्ट जॉब भी क्रिएट करी जाती हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट आर टिपिकली मेड विद लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, एमिंग टू बिल्ड सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड स्टेबलाइज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द मार्केट ओवर टाइम। जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट करी जाती है वो किस व्यू के साथ करी जाती है, एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के साथ करी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, एक सस्टेनेबल ऑपरेशन को डेवलप करना और स्टेबलाइज करना और अपनी प्रेजेंस बनाकर रखना मार्केट के अंदर इसका एम होता है। दिस कैन लीड टू स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीज्ड मार्केट शेयर एंड इनहांस्ड कॉम्पिटिटिवनेस फॉर द इन्वेस्टिंग कंपनी। ये इससे क्या होता है, जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ जाता है, मार्केट का शेयर इंक्रीज हो जाता है और कॉम्पिटिटिवनेस बन जाती है इन्वेस्टिंग कंट्री की। ये तो हमने देख लिया कि आपके इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं या बेनिफिट एक तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या क्या, इसके नुकसान भी होते हैं।
तो नंबर वन है हाई इनिशियल कॉस्ट। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्वायर लैंड, परचेज इक्विपमेंट एंड हायर एम्प्लॉई। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इनिशियल कॉस्ट होती है बिजनेस को स्टेबलाइज करने की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, लैंड को एक्वायर करना होता है, नए इक्विपमेंट खरीदने होते हैं, नए नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना होता है, तो ये सारी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। द अपफ्रंट कॉस्ट कैन बी सब्सटेंशियल एंड मेक टाइम टू जनरेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसमें जो ये कॉस्ट होती है इनिशियल कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वहीं इसका रिटर्न होता है वो हमें अभी जल्दी से नहीं मिलता, एक लॉन्ग टर्म में हमें इसका अच्छा रिटर्न मिलना शुरू होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रिस्क रिलेटेड टू मार्केट कंडीशन, रेगुलेटरी चेंजेस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, करेंसी फ्लक्चुएशन एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस इन न्यू एनवायरनमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, किस चीज़ से रिलेटेड, मार्केट की कंडीशन से रिलेटेड, रेगुलेटरी चेंजेस की से रिलेटेड, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से रिलेटेड, करेंसी में फ्लक्चुएशन से रिलेटेड और ऑपरेशन चैलेंजेस से रिलेटेड रिस्क इन्वॉल्व होता है। फॉरेन इन्वेस्टर में फेस अनसर्टेनिटीज एंड ऑब्स्टेकल दैट कुड इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो अनसर्टेनिटीज फेस करते हैं, ऑब्स्टेकल फेस करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है इन सारे रिस्क की वजह से। नेक्स्ट है टाइम एंड एफर्ट। तो स्टेबलाइजिंग अ न्यू बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच थ्रू ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव। अब बिल्कुल स्क्रैच से एक नया बिजनेस स्टेबलाइज करना किसी भी कंट्री के अंदर एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है आपका। इट रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज सच एज परमिट, सिक्योरिंग लाइसेंस एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप विद लोकल स्टेक होल्डर। इसके अंदर क्या होता है, जो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं वो सारी चीज़ें एक अच्छी प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन के बाद ही परफॉर्म करनी होती हैं। कोई भी एक्टिविटी अगर करनी है, जैसे कि अगर परमिट्स जो लेने हैं, क्या क्या लाइसेंस लेने पड़ेंगे, क्या क्या रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी होती हैं। नेक्स्ट है लोकल कंपटीशन। तो फॉरेन इन्वेस्टर एंटरिंग अ न्यू मार्केट थ्रू ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मे फेस कंपटीशन फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड लोकल कंपनी विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, ब्रांड रिकॉग्निशन एंड कस्टमर लॉयल्टी। अब जरूरी नहीं है सभी कंट्रीज़ में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हों, कुछ कंट्रीज़ होती हैं होस्ट कंट्रीज़ भी जिनके अंदर पहले से ही उस इंडस्ट्री में एक अच्छी जानी हुई कंपनी जिसका ब्रांड नेम होता है वो पहले से ही उस कंट्री के अंदर रन हो रही होती है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो अपनी बिजनेस को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनके सामने भी एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है उस एग्जिस्टिंग कंपनी की प्रेजेंस की वजह से, उसकी ब्रांड की वजह से, उन सारी चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट है कल्चरल एंड लीगल डिफरेंस। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री में इनकाउंटर कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज बैरियर एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज दैट रिक्वायर एडेप्टेशन एंड कंप्लायंसेज विद लोकल नॉर्म, रेगुलेशन एंड बिजनेस प्रैक्टिस। क्या बोला है, अब एक न्यू कंट्री में जाकर आप अपना बिजनेस स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो आपको कल्चरल डिफरेंस भी फेस करना पड़ेगा, लैंग्वेज बैरियर्स भी होंगे वहाँ पर, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज भी होंगी जिन सारी चीज़ों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा लोकल नॉर्म्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ और बिजनेस प्रैक्टिस के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं। तो ये आपके ड्रॉबैक्स हो जाते हैं फॉरेन डायरेक्ट वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के किसी कंट्री के अंदर, ठीक है। जो नेक्स्ट तरीका आएगा आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो आता है आपका मर्जर या फिर एक्विजिशन। तो मर्जर क्या होता है, सबसे पहले मर्जर को समझेंगे। अ मर्जर इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस कॉम्बिनेशन वेयर टू और मोर कंपनी कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी। मर्जर और एक्विजिशन दोनों का मतलब एक ही होता है, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपनी कंबाइन होती हैं और एक न्यू एंटिटी फॉर्म करती है। इन मर्जर द कंपनी इन्वॉल्व टिपिकली एग्री टू कंबाइन देयर ऑपरेशन, एसेट एंड रिसोर्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉगर, मोर कॉम्पिटिटिव एंटिटी। मर्जर के अंदर जो एंटिटीज़ कंबाइन होती हैं वो किस ऑब्जेक्टिव से होती हैं, कि हाँ हम एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्रिएट कर लेंगे मिलकर, जो कि अभी हम अलग अलग हैं तो क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो मर्ज होती हैं। मर्जर कैन क्लासिफाइड एज आइदर हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। मर्जर को हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर या फिर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है, सेम इंडस्ट्री के अंदर दो कॉम्पिटिटर रहेंगे वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उस चीज़ को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। वर्टिकल मर्जर क्या होता है, दो कंपनी जो अलग अलग स्टेज पर हैं सप्लाई चेन में वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो वो कहलाता है आपका वर्टिकल मर्जर। और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या होता है, ऐसा मर्जर जिसके अंदर जो दो कंपनीज हैं वो आपस में किसी तरीके से रिलेट नहीं करती हैं लेकिन कंबाइन हो जाती हैं, तो उस चीज़ को आपका क्या कहा जाता है, उस चीज़ को आपका कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहा जाता है, ठीक है। वहीं दूसरी साइड में आपका आएगा एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है, इट ऑकर व्हेन वन कंपनी परचेज अनदर कंपनी आइदर थ्रू बाइंग अ मेजोरिटी स्टेक और एक्वायरिंग ऑल इट्स एसेट। एक्विजिशन क्या होता है, ये एक तरीका है जिसके अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, या तो उसका मेजोरिटी स्टेक एक्वायर करके या फिर पूरा ही उसका स्टेक एक्वायर करके। एक्विजिशन कैन बी फ्रेंडली वेयर बोथ पार्टी एग्री टू डील और होस्टाइल वेयर द टारगेट कंपनी रजिस्टर द एक्विजिशन। जो ये एक्विजिशन हो सकता है ये दोनों तरीके का हो सकता है, फ्रेंडली भी हो सकता है, होस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली भी हो सकता है। अगर जिस कंपनी जो मतलब जो
बड़ी कंपनी है वो दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, तो वो जो दूसरी कंपनी है वो एक्वायर होने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेल होना चाहती है, तो ये हो जाएगा फ्रेंडली टर्म है। लेकिन वहीं अगर एक्विजिशन जबरदस्ती करा जाता है तो उसे कहा जाता है होस्टाइल एक्विजिशन। एक्विजिशन कैन हेल्प कंपनी एक्सपेंड देयर मार्केट प्रेजेंस, डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट ऑफर एंड गेन एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज़। एक्विजिशन से क्या होता है, जो कंपनीज हैं उनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है, डाइवर्सिफाई कर पाते हैं वो अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को, नई टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी की उन्हें एक्सेस मिल जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्विजिशन। फर्स्ट टाइप का मर्जर है हॉरिजॉन्टल मर्जर। तो अ हॉरिजॉन्टल मर्जर ऑकर व्हेन टू कंपनीज ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री एंड ऑफरिंग सेम और सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस कंबाइन देयर ऑपरेशन। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है, ऐसी दो कंपनियां जो सेम इंडस्ट्री में हैं और सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं या सिमिलर सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपस में एक हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो उस चीज को कहा जाता है आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर। नेक्स्ट आता है वर्टिकल मर्जर। तो अब वर्टिकल मर्जर इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। ऐसी दो कंपनियां जो सप्लाई चेन में दो लेवल्स पर हैं वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं। या तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ मिला लेते हैं या अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को अपने साथ मिला लेते हैं, तो वो कहलाता है आपका वर्टिकल मर्जर। नेक्स्ट आता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। तो अ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर ऑकर व्हेन टू कंपनीज फ्रॉम अनरिलेटेड इंडस्ट्री मर्ज टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस इंटरेस्ट एंड रिड्यूस रिस्क। ऐसी दो कंपनियां जो आपस में किसी तरीके से रिलेटेड नहीं थी, ना बिजनेस से, ना टेक्नोलॉजी से, ना किसी चीज से, वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, किस लिए, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए और अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, तो उस चीज को कहा जाता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। तो अ प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर इज ऑल्सो नोन एज को जेनरिक मर्जर। हेयर टू कंपनीज दैट प्रोवाइड सेपरेट सर्विसेज टू द सेम कस्टमर बेस लाइक वाईफाई प्रोवाइडर एंड अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर वर्क टुगेदर। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर क्या होता है, ऐसा मर्जर, इसे हम को जेनरिक मर्जर भी कहते हैं, इसके अंदर दो कंपनियां जो सेम कस्टमर को दो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएं, तो उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। जैसे कि एक वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर और जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है उनके जो कस्टमर हैं वो दोनों के सेम ही हैं, तो वो दोनों अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कहलाएगा आपका प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। नेक्स्ट आता है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। तो कंपनीज दैट सेल द सेम आइटम बट कंप्लीट इन सेपरेट मार्केट ऑफन मर्ज टुगेदर अंडर दिस टाइप ऑफ मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर क्या होता है, ऐसी दो कंपनियां जो सेम आइटम सेल करती हैं लेकिन दो अलग अलग मार्केट में सेल करती हैं, उसे कहा जाता है, अगर वो दोनों कंपनियां कंबाइन होती हैं तो वो कहलाएगा आपका मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। कंपनीज दैट मर्ज इन मार्केट एक्सटेंशन ट्रांजेक्शन वॉन्ट टू एक्सपेंड देयर क्लाइंट बाई गेनिंग एक्सेस टू अ लार्ज मार्केट। जो ये कंपनीज होती हैं वो किस लिए मर्ज होती हैं, ताकि उन्हें एक लार्ज मार्केट का गेन मिल सके और वो अपने बिजनेस को, ट्रांजेक्शंस को एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन है उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो नंबर वन, पहला एडवांटेज होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज कंबाइंड ऑपरेशन में रिजल्ट इन रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होता है, कॉस्ट की सेविंग होती है क्योंकि जो ऑपरेशंस हैं वो कंबाइंड होकर चलते हैं, जिससे रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन कम होता है, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन रहते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन हेल्प कंपनी एक्सपेंड देयर मार्केट प्रेजेंस एंड इंक्रीज मार्केट शेयर, अलाउइंग देम टू कम्पीट मोर इफेक्टिवली एंड कैप्चर अ लार्ज मार्केट बेस। मर्जर एंड एक्विजिशन की मदद से कंपनी क्या कर पाती है, अपनी प्रेजेंस को, अपने मार्केट शेयर को बढ़ा पाती है, एक्सपेंड कर पाती है और वो और ज्यादा इफेक्टिवली तरीके से कॉम्पीट कर पाती है ग्लोबल मार्केट में और एक लार्ज कस्टमर बेस को कैप्चर कर पाती है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन इनेबल कंपनी टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग, कस्टमर सेगमेंट, ज्योग्राफिक रीच, इंडस्ट्री एक्सपोजर, रिड्यूसिंग रिस्क एंड एनहांसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट जो ऑफर करती हैं उन्हें डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, जो कस्टमर सेगमेंट है उनका उसे डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, जो उनका ज्योग्राफिकल रीच है उसे डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, अपनी इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर है उसे बढ़ा सकती हैं, अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकती हैं और बहुत सारी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हैं उन्हें गेन कर सकती हैं। नेक्स्ट है साइनर्जीज। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन क्रिएट साइनर्जीज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रेवेन्यू, कॉस्ट सेविंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दैट बेनिफिट द मर्ज्ड एंटिटी एंड इट्स स्टेक होल्डर। साइनर्जी का बेनिफिट मिलता है, मतलब जब मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो साइनर्जीज क्रिएट होती है, जो उनका म्यूचुअल वर्किंग होती है उससे क्या होता है, उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है, कॉस्ट की सेविंग होती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन प्रोवाइड कंपनीज विद एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज दैट एनहांस देयर कॉम्पिटेटिव पोजीशन एंड इनोवेशन पोटेंशियल। मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं उन्हें नई टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिल जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक्सेस मिल जाती है, एक्सपर्टीज आ जाती है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेटिव पोजीशन है वो बढ़ जाती है। तो ये सारे आपके बेनिफिट हो जाते हैं न्यू मर्जर एंड एक्विजिशन से, कि उनकी जो कैपेबिलिटीज है और न्यू टेक्नोलॉजी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इनहांस्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू इंक्रीज्ड रेवेन्यू जनरेशन, कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रेटेन बैलेंस शीट।
मर्जर एंड एक्विजिशन से क्या होता है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है या पोजीशन होती है एक कंपनी की, वो इनहांस हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। किस तरीके से? क्योंकि उनका जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ जाता है, उनकी कॉस्ट होती है वो सेव होने लगती है, रिड्यूस हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है और उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथन मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके एडवांटेजेस थे कि मर्जर एंड एक्विजिशन के आपके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस तो हमने देख लिया क्या क्या फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के, जैसे कि इंटीग्रेशन चैलेंज। तो मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफन फेस इंटीग्रेशन चैलेंज इंक्लूडिंग कल्चरल डिफरेंस, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डिसरप्शन एंड मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज दैट कैन इंपैक्ट द सक्सेस ऑफ कंबाइंड एंटिटी। इंटीग्रेशन चैलेंज में क्या आता है, मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि कल्चर का डिफरेंस आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, वर्क करने में डिसरप्शन होती है, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है और जो सक्सेस है वो कंबाइंड एंटिटी की उस पर भी इंपैक्ट पड़ने लगता है। तो ये चीज आती है आपकी इंटीग्रेशन चैलेंज के अंदर। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल रिस्क का डिसएडवांटेज। तो मर्जर एंड एक्विजिशन इन्वॉल्व फाइनेंशियल रिस्क सच एज ओवरपेइंग फॉर द टारगेट कंपनी, टेकिंग एन एक्सेसिव डेट, फेसिंग अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटी और कॉस्ट, और एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ड्यू टू ट्रांजेक्शन। क्या होता है, जो मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से अब अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो उस पर रिस्क भी बढ़ जाता है, जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। और किस वजह से होता है फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी डेट ज्यादा ले लेती है, अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटी बढ़ जाती है, या कोई कॉस्ट इनकर हो जाती है, या फिर कोई फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है ट्रांजेक्शन की वजह से, ये सारी चीजों की वजह से फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी हर्डल्स। तो मर्जर एंड एक्विजिशन आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी स्क्रूटिनिटी एंड अप्रूवल प्रोसेस दैट कैन डिले और प्रिवेंट द कंपटीशन ऑफ ट्रांजैक्शन, पार्टिकुलरली इन केस व्हेन एंटी ट्रस्ट और कंपटीशन कंसर्न अराइज। क्या बोला है, कई सारी रेगुलेटरी हर्डल्स आती है, मतलब जब मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो उनको रेगुलेशंस के रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि रेगुलेटरी स्क्रूटिनिटी आ जाती है, अप्रूवल का प्रोसेस होता है उसमें डिले होने लगती है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने से कंप्लीट नहीं हो पाती है कोई ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें, कई सारे हर्डल्स आते हैं, कई सारी रुकावटें आती हैं उनके मर्जर और एक्विजिशन के प्रोसेस में भी। नेक्स्ट है एम्प्लॉई कंसर्न। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी एंड एंग्जाइटी अमंग एम्प्लॉई ऑफ बोथ द एक्वायरिंग एंड टारगेट कंपनी, लीडिंग टू मोरल इशू, टारगेट टैलेंट रिटेंशन चैलेंज, वर्क फॉर रिडंडेंसी एंड रेजिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉई कंसर्न क्या होता है, जब मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो जो कंपनीज होती हैं दोनों ही, चाहे एक्वायरिंग कंपनी हो चाहे टारगेट कंपनी हो, वो उनके जो एम्प्लॉई होते हैं उनका मोरल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें पता नहीं होता कि उनको जॉब पर रखा जाएगा, किन्हें रिटेन करा जाएगा, किन्हें रिटेन नहीं करा जाएगा, क्या क्या उनको चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से वर्कफोर्स रिडंडेंसी होती है और जो रेजिस्टेंस टू चेंज की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है आपकी। नेक्स्ट है रेपुटेशन रिस्क। तो मर्जर एंड एक्विजिशन कैन इंपैक्ट द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्ड एज स्टेक होल्डर, कस्टमर, इन्वेस्टर एंड पब्लिक में रिपर्सिव द ट्रांजेक्शन नेगेटिवली ड्यू टू कंसर्न अबाउट ट्रस्ट, एथिक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या बोला है, रेपुटेशन को भी रिस्क आ जाता है मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से, जो स्टेक होल्डर होते हैं, कस्टमर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, जनरल पब्लिक होती है, वो कई सारी ऐसी ट्रांजेक्शन कर लेती है, नेगेटिव ट्रांजेक्शन कर लेती है, मतलब जो अपना इंटरेस्ट है उसे कंपनी के अंदर से कम कर लेती है, क्योंकि या तो दूसरी कंपनी के ऊपर उन्हें ट्रस्ट, एथिक, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रॉब्लम, ये सारे उन्हें इश्यू दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इंटरेस्ट को कम कर लेती हैं और इसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन भी खराब फिर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट। तो मर्जर एंड एक्विजिशन में फेल टू अचीव देयर इंटेंडेड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इफ देयर इज अ लैक ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन द कंपनीज कल्चर, बिजनेस मॉडल, गोल्स, एग्जीक्यूशन प्लान, रिजल्टिंग इन सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और वैल्यू क्रिएशन। क्या बोला है, स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट का डिसएडवांटेज है कि अगर मर्जर एंड एक्विजिशन फेल हो जाता है तो इससे क्या होगा, जो कंपनीज रहेंगी दोनों वो अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगी, और अलाइनमेंट किस लिए नहीं हो पाता है, कंपनी के कल्चर की वजह से, बिजनेस मॉडल की वजह से, गोल्स, एग्जीक्यूशन प्लान और सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इससे कंपनी की हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाता है और ये एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर देता है कंपनी के लिए। ठीक है, ये था आपका मर्जर एंड एक्विजिशन का कंसेप्ट। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस का। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होती है, तो आ स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ कोऑपरेटिव एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन टू परस्यू म्यूचुअल गोल्स, शेयर रिसोर्स, कैपेबिलिटी एंड रिस्क एंड क्रिएट सिनर्जी दैट बेनिफिट ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होती है, ये एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा कंपनीज के बीच में, जिसके अंदर वो अपने म्यूचुअल गोल्स, जो जो उन कंपनीज के गोल है उन्हें परस्यू करते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को शेयर करते हैं, अपने रिस्क को शेयर करते हैं और आपस में मिलकर सारे सिनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी पार्टी उस स्ट्रेटेजिक अलायंस में इन्वॉल्व होती है उन सभी को इसका बेनिफिट मिलता है, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस कैन टेक वेरियस फॉर्म रेंजिंग फ्रॉम जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप टू कोलैबोरेशन एंड कंसोर्टिया एंड आर टिपिकली फॉर्म टू लिवरेज कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ, एक्सेस न्यू मार्केट टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज एंड एनहांस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन अ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। स्ट्रेटेजिक अलायंस कई सारे तरीकों से हो सकता है, जॉइंट वेंचर की मदद से, पार्टनरशिप की मदद से, कोलैबोरेशंस की, कंसोर्टिया की मदद से, और ये करा किस लिए जाता है, जिससे न्यू मार्केट की एक्सेस मिल सके, न्यू टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिल सके, न्यू एक्सपर्टीज की एक्सेस मिल सके और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट किया जा सके। ये सारे आपके बेनिफिट्स होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस की। जो स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है वो किस किस टाइप का होता है,
तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस में हमारे पास पहला आएगा ज्वाइंट वेंचर। अ ज्वाइंट वेंचर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्मड बाय टू और मोर कंपनी टू परस्यू अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वेंचर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी टुगेदर शेयरिंग रिसोर्सेज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, ये एक तरीके की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में आती है किसी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एक वेंचर बनाने के लिए या किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टुगेदर एक्वायर करने के लिए, जिसके अंदर वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, अपने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करती हैं, जैसा भी उन्होंने एग्रीमेंट में डिसाइड करा होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इक्विटी अलायंस। तो इन एन इक्विटी अलायंस पार्टनर इन्वेस्ट इन ईच अदर बिजनेस बाय एक्वायरिंग ओनरशिप स्टेक शेयर और इक्विटी पोजीशन अलाइंग देम टू अलाइन देयर इंटरेस्ट शेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड कोलैबोरेट ऑन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। इक्विटी अलायंस क्या होता है, इसके अंदर जो कंपनीज आपस में पार्टनरशिप करती हैं वो एक दूसरे के बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती हैं उनके स्टेक ओनरशिप को एक्वायर करके, उसके बाद उनकी एक इक्विटी पोजीशन हो जाती है कंपनी के अंदर, उनका इंटरेस्ट हो जाता है, रिस्क और रिवॉर्ड वो दोनों चीजें शेयर करती हैं और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव में कोलैबोरेशन करती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो अ नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस इज क्रिएटेड व्हेन टू और मोर कंपनीज साइन अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप टू पूल देयर रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज टुगेदर। नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, एक अलायंस जिसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट के थ्रू रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को शेयर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के। तो नंबर वन आता है हमारा एक्सेस टू न्यू मार्केट। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस इनेबल कंपनी टू एंटर न्यू मार्केट ज्योग्राफी और कस्टमर सेगमेंट बाय लिवरेजिंग देयर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क रिलेशनशिप एंड मार्केट नॉलेज। सबसे पहला एडवांटेज यही आता है, न्यू मार्केट की एक्सेस मिल जाती है। जो भी पार्टनर्स होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर वो एक दूसरे पार्टनर्स की ज्योग्राफिकल मार्केट कस्टमर सेगमेंट के अंदर अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपनी न्यू मार्केट के अंदर वो एंटर कर पाते हैं इजिली। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल जाता है उन्हें, न्यू नेटवर्क मिल जाता है अपने पार्टनर का, जिसकी वजह से उनकी मार्केट एक्सेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज होता है रिसोर्स शेयरिंग। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस अलाउ कंपनी टू पूल रिसोर्स कैपेबिलिटी एक्सपर्टीज एंड एसेट्स टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिड्यूस कॉस्ट मिटिगेट रिस्क एंड एक्सेलरेट इनोवेशन और ग्रोथ इनिशिएटिव। रिसोर्स शेयरिंग के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रेटेजिक अलायंस कंपनीज होती हैं वो अपने रिसोर्सेज को पूल करती हैं, मतलब एक साथ लाती हैं, अपनी कैपेबिलिटीज एक्सपर्टीज एसेट सारी चीज़ों को इकट्ठा करती हैं, जिससे क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होता है, साथ में एक्सपर्टीज मिलती है, कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, रिस्क मिटिगेट हो पाता है और इनोवेशन और ग्रोथ हो पाती है ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज होता है रिस्क शेयरिंग का। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस हेल्प कंपनी शेयर रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और वेंचर बाय स्प्रेडिंग फाइनेंशियल एक्सपोजर ऑपरेशनल चैलेंज मार्केट अनसर्टेनिटी और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग पार्टनर। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस की मदद से जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे का रिस्क को भी शेयर करते हैं, जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर उसमें अगर कोई भी रिस्क इन्वॉल्व होता है तो उस चीज को वो आपस में शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस ब्रिंग टुगेदर पार्टनर विद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ स्किल टेक्नोलॉजी और रिसोर्स दैट एनहांस देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और सर्विस ऑफरिंग। और क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब एक पार्टनर के पास जो स्ट्रेंथ नहीं है वो दूसरे पार्टनर के पास है अगर, तो उसका बेनिफिट सारे पार्टनर्स को मिलता है। तो इस तरीके से वो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ बना देता है जिससे उनकी पोजीशन वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और सर्विस ऑफरिंग सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग एंड नॉलेज ट्रांसफर। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस फैसिलिटेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी नॉलेज एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिस विद बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू कोलैबोरेशन विद पार्टनर हु ब्रिंग डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू द टेबल। और क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस की मदद से लर्निंग एंड नॉलेज का ट्रांसफर होता है, अपॉर्चुनिटीज जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं नॉलेज का एक्सचेंज होता है, प्रैक्टिस शेयरिंग होती है, मतलब जो भी स्किल्स हैंगी उनके पास पार्टनर्स के पास वो आपस में शेयर करते हैं, जिससे एक डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है और एक्सपीरियंस मिलता है सारी जो भी उसमें पार्टनर्स कंपनीज होती हैं उन्हें। नेक्स्ट होता है साइनर्जीज एंड इनोवेशन। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस फोस्टर साइनर्जीज दैट ड्राइव इनोवेशन क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वैल्यू क्रिएशन बाय कंबाइनिंग यूनिक कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव एंड आइडिया फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल। और क्या बोला है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस की मदद से जो साइनर्जी का बेनिफिट मिलता है वो भी मिलता है, जिसकी मदद से क्रिएटिविटी आती है, इनोवेशन आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी होने लगती है, वैल्यू क्रिएशन होता है ऑर्गेनाइजेशन को, इस सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए कि स्ट्रेटेजिक अलायंस करने के क्या क्या आपके एडवांटेज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ये स्ट्रेटेजिक अलायंस वाला कंसेप्ट भी फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो एन एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी, इट रिप्रेजेंट द प्राइस एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर। एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो वैल्यू जिसमें एक करेंसी को हम दूसरी करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं और उसकी एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के मतलब दूसरी कंट्री की करेंसी के टर्म्स में उसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक कंट्री की करेंसी का दूसरी कंट्री की करेंसी में क्या प्राइस है, मतलब
इंडिया का अगर 1 रुपए है तो वो अमेरिका के कितने रुपीज के बराबर होता है, इस चीज को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एज दे डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसी एंड इंपैक्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो एक्सचेंज रेट होते हैं उनका एक बहुत क्रूशियल रोल होता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर। जो अलग अलग करेंसीज होती हैं वो कंट्रीज के एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को भी इम्पैक्ट करती हैं एक तरीके से, ठीक है। अब बात आती है आपकी एक्सचेंज रेट होते कितने टाइप के हैं, तो पहला टाइप होता है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इज पैक्ड और फिक्स्ड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी या बास्केट ऑफ करेंसी और अ कमोडिटी लाइक गोल्ड सेंट गोल्ड। क्या बोला है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर जो कंट्रीज होती हैं उनका जो एक्सचेंज रेट होता है वो फिक्स्ड होता है कि एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में उसकी क्या वैल्यू मानी जाएगी। इसे हम गोल्ड जैसी कमोडिटी के बेसिस पर फिक्स कर देते हैं। सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट प्री डिटरमाइंड लेवल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करेंसी जहां पर होती है, एक्सचेंज रेट होता है जहां पर, वहां पर क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होती है या जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में इंटरवीन करती है इसके मार्केट के बीच में। एग्जांपल है ऐसी कंट्री का जहां पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया और चाइना, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है उसमें क्या होता है, जो करेंसी का प्राइस डिटरमाइन होता है वो किसकी मदद से होता है, जो मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड के फोर्सेस होते हैं उनकी मदद से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड मार्केट स्पेकुलेशन। जो एक्सचेंज रेट में फैक्टर्स होते हैं सप्लाई एंड डिमांड के, वो कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे कि इन्फ्लेशन रेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मार्केट स्पेकुलेशन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मोस्ट मेजर करेंसीज इंक्लूडिंग यूएस डॉलर, यूरो एंड जापानीज येन ऑपरेट अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो यूएस डॉलर जो हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, ये सारे कौन से हैं, जो कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के आपके एक्सचेंज रेट होते हैं। अब वही आपको फैक्टर डिस्कस करके बता रखे हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट इंक्लूड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्सचेंज रेट को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला फैक्टर वही है आपका इंटरेस्ट रेट। हायर इंटरेस्ट रेट इन अ कंट्री अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू एन एप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी। अगर किसी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो जो बाहर के इन्वेस्टर होंगे वो उस कंट्री में अपना पैसा ज्यादा लगाने को, मतलब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो उस कंट्री की करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाएगी जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। कन्वर्सली लोअर इंटरेस्ट रेट कैन रिजल्ट इन डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जो करेंसी है उसका डेप्रिसिएशन आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लेशन रेट्स। तो कंट्रीज विद लो इन्फ्लेशन रेट्स जनरली हैव स्ट्रॉन्गर करेंसी एज देयर परचेजिंग पावर इज हाई। ऐसी कंट्रीज जिनका लो इन्फ्लेशन रेट होता है, मतलब जहां पर ज्यादा महंगाई नहीं होती है, वो स्ट्रॉन्गर करेंसी होती है, उनकी परचेजिंग पावर हाई होती है, वहां की जो करेंसी होती है वो स्ट्रॉन्गर रहती है। हाई इन्फ्लेशन रेट कैन इरोड द वैल्यू ऑफ करेंसी। वहीं अगर कोई कंट्री ऐसी है जहां पर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो उसकी करेंसी की वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो फैक्टर सच है जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड बैलेंस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैन इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट बाय रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक इंडिकेटर में जैसे कि जीडीपी ग्रोथ हो गई, एम्प्लॉयमेंट रेट लेवल आ गया, ट्रेड बैलेंस आ गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ गया, ये सारी चीजों का भी एक्सचेंज रेट पर एक इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गवर्नेंस इश्यू इज एन कंट्री कैन इंपैक्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड लीड टू फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। उसके अलावा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट का कितना इंटरवेंशन है, ये सारी चीजों पर भी एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है। इन्वेस्टर उन्हीं के अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से फिर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट है मार्केट स्पेकुलेशन। तो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इंगेजिंग इन स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैन कॉज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन। उसके अलावा मार्केट स्पेकुलेशन, मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी इस स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। वो शॉर्ट टर्म के लिए फ्लक्चुएशन ला देते हैं जिसके बेसिस पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है उतने टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपके 5 फैक्टर थे जो डिटरमाइन करते हैं आपके एक्सचेंज रेट को। तो देखिए अब आगे है हमारे पास थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट की आपकी क्या क्या थ्योरीज होती है। पहली है कि परचेज पावर पैरिटी थ्योरी। तो द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी सजेस्ट दैट इन द लॉन्ग रन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी शुड एडजस्ट टू इक्वलाइज द प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ईच कंट्री। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि लॉन्ग रन में हमें क्या करना चाहिए, जो दो कंट्रीज की करेंसीज हैं उनके बीच का जो एक्सचेंज रेट है उसे इस तरीके से इक्वल करना चाहिए कि जो गुड्स एंड सर्विस हो एक बास्केट के, वो दोनों की वैल्यू इक्वलाइज हो जाए दोनों कंट्रीज में। देयर आर टू वर्जन ऑफ पीपीपी। दो तरीके की पीपीपी थ्योरी होती है। एब्सोल्यूट पीपीपी विच स्टेट दैट द एक्सचेंज रेट शुड इक्वलाइज द प्राइस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन डिफरेंट कंट्री। एब्सोल्यूट पीपीपी क्या कहती है कि जो एक जैसे गुड्स देंगे उनके दोनों कंट्री में प्राइस इक्वलाइज हो जाने चाहिए, जो आइडेंटिकल गुड्स होते हैं।
एंड रिलेटिव पीपीपी क्या कहती है, विच कंसीडर चेंज इन रिलेटिव प्राइस लेवल ओवर टाइम, कि जो प्राइस लेवल है उसमें टाइम के अकॉर्डिंग रिलेटिवली चेंज आना चाहिए, ये कहती है रिलेटिव पीपीपी थ्योरी। पीपीपी इंप्लाइज दैट एक्सचेंज रेट चेंजेस आर ड्राइवन बाय इन्फ्लेशन डिफरेंशिएट बिटवीन द कंट्री, जो पीपीपी थ्योरी है उसमें जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होता है, इन्फ्लेशन की मदद से जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होता है इसका आपका, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, तो द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी पोजिस्ट दैट द डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट बिटवीन टू कंट्रीज शुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड चेंज इन एक्सचेंज रेट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। क्या बोला है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो दो कंट्रीज हैंगी उनके बीच में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस हैगा वो कैसा होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, जो उनके एक्सचेंज रेट के बीच में जो चेंज आ रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आईआरपी इन्वेस्टर विल सीक हायर रिटर्न इन कंट्री विद हायर इंटरेस्ट रेट, जो इन्वेस्टर होते हैं वो उस कंट्री में पैसा लगाना इन्वेस्ट करते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट हायर होता है, लीडिंग टू कैपिटल फ्लो डेट विल एडजस्ट द एक्सचेंज रेट टू मेंटेन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। और इससे फिर क्या होता है, उस कंट्री में कैपिटल का फ्लो होता है, उससे एक्सचेंज रेट एडजस्ट होता है और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मेंटेन रहता है कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये दो थ्योरी आपको कवर करनी है, सिर्फ इतना ही कवर करना थ्योरी, और इससे ज्यादा इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सर्टेन बिजनेस फंक्शन और प्रोसेस टू एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर रदर देन हैंडलिंग देम इन हाउस। आउटसोर्सिंग क्या है, ये एक तरीका है जिसमें हम जो हमारे बिजनेस फंक्शन है उसे किसी बाहर की एंटिटी को या बाहर के इंडिविजुअल को दे देते हैं परफॉर्म करने के लिए, रेदर देन कि उन्हें हम खुद परफॉर्म करें, हम किसी और से परफॉर्म करवा लेते हैं और उसके लिए हम उन्हें पे करते हैं, तो ये प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है आउटसोर्सिंग। दिस स्ट्रेटेजिक डिसीजन अलाउ कंपनी टू फोकस ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंसी, इससे क्या होता है जो कंपनीज होती हैं वो उनकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है उस पर फोकस कर पाते हैं, जो एक्स्ट्रा की एक्टिविटीज होती हैं वो आउटसोर्स कर देते हैं, वाइल लिवरेजिंग द स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज रिसोर्स एंड कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ थर्ड पार्टी वेंडर। और ये किससे लेते हैं, जो ये आउटसोर्सिंग की सर्विस है, जो थर्ड पार्टी होती है जो उस चीज में एक्सपर्टीज होती है, जिसके पास उससे रिलेटेड रिसोर्स होते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी जो मेंटेन कर सकते हैं, उनसे ये सर्विस लेते हैं। आउटसोर्सिंग कैन इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, कस्टमर सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड मोर। आउटसोर्सिंग के अंदर कई सारी तरीके की एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको आउटसोर्स कर दें, कस्टमर सपोर्ट की सर्विस होती है उसे आउटसोर्स कर दें, मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन रिसोर्स की सर्विस होती है वो आउटसोर्स कर दें, अकाउंटिंग की सर्विस, मार्केटिंग की और कई जितनी भी सर्विसेज होती हैं उन सभी को हम आउटसोर्स कर सकते हैं। अब आता है एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग कंपनीज करती क्यों है, तो नंबर वन आता है कॉस्ट सेविंग है, तो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कंपनी ऑप्ट फॉर आउटसोर्सिंग टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, जिन कंपनीज की ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होती है वो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए सर्विसेज को आउटसोर्स कर देते हैं, बाय आउटसोर्सिंग नॉन कोर फंक्शन टू कंट्रीज विद लोअर लेबर कॉस्ट कंपनीज कैन अचीव सिग्निफिकेंट सेविंग ऑन वेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंस। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, जो नॉन कोर फंक्शन है कंपनीज का जिसमें उनकी ज्यादा लेबर लोअर लेबर कॉस्ट होती है कंपनीज की, जिन कंट्रीज में वहां पर आउटसोर्स कर देते हैं, जिससे जो हमारी कंट्री में जो हमारी कॉस्ट होती है वेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ट्रेनिंग की, ओवरहेड की, वो सारी कॉस्ट सेव हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड स्किल्स, तो आउटसोर्सिंग इनेबल बिजनेस टू एक्सेस अ पूल ऑफ स्पेशलाइज्ड टैलेंट एंड एक्सपर्ट दैट मे नॉट बी अवेलेबल इंटरनली। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, जो हमारे पास स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज मिलती है हमें काम करने में, जो हमारे पास हमारी कंपनीज के अंदर नहीं है, जब हम आउटसोर्स करते हैं तो किसी एक्सपर्टीज कंपनी को या एक्सपर्ट इंडिविजुअल को अपना वर्क आउटसोर्स करते हैं, उससे हमारे वर्क की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। सर्विस प्रोवाइडर ऑफन हैव डेडिकेटेड टीम विद स्पेसिफिक स्किल एंड एक्सपीरियंस इन एरिया सच एज आईटी डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिटिक्स एंड मोर। इसमें क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पास उससे रिलेटेड सारी स्किल्स होती हैं, सारी एक्सपर्टीज होती है, सारा एक्सपीरियंस होता है और सारी रिसोर्सेज होते हैं जिसकी मदद से वो हमारे वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज, तो आउटसोर्सिंग अलाउ कंपनीज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर कोर बिजनेस एक्टिविटी एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। आउटसोर्सिंग क्या अलाउ करती है कंपनी को, अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज पर कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करती है, बाई डेलीगेटिंग रूटीन और नॉन एसेंशियल टास्क टू एक्सटर्नल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन कैन स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन। अपने नॉन रूटीन और रूटीन और नॉन एसेंशियल टास्क है उसे अपने आउटसोर्स प्रोवाइडर को, मतलब सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स करके क्या करती हैं, जो उनका ऑपरेशन है उसे स्ट्रीमलाइन करती हैं, मतलब स्मूथली रन करती हैं, इंप्रूव एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और एंड एलोकेट रिसोर्स मोर इफेक्टिवली, और वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर पाती हैं। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो आउटसोर्सिंग प्रोवाइड स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट फ्लक्चुएशन डिमांड ऑन सीजनल रिक्वायरमेंट। इससे क्या होता है, आउटसोर्सिंग से स्केलेबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, डिमांड और जो डिमांड में फ्लक्चुएशन की वजह से आती है, कंपनीज कैन इजीली एडजस्ट द लेवल ऑफ आउटसोर्स सर्विस बेस्ड ऑन बिजनेस नीड विदाउट द कॉन्स्टेंट ऑफ हायरिंग एंड मैनेजिंग एडिशनल स्टाफ इंटरनली। कंपनी जो है वो आउटसोर्सिंग का लेवल को एडजस्ट कर सकती है, जब जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उतनी एक्टिविटी को आउटसोर्स कर सकती है, इससे कंपनीज की जो
एक कॉस्ट होती है, कॉन्स्टेंट होता था कि हाँ अगर हमारी एक्टिविटीज बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो हमें स्टाफ को हायर करना पड़ेगा वो परफॉर्म करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, उन्हें सिर्फ आउटसोर्स प्रोवाइडर को बताना होता है, अब वो देखेगा उसे कैसे परफॉर्म करना है, कंपनीज का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट या कॉन्स्टेंट नहीं होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है इनहांस्ड प्रोडक्टिविटी, तो आउटसोर्सिंग कैन इनहांस प्रोडक्टिविटी बाय अलाउइंग एम्प्लॉय टू फोकस ऑन हाई वैल्यू टास्क दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू बिजनेस ग्रोथ। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि एम्प्लॉय अपनी जो हाई वैल्यू टास्क है उनके ऊपर फोकस कर पाते हैं जो कि डायरेक्टली बिजनेस की ग्रोथ में और इनोवेशन में हेल्प करता है। बाय ऑफलोडिंग रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग फंक्शन टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। कंपनीज अपना ऐसा फंक्शन जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, रिपीटेटिव फंक्शन है, उसे एक्सटर्नल प्रोवाइडर को आउटसोर्स करके क्या कर पाती है, अपनी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाती है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मिटिगेशन, तो आउटसोर्सिंग कैन हेल्प मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद सर्टेन बिजनेस फंक्शन। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, जो हमारा रिस्क होता है कुछ बिजनेस फंक्शन के साथ जैसे कि कंप्लायंस वगैरह, साइबर सिक्योरिटी हो गई आपकी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गई, सर्विस प्रोवाइडर ऑफन हैव स्टेबलाइज्ड प्रोसेस बेस्ट प्रैक्टिस एंड सिक्योरिटी मेजर इन प्लेस टू इंश्योर डाटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो ये सारी जो रिस्क होते हैं वो सारे कौन देखता है, आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर के होते हैं। इसमें कंपनी का कोई भी रिस्क नहीं होता है, उन्हें सिर्फ आउटसोर्स एक्टिविटी के लिए पेमेंट करनी होती है, उसी में उनका रिस्क कवर हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्सपेंशन, तो आउटसोर्सिंग कैन फैसिलिटेट ग्लोबल एक्सपेंशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, लोकल एक्सपर्टीज एंड कल्चरल इनसाइट्स। कंपनी कैन लिवरेज आउटसोर्सिंग पैटर्न इन डिफरेंट रीजन टू सपोर्ट मार्केट एंट्री, लोकलाइजेशन एक्सपर्ट एंड एफर्ट्स एंड क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन। इससे क्या होता है, कंपनीज का ग्लोबली एक्सपेंशन होता है क्योंकि आउटसोर्सिंग की मदद से क्या होता है, उन्हें इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस मिल जाती है कंपनीज को, लोकल एक्सपर्टीज भी मिलती है उन्हें और कल्चरल इनसाइट्स भी मिलती है, जिसकी वजह से उनका ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंशन हो पाता है, ठीक है। तो देखिए आउटसोर्सिंग एंड इट्स पोटेंशियल फॉर इंडिया, कि इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग की क्या पोटेंशियल है। तो रीजन वाई आईटी आउटसोर्सिंग इन इंडिया इज बेस्ट डिसीजन, इंडिया के अंदर जो आईटी का आउटसोर्स करा जाता है वो बेस्ट डिसीजन क्यों है, तो नंबर वन है द लार्जेस्ट टैलेंट पूल ऑफ प्रोफेशनल। तो वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग आईटी सर्विस फ्रॉम इंडिया इज हैविंग टू एक्सेस द एक्सटेंसिव पूल ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल इन अ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया के अंदर जो आईटी सर्विस हैगी उसका सबसे ज्यादा आउटसोर्स किया जाता है, मतलब बाहर के लोग इंडिया से लोगों को बुलाते हैं आईटी सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए या उनसे आईटी सर्विस लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर स्किल्ड प्रोफेशनल का पूल है जो कि आईटी टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज रखते हैं। एज पर मोस्ट रिसेंट डेटा रिलीज्ड बाय स्टैटिस्टा, देयर आर 27.7 मिलियन डेवलपर ग्लोबली विद 5.4 मिलियन ऑफ देम बीइंग इंडियन। पूरे वर्ल्ड में 27.7 मिलियन डेवलपर हैं आईटी वाले, जिसमें से 5.4 मिलियन कहाँ के हैं, इंडिया के। इंडिया नाउ हैज मोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंडिया में 90% सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पूरे वर्ल्ड में से, सुपरपासिंग द यूनाइटेड स्टेट 4.4 मिलियन। यूनाइटेड स्टेट को भी सुपरपास करते हैं जहाँ पर 4.4 मिलियन है सिर्फ, ठीक है। तो ये सबसे पहला रीजन है। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज अवेलेबल एट फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस रिमेन वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग टू इंडिया इवन आफ्टर 30 ईयर, अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट डाटा ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्ली वेज प्रोवाइडेड बाई ग्लासडोर। Hiring a full-time programmer in United States cost $91,156 per year, which is 10 times more as the cost of hiring for same job role would cost $9,751 per annum in India. Cost effective भी होता है कि जो इंडिया के outsourcing करते हैं IT service की वो बहुत ज़्यादा cost effective होते हैं, flexible pricing होती है। एक data दिया है कि अगर United States में एक साल की cost आती है आउटसोर्स करने के आईटी सर्विस की $91,156, तो इंडिया में वही काम सिर्फ एक साल का $9,751 में करके दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी सर्विस, तो इंडिया प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विस डिलीवरी इन एडिशन टू हाईली स्किल्ड वर्कर्स, इट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर आर कटिंग एज टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज। इंडिया के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है जो कि एक एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। The best international standard are followed by outsourcing companies in India, including capability maturing level model, total quality management, customer operation, performance center, etc. जो इंडिया के अंदर रहेंगे वो इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में से जो भी बेस्ट फॉलोड आउटसोर्सिंग कंपनी देंगी उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि कैपेबिलिटी मैच्योरिंग मॉडल हो गया, टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट की पॉलिसी, कस्टमर ऑपरेशन परफॉर्मेंस सेंटर, ये सारी चीज़ें फॉलो करके हाई क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड आई टी इंडस्ट्री, तो डॉट डेवलपमेंट ऑफ नेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर हैज बीन इनकरेज्ड बाय अ नंबर ऑफ एक्शन मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और क्या बेनिफिट है कि जो ये आईटी सेक्टर है इंडिया के अंदर उसे गवर्नमेंट से प्रमोशन मिल रहा है, गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है उस चीज को, तो इसका भी बेनिफिट उन्हें मिल जाता है। सम ऑफ द एक्शन दैट हैड बीन इंप्लीमेंटेड इंक्लूडिंग द बजट एलोकेशन फॉर आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर इन यूनियन बजट 2023-24,
कुछ स्टेप्स लिए हैं जो बताए हैं गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर उन्होंने आईटी सेक्टर को अलग से बजट भी एलोकेट करा है। यूनियन बजट 2023-24 के अंदर कितने रुपीज का, 97,579.05 करोड़ यूएस डॉलर में 11.77 बिलियन डॉलर जो होते हैं, इतने का बजट आईटी सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर को एलोकेट करा था गवर्नमेंट ने। द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम एटसेट्रा, और क्या करा है गवर्नमेंट ने, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वगैरह भी सेटअप करके इस स्कीम का बेनिफिट आईटी सेक्टर्स को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोला है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया का जो स्ट्रक्चर हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो भी कैसा हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है। विच सपोर्ट कंट्रीज फास्ट एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, जो कि कंट्री को क्या बना रहा है, एक बहुत ज्यादा फास्ट एक्सपेंडिंग इकोनॉमी बना रहा है। विद जीडीपी ऑफ 3.7 ट्रिलियन, इंडिया करंटली रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड अहेड ऑफ यूके, फ्रांस, कनाडा, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की जीडीपी आज के टाइम पर 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि पांचवें नंबर पर आती है यूके, फ्रांस, कनाडा, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बाद। ठीक है, तो ये था आपका इंडिया के लिए आउटसोर्सिंग की क्या पोटेंशियल है, क्या रीजन हैंगे जो आईटी सर्विसेज को इंडिया से आउटसोर्स करा जाता है। जो लास्ट कंसेप्ट है आपका इस यूनिट का, वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आज के लोगों की नीड्स को इस तरीके से फुलफिल करना कि आगे आने वाली जनरेशन की नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, उस चीज को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थ्री पिलर्स क्या है सस्टेनेबिलिटी के, तीन पिलर्स बताए हैं आपके। तो पहला पिलर में आता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो वी मस्ट मेक श्योर दैट वी आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्स लाइक मटेरियल, एनर्जी, फ्यूल, लैंड एंड वाटर एज अ सस्टेनेबल रेट। इफ वी आर लिव इन अ रियली सस्टेनेबल वे, देन इट्स ऑफन टर्म्ड एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्या बोला है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, मटेरियल, एनर्जी, फ्यूल, लैंड और वाटर का एक सस्टेनेबल रेट से। तो अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है धरती के ऊपर, तो हमें इसका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वे में इसका यूज करना चाहिए, जिससे इसका नुकसान किसी को भी ना हो, ना तो नेचर को और ना ही हमें खुद। बिकॉज सर्टेन रिसोर्सेज आर मोर रेडली अवेलेबल देन अदर्स, वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट फैक्टर लाइक मटेरियल स्कार्सिटी एंड हार्म दैट कम फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग दीज रिसोर्सेज टू दी एनवायरमेंट। क्योंकि क्या है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आसानी से अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन कुछ हैंगे बहुत ज्यादा रेयर रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो हमें इनकी मटेरियल स्कार्सिटी, इनसे होने वाले हार्म, नेचर को, इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए इनको एक्सट्रैक्ट करते समय। Whether or not the resource can still be used in accordance with circular economy, और क्या हम इस resource को उसी rate से use कर सकते हैं जिस rate से करते आए हैं, या इसके use के rate में हमें decline करना चाहिए, वो सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, तो उसे कहा जाता है आपका environmental sustainability। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो अ कंपनी और नेशन मस्ट यूज इट्स रिसोर्स एथिकली एंड एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू एबल टू रन सस्टेनेबली एंड जनरेट एन ऑपरेशनल प्रॉफिट ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक कंपनी या एक नेशन को अपने रिसोर्सेज का यूज एथिकली और एफिशिएंटली तरीके से करना चाहिए, जिससे वो सस्टेनेबल रहे और एक ऑपरेशनल प्रॉफिट जनरेट कर सके रेगुलर बेसिस पर। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो इसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आपका कहा जाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ऑपरेट और सर्वाइव विदाउट अ प्रॉफिट। एक ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के सर्वाइव और ग्रो नहीं कर सकती है। इन लॉन्ग रन अ कंपनी कैन नॉट रिमेन वायबल इफ डज नॉट ऑपरेट प्रॉपरली एंड यूटिलाइज इट्स रिसोर्स इफेक्टिवली। और लॉन्ग रन में एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी नहीं अगर वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं करेगी, यूटिलाइज अच्छे तरीके से इफेक्टिवली नहीं करेगी। तो थर्ड आता है हमारा सोशल सस्टेनेबिलिटी। तो सोशल सस्टेनेबिलिटी इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सोसाइटी और एनी सोशल सिस्टम टू परसिस्टेंटली अचीव अ गुड सोशल वेलबींग। सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, सोसाइटी की या किसी सोशल सिस्टम की वो एबिलिटी जिससे एक सोशल वेलबींग को अचीव किया जा सके, उसे कहा जाता है सोशल सस्टेनेबिलिटी। अचीविंग सोशल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर दैट द सोशल वेलबींग ऑफ अ कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कम्युनिटी कैन बी मेंटेन्ड इन लॉन्ग रन। सोशल सस्टेनेबिलिटी को कैसे अचीव किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एक कंट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की और कम्युनिटी की लॉन्ग रन में सोशल वेलबींग बनी रहे, मतलब वो सोशली वेल रहे सारे, तो वही चीज कहलाती है आपकी सोशल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब है आपका टू ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द मेन स्ट्रीम, यूनाइटेड नेशन लॉन्च्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड SDGs। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2030 एजेंडा स्टेबलाइज करा, जिसके अंदर उन्होंने 2030 एजेंडा बताया और SDGs के बारे में बताया। देयर आर 17 गोल्स एंड 169 टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाय 2030। इसके अंदर क्या है, 17 गोल्स बताए हैं और 169 टारगेट्स बताए हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं। रीचिंग द गोल रिक्वायर एक्शन ऑन ऑल फ्रंट इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड पीपल एवरीवेयर ऑल हैव अ रोल टू प्ले। और इन गोल्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट का, बिजनेस का, सिविल सोसाइटी का और लोगों का, सभी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है, तो SDG 12, अब हमें इनमें कुछ SDGs के बारे में पढ़ना है जो ये गोल्स बताए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके कुछ गोल्स के बारे में पढ़ना है। तो SDG 12 क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है।
तो गोल 12 है हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, टॉक्स अबाउट द फॉलोइंग, किन किन चीजों के बारे में ये बताता है। नंबर वन है द 10 ईयर फ्रेमवर्क ऑफ प्रोग्राम ऑन सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न शुड बी इम्प्लीमेंटेड। 10 ईयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रोडक्शन पैटर्न और कंजम्पशन के लिए, विद इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन लीडिंग द वे व्हाइल ऑल टेकिंग डेवलपिंग नेशन कैपेसिटीज एंड डेवलपमेंट इनटू कंसीडरेशन, जिसमें जो डेवलप्ड नेशन है वो वे बनाएंगे और जो डेवलपिंग नेशन है उसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट और किस चीज पर बात करी गई है, अटेन सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय 2030। जो सस्टेनेबल और एफिशिएंट तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना है 2030 तक। उसके अलावा अटेन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड ऑल फॉर्म ऑफ वेस्ट बाई 2020 फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। और क्या बोला है, एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट होना है, जो भी केमिकल और वेस्ट है 2020 तक का उसे मैनेज करना है। फिर रिड्यूस वेस्ट प्रोडक्शन बाई 2030 बाई इम्प्लीमेंटिंग रियूज रिसाइकल प्रिवेंशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। 2030 तक कम से कम वेस्ट जनरेट होने देना है और रियूज रिसाइकलिंग प्रिवेंशन एंड रिडक्शन प्रोसेस का यूज करना है। फिर फोस्टर द एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबली प्रैक्टिस बाय कंपनी पर्टिकुलरली बाय लार्ज एंड ट्रांजैक्शनल एंटिटी। जो कंपनीज हैं उन्हें भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस का यूज करना है, लार्ज और जो ट्रांजैक्शनल एंटिटी है पर्टिकुलरली उन्हें, और बाकी स्मॉल को भी करनी है। इसके अलावा हमें पढ़ना है SDG 17 के बारे में, जो कि है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो गोल 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स टॉक्स अबाउट द फॉलोइंग टारगेट, ये किन किन चीजों के बारे में बात करता है। पहला है स्ट्रेंथन डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्रू इंटरनेशनल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज टू इंप्रूव डोमेस्टिक कैपेसिटी फॉर टैक्स एंड अदर रेवेन्यू कलेक्शन। इसमें क्या बोला है कि जो रिसोर्स का मोबिलाइजेशन है उसे स्ट्रेंथन करना है, जिससे क्या हो इंटरनेशनल सपोर्ट मिले डेवलपिंग कंट्रीज को और डोमेस्टिक कैपेसिटी में टैक्स से रिलेटेड और रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड उन्हें बेनिफिट मिल सके। फिर स्टेबलाइज एंड पुट इफेक्ट पॉलिसी दैट इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसी पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाने हैं जिससे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैंगी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जा सके। फिर इनकरेज द डेवलपमेंट ट्रांसफर डिसमेंशन एंड डिफ्यूजन ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग किस चीज को इनकरेज करा जा सके, जो डेवलपिंग नेशन है उनके अंदर ट्रांसफर हो, डेवलपमेंट हो, डिसमेंशन हो और डिफ्यूजन हो किस चीज का, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का डेवलपिंग नेशन के अंदर, वो चीज को इनकरेज करना है। फिर स्ट्रेंथन द गोल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉम्प्लीमेंटेड बाय मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप दैट मोबिलाइज एंड शेयर नॉलेज एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन ऑल कंट्री इन पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज। और क्या करना है, ग्लोबल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना है, जिसके अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी वो अपने रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज फाइनेंशियल रिसोर्स सपोर्ट टेक्नोलॉजी इन सारी चीजों की एक्सेस किसे प्रोवाइड करवाएंगी, डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करवाएंगी, जिससे वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। तो ये था आपका SDG 17 के टारगेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो बिजनेस सर्व एज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, R&D, मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियलाइजेशन एंड इनकम जनरेशन। बिजनेस को क्या माना जाता है, ये एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, कमर्शियलाइजेशन होता है और इनकम जनरेशन का एक तरीका है। बिजनेस अनडाउटली प्ले अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग ऑलमोस्ट ऑल द टारगेट लिस्टेड इन SDGs। SDGs के अंदर जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जितने भी टारगेट दिए गए हैं वो किसकी मदद से, बिजनेस की मदद से ही अचीव किए जा सकते हैं। दिस गोज बियॉन्ड सिंपली क्रिएटिंग मोर नॉलेज टूल पर्सनल ऑपरेशन एंड प्रैक्टिसेस, इट फोकस आल्सो ऑन टॉकिंग डिप्रेटिव इंप्रूविंग प्रोपेंसिटी रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिर्फ नॉलेज देने के, टूल्स के, पर्सनल ऑपरेशन प्रैक्टिस, इन सारी चीजों के अलावा भी बिजनेस किस चीज में हेल्प करता है, प्रोपेंसिटी को इम्प्रूव करने में, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रमोट करने में भी बिजनेस हेल्प करते हैं। तो ये आपका एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है इस वजह से बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी के, कि अगर हमें सस्टेनेबिलिटी अचीव करनी है तो उसमें बिजनेस का एक रोल आपका होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 1 से 5 तक की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है, सारी चीजें आपको कवर करवा दी। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।